आपका अभी पहला दिन रहने वाला, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ब्लैक लाइट, ऑफ कोर्स वी नो दैट कि क्या सिचुएशन रहने वाली है। सेटिंग्स आज के दिन के अंदर थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स होंगी, इंशाल्लाह फर्दर बाय फर्दर आपको ब्रॉडकास्टिंग जो है, हमारी जो ब्रॉडकास्ट है, हमारा जो ये प्रोडक्शन सिस्टम है, ये इंशाल्लाह आपको डे बाय डे इम्प्रूव मिलेगा। मेरे साथ रहने वाले हैं राइट नाउ मोकी, जो कि ऑफ कोर्स एक यंग टैलेंट रहने वाला है। ना कि हम यहाँ पर इंशाल्लाह इन फ्यूचर एक यंग जितने भी हमारी जो टीम्स हैं उनको हम सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, बट साथ ही साथ हम बिल्कुल पाकिस्तान का यंग टैलेंट या यंग कास्टर्स जो हमारा टैलेंट रहने वाला है उसको भी साथ लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन पाथ की अगर बात करूँ, यहाँ पे भी बेल्टा पावर से लेके सीधा शूटिंग रेंज की जानब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट मोकी से भी इन्फॉर्मेशन लेंगे क्योंकि उसको पाकिस्तान की इनसे इस टीम्स की इन टीम्स की कितनी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, कितना वो जानते हैं इस चीज़ को। मोकी बताएं जी। अरे थैंक यू सो मच डीवन भाई फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो काफ़ी हम लोगों को पाकिस्तान की बड़ी बड़ी टीम्स इस टाइम पे खेलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन आई गेस सारा का सारा मैच आप अकेले ही देखना चाह रहे हैं। मेरे साथ भी कोई स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं भी इसको देख सकूँ। ओह माय गुडनेस तो सर, दिस इज द फर्स्ट टाइम एज यूजुअल। मैंने जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ें होती हुई हमें नजर जरूर आती। तो यहाँ पे जिस तरह टीम्स की बात की जाए और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ब्लैक लाइट डे वन हम लोगों को देखने को नजर आ रहा है। इसके स्टार्टिंग में ही हम लोगों को पाकिस्तान की टॉप टीम्स देखने को नजर आ रही है, ताकि इसकी स्टार्टिंग इन्होंने बुनियाद ही ऐसी रख रहे ताकि जो दूसरी टीम्स हैं नीचे अंडरडॉग्स टीम्स हैं उनके पास एक मौका रहेगा, इनकी एक्सपीरियंस से सीखने का मिलेगा। तो एक काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव हम लोगों को नज़र आता है दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए। तो डेफिनेटली जो टीम्स चाहती हैं कि कम्पिटिटिव के अंदर गेम खेलना चाहें तो उनके लिए एक मौका रहता है ब्लैक लाइट के अंदर आते हुए अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाएं। और हम लोगों को फ्यूचर में एक जो जिस आपने यहाँ पे राइजिंग टैलेंट की मेरी बात की है, तो यहाँ पे टीम्स भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अंडरडॉग टीम रहती हैं पाकिस्तान के अंदर, बस उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए और आई गेस ब्लैक लाइट एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनके लिए साबित हो सकता है। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस सर्कल। मैं मोकी आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दूँ दिस सर्कल पॉइंट आपके सामने। सर्कल जो है काफ़ी एक हार्ड शिफ्ट लेके जाता है। टीम्स क्वालिटी वी नो दैट लुपोवका वाली साइड पर जाती है, टीम बबलू वी नो दैट कि जोजापुल साइड पर जाती है, बट इफ़ यू कैन सी द क्लस्टर इन द साइड ऑफ जर्की, जर्की वाली साइड पे काफ़ी एक अच्छा क्लस्टर वाला। टीम आई एट इज इन द इन एंगेजमेंट। हम ज़्यादा देर नहीं करते, हम मेरे ख्याल से टीम आई एट की जानब ही बढ़ते हैं, और उसके बाद मैंने मोकी से भी स्क्रीन शेयर करनी। मोकी भी कह रहा होगा कि यार के टीम है भाई, क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं। आई एम जस्ट किडिंग अबाउट टीम। अभी कुछ ही देर के अंदर मोकी ओके आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूँ। आपने बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं नो होना, प्रॉब्लम, ठीक है? आपने बिल्कुल कोई अभी अगर उसका बात नहीं। की जाए अभी मोकी काइंडली काइंडली ये चीज़ें, वैसे इन फर्दर तो ये चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही होंगी, बट राइट नाउ काइंडली आपको प्राइवेट में ही कॉल कर दी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास उस डिस्कॉर्ड का था नहीं सिचुएशन। आप प्राइवेट में ठीक देख के कॉल एक्सेप्ट कर लें, एंड थैंक यू सो मच। और इसी के साथ गाइस, जितने भी यहाँ पे रहने वाले हैं, आपने मोकी को ज़रूर सपोर्ट करना है, बिकॉज इस तरह अरे का थैंक यू इस तरह सो के इस तरह मच। जितने भी यंग टैलेंट्स हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत सारे यंग टैलेंट्स आपको देखने को मिलते रहेंगे डे बाय डे। हम उनके बारे में बात भी करेंगे, उनके साथ उनको आगे फर्दर डिस्कस भी करेंगे। जस्ट मूविंग टुवर्ड द गेम, और टीम आई एट ने यहाँ पे फाइट एंगेज कर ली थी, बट ख़त्म हो चुकी है। बट यार हम चलते हैं, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है कि DDD के थग यहाँ पे रहने वाले हैं। मोकी आई एम श्योर राइट नाउ कि आपको वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी। या बिल्कुल अब यहाँ पे बिल्कुल जो सूरत हाल है वो हम लोगों को नजर आती है, इवन स्टीवन नजर आती दिखाई दे रही है। डीडी के स्क्वाड की बात की जाए तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेयर्स आते हुए दिखाई दे रहे और अपने आप को फर्दर इंगेज कर दिया जाता है फाइट के अंदर। आई गेस ये शेल्टर का एरिया भी रहने वाला है, तो शेल्टर के एरिया के बीच में अगर ओपोनेंट की बात की जाए तो वो भी 3 प्लेयर्स हम लोगों को नजर आते हुए दिखाई दे रहे। तो एक फेयर फाइट हम लोगों को जो मैन पावर है कहीं भी जो कि एडवांटेज टीम नजर नहीं आएगी, तो अब देखना ये कि यहाँ पे जो एग्रेशन है वो किस तरह से रहता हुआ नजर आएगा। डीडी की टीम की बात की जाए शेल्टर के हम बंकर के अंदर दिखाई दे तो नजर आ रहा है, लेकिन थग अग्रेस करना चाहेंगे लेकिन वहां पे वसी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे और पूरी तरह से काउंटर अटैक करते हुए पहली कैजुअलिटी डीडी के स्क्वाड के ऊपर निकाल दी जाती है और हम लोगों को एक डिसएडवांटेज में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 4v2 की सिचुएशन यहाँ पे टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल है, इनके पास व्हीकल डेफिनेटली रहने वाले हैं, लेकिन अब देखना है कि यहाँ पे डेफिनेटली जो एक अच्छी इन लोगों की तरफ से स्ट्रेटेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। साइको हम लोगों को पूरी तरह से फाइट को डिसइंगेज करेंगे, रिट्रीट आउट किया जाता है, तो डेफिनेटली इनको पॉइंट टेबल में भी थोड़ा सा हम लोगों को पुश मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। और यहाँ पर अगर बात की जाए बाकी साइड पे, टीम आई एट की बात करूँ, गोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। गोस्ट की लूट अभी तक कंप्लीट नहीं होती दोस्तों, वो अब मेरे ख्याल से अभी तक UMP ले चुके हैं, M4 ले चुके हैं, बट अगर बात की जाए यहाँ पर रेड डॉट या कोई स्कोप, एक अच्छा स्कोप जरूर चाहिए होता है। एंड हे यू गो, स्कोप की बात कर रहे थे, 3x उनके हाथ में लग गया। ओहो अब जो है गोस्ट, वी नो दैट द गेम
ऑफ गोस्ट, काफी यहाँ पे गोस्ट ही गेम करते रहते हैं, काफी जबरदस्त किस्म के प्लेयर रहने वाले हैं, पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लैक लाइट इज स्पेशली फॉर दोज, अभी आगे इन फ्यूचर आपको काफी ज्यादा टैलेंट जो है इंशाल्लाह हम जो है निकालेंगे। प्रैक्टिस ग्राउंड ये एक ऐसा ग्राउंड बनेगा जहां पर टीम सीखते हुए नजर आएंगी, बट डीडीडी के साइको यहां पे नॉक हो जाते हैं। रेक्स इज दी ओनली गाय जो कि बैकहेंड पे आपको देखते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजरें जुमाए बैठे हैं कि डीडीडी के बॉय को बचा लिया जाए, बट एफएस के बॉयज बिल्कुल उनको ये मौका नहीं देते कि उनके प्लेयर को बचाया जाए। बट एक भी किल नहीं रहने वाली डीडीडी की, रेक्स इज दी ओनली गाय जो कि यहाँ से रोटेट कर जाएंगे मौकी। बिल्कुल। और यहाँ पे एफएस की तो बात नहीं, यहाँ पे हम अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आईएट की बात की जाए तो अर्ली स्टेज पे ही इनको एक धचका जरूर से लग जाता है। रिव्यूज और पुष्पा को यहाँ पे पूरी तरह से खो दिया जाता है। आईएट का सफर जो अभी रहता है, रहने वाला है, वो टू मैन स्टैंडिंग स्क्वाड रहेगा। तो डेफिनेटली अभी देखा जाए तो 50 प्लेयर्स अलाइव हैं, उनके बीच में यहाँ पे 2 प्लेयर्स का थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन माय बैड, डेफिनेटली टीम आईएट की बात की जाए तो टीम आईएट के पास डेफिनेटली यहाँ पे जो गन पावर है वो हम लोगों को देखने को नजर आती है। तो अब हम लोगों को थोड़ा सा उनकी तरफ से एक इंटरेस्टिंग गेम प्ले भी नजर आ सकता है कि यहाँ पे किस तरह से वो अपने चाहने वालों के लिए भी यहाँ पे जो गेम प्ले निकालते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वहाँ पे डीडी के प्लेयर्स की बात की, साइको रिट्रीट आउट करके यहाँ से निकले जरूर से थे, लेकिन उनको भी पिकअप करते हुए रेक्स के कंधों के ऊपर पूरी तरह से यहाँ पे जो भार है वो डाल दिया जाता है। और डेफिनेटली जब अकेला प्लेयर रहता है तो कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट होती है उसके लिए। तो अब देखना है कि इस सारी सिचुएशन के बीच में हम लोगों को ये प्लेयर किस तरह से परफॉर्म करता दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी की बात की जाए, काफी ज्यादा नजदीक आ जरूर से चुके हैं, लेकिन अब देखना है कि उनको बिल्कुल भी भनक नहीं है कि यहाँ पे एक प्लेयर मौजूद है, तो आउट ऑफ द सिलेबस एक चीज आएगी। तो अब देखना है कि यहाँ पे रेक्स को किस तरह से स्पॉट ऑन किया जाएगा या एंड रेक्स ही किस तरह नोटिस से वेट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो आई गेस दोनों के दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के लोकेशन को कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं और यहाँ पे क्लोज करने की कोशिश करते हुए ग्रेविटी को यहाँ पे ओहो फिक्स स्पॉट नाइस करेंगे। कहीं ना कहीं शॉट लेने की कोशिश की जाती है अंदर आते हुए, कहीं ना कहीं रेक्स के पास एक चांस जरूर से रह जाता है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा चूक जाता है। लेकिन ग्रेविटी पूरी तरह से एग्रेशन दिखाते हुए आखिरी प्लेयर रेक्स जो के मौजूद था उसको भी यहाँ पे डाउन करते हुए एक किल इनके पास सिक्योर हो जाती है। लेकिन डीडी का पहला स्क्वाड वो रहने वाला है जो हम लोगों को मैच से चलता बनता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। यहाँ पर आगे चलता चलता आगे लास्ट लास्ट टीम जो मेरे ख्याल से वो भी उनको भी देखते हैं। रेज की बात करें, रेज भी इंगेजमेंट में रहने वाली है, उन्हीं की तरफ चलते हैं यहाँ पर हम। और बल्कि वहाँ पर एफएम की बात करें, ज्यूस यहाँ पे नॉक रहने वाले, रोशन यहाँ पे नॉक रहने वाले, क्लोज में ही यहाँ पे टीम रहने वाली है मुखी। और जहाँ पर अगर बात की जाए नॉक्स की, रेज के बॉयज यहाँ पर एक दूसरे को रिवाइव कर लेंगे, पास में कोई और प्लेयर नहीं रहने वाला। रेज के पास एक मौका रहने वाला है कि वो यहाँ पर इजीली चार, यानी इसके मैक्सी यहाँ पे नॉक फिनिश कम्प्लीट कर दीजिए कर चुके हैं। ये टीम रेज फिनिशर ड्रोलिन, ये एक ऐसे लड़के रहने वाले हैं जिनसे मतलब कि भी काफ़ी पाकिस्तान को और भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितने भी हमारे पाकिस्तान की जितनी भी टीमें हैं उन सब के लिए मेरी यही वही राय रहेगी कि यार जितना वो अच्छा खेलते हैं, जितना परफॉर्म करते हैं इस प्रैक्टिस ग्राउंड, ये इस माहौल से और ज़्यादा सीखें और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, एंड पाकिस्तान का जो नाम है वो एक बड़े स्टेज तक लेके जाएं, और ना कि सिर्फ लेके जाएं बल्कि जीत के आएं। बिल्कुल, जैसे जैसे आपका कंपटीशन बढ़ेगा आपको कुछ सीखने को भी मिलता है। और डेफिनेटली आपको कंपिटेटिव एक ऐसी चीज़ आती है कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हो और दूसरी टीम्स के ऊपर। और जहाँ पे डेफिनेटली अगर ब्लैक लाइट की बात की जाए तो मेरिट बेस्ड सिस्टम इनके पास रहने वाला है, तो हम लोगों को नीचे से उठती हुई टीम्स उनके पास भी एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा। तो हम लोगों को नीचे वाली जो टायर 1 की जो टीम्स है, टायर 3 की टीम्स है, और यहाँ पे लीड्स हर तरफ से हम लोगों को टीम्स गेन करती हुई, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो गेन करती हुई दिखाई देंगे। तो अब देखना ये कि यहाँ पे जो स्टेप उठा लिया आज हमारे डे वन रहने वाला है फ्यूचर। आज तो हम लोग पाकिस्तान की बेस्ट टीम देखने वाले हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिनों के बाद हम लोग अंडरडॉग्स टीम भी देखने को मिलेंगी, तो हम लोगों को टैलेंट हर तरफ से देखने को नजर आएगा। तो अभी आज के दिन की बात की जाए तो काफी अच्छी फाइट्स भी हम लोगों को देखने को मिली है, तो हम फ्यूचर में अंडरडॉग्स टीम के साथ भी ऐसे एक्सपेक्ट करें कि वो भी हम लोगों को ऐसी ही परफॉर्मेंस दिखाते हुए थोड़ा सा ऊपर अपनी गेम को बूस्ट अप करें और यहाँ पे इस जैसे कंपटीशन के अंदर कम्पीट करते हुए डिफरेंट टीम्स के साथ खेलते हुए नजर आए। बिल्कुल मौकी, ये चीज़ तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रहेगी, बट टीम एस टू ई और उसके बाद रोटेट करते हुए टीम क्वेटी जो कि खान की टीम रहने वाली है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ रोटेट कर रही है, एंड वो भी यही चाह रही है कि आज के दिन के अंदर एक अच्छी गेम प्ले निकाली जाए। आज का पहला दिन रहने वाला है और हर टीम की यही कोशिश होगी कि आज का ये जो स्टेज है इसके अंदर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बिल्कुल, निकालें। क्योंकि पहला दिन है और यहाँ पे स्टार्टिंग ही ब्लैक लाइट की अगर यहाँ पे चिकन डिनर से निकाला जाता तो वो एक हिस्ट्री बन जाएगी कि ब्लैक लाइट का फर्स्ट डे था और हमने वहाँ पे चिकन डिनर किया था, हमने टेबल का टॉप किया था। तो अब देखना ये कि कौन सी वो टीम रहने वाली है जो आज यहाँ पे हिस्ट्री बना के हम लोगों को जाती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, यहाँ पर आज तो हिस्ट्री नो डाउट, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं कामयाबी की तरफ जाएंगी, और मतलब कि हमारी यही विश है कि ये चीज़ चलती हुई भी नज़र आए। बट अदरवाइज दूसरी साइड पर अगर बात की जाए यहाँ पर एफएस के बॉयज नॉक होते हुए नज़र आ रहे हैं मौके, और यहाँ पर फाइट जो है वो क्लोज में आ चुकी है।
बिल्कुल, यहाँ पे टी नंबर 8 के प्लेयर्स की बात की जाए, कहीं ना कहीं एक प्लेयर को खो दिया जाता है, लेकिन एग्रेशन करने की कोशिश करते हुए सामने की टीम से आएगा, ओ लेकिन नाइस, पूरी तरह से जरबाफ यहाँ पे आते हुए काउंटर अटैक करेंगे, एक प्लेयर को डाउन करेंगे, दूसरा प्लेयर एग्रेस करेगा, उसको भी डाउन करते हुए खामोश किया जाता है, तीसरे प्लेयर की लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे UMP9 की 20 गन क्लोज रेंज के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए तीसरे प्लेयर के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन एक ड्रॉप शॉट कहीं ना कहीं डाउन करेगा, लेकिन लो एचपी के साथ तीसरे प्लेयर को भी डाउन करते हुए आखिरी प्लेयर यहाँ पे बसी रहने वाले हैं, बसी के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ, लेकिन एक ड्रॉप शॉट पूरी की पूरी टीम को यहाँ पे जाने से, लॉबी के रास्ते जाने से बचा लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर पूरी टीम को अब यहाँ पे रिवाइव दे दिया जाएगा। यहाँ पे वसी की बात की जाए, वसी अपनी टीम के लिए इस टाइम पे हीरोइक मूव करते हुए दिखाई दिया हम लोगों को, आखिर में अगर इनको भी डाउन किया जाता तो पूरी टीम लॉबी जा सकती थी, लेकिन वसी वहां पे ड्रॉप शॉट करते हुए पूरी तरह से सामने की टीम को एलिमिनेट करेंगे और अपने जो प्लेयर्स डाउन थे उनको वापस से रिवाइवल का प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हुए ऑन फुट लेकर आएंगे, और वापस से यहाँ पे जो FS की टीम है वो हम लोगों को जो अगला सफर है वो लेकर जाती हुई कम्प्लीट करती दिखाई देगी बाकी टीम्स के साथ। ओके भाई, तो सीधा यहाँ पे रेज के स्क्वाड की बात की जाए, तो रेज के स्क्वाड कहीं ना कहीं स्टार की साथ फाइट लेते हैं, एंगेज करते हैं, और हंक की बात की जाए तो हंक उस टाइम पे गाड़ियों के नीचे कुचलते हुए दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, तो अब देखना ये कि यहाँ पे जो स्टार की फाइट है वो किस तरह से रहने वाली, दो प्लेयर्स पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुके हैं, उसामा की बात की जाए वो भी अपनी टीम के लिए स्टार प्लेयर डेफिनेटली रहने वाले, लेकिन वो भी इस टाइम पे नॉक डाउन रहने वाले हैं, जायरो जी आखिरी सर्वाइवल इस टाइम पे बचे हुए, जैसा वसी की सिचुएशन है यहाँ पे जायरो जी उस टाइम पे अपने सांचे में डाल चुके हैं, लेकिन अब देखा जाए तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो चुके और अपने आप को थोड़ा सा पॉइंट टेबल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो अपने जो नॉक प्लेयर उसामा थे उनको भी पूरी तरह से यहाँ पे रिवाइव नहीं दिया जाएगा, और अपने साथ भी यहाँ पे व्हीकल के साथ रोटेट करेंगे और वापस से कहीं ना कहीं अब एक थोड़ा सा जो स्टॉप है वो लिया जाएगा, और उसके बाद आगे जो है सफर वो स्टार्ट करने की कोशिश जरूर से की जाएगी इनकी तरफ से। बिल्कुल मोंकी, बट लेट्स टॉक अबाउट द मैप वंस अगेन, एक बार फिर से हम मैप की भी बात करते हैं, ये मैप की कहानी भी हम साथ साथ लेके चलते हैं, क्योंकि ये चीज जी है, जी एक ऐसी है जहाँ पर टीम को पता चलता है कि यार कहाँ से टीम रोटेट करी, किस साइड पे आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, कहाँ पर उनको अंदाजा होगा कि यार के अब जो है वो एक्शन पैक गेम जो है उनकी तरफ और बढ़ते हुए नजर आ रही है। व्हाट यू थिंक सर्कल कहाँ जाने वाला? बिल्कुल, अगर यहाँ पे सर्कल की बात की जाए तो साउदर्न साइड पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ साइड पे एक्सपेक्टेशन गलत होती है हमारी यहाँ पे पूरी तरह से। वैसे डेफिनेटली यहाँ पे एक देखा जाए तो मेटा जरूर से चलता है, अगर पानी का एरिया आता है तो कहीं ना कहीं फेवर मिलती है शोर वाले एरिया को, लेकिन सर्कल एक हम लोगों को एक जोन एक अलग ही कहानी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जोन के जो नॉर्थ साइड पे हम लोगों को टीम दिखाई दे रही है उनकी फेवर में जाता हुआ कदमों में जाके जोन वहाँ पे बैठ जाता है, तो डेफिनेटली आई गेस जोन के साथ कोई ना कोई यहाँ पे जो है वो करके आए हुए थे, बातचीत करके आए हुए थे कि पहला मैच है हम लोगों ने थोड़ी सी हिस्ट्री बनानी है, तो थोड़ा सा जोन जी आप भी साथ दे और उनको साथ देता भी है, तो अब देखना है ये जिसको फेवर मिल चुकी है वो उसको किस तरह से कैपिटलाइज करता है, क्योंकि डेफिनेटली जब आपको एक फेवर मिलती है और आप कुछ नहीं करते तो थोड़ा सा ज्यादा वो आपके लिए थोड़ा सा डिस वो होता है, ऑनर होता है, लेकिन अब देखना ये वो जो नॉर्दर्न साइड पे टीम बैठी है वो किस तरह से उसको कैपिटलाइज करता है। लेकिन रेज के स्क्वाड की बात की जाए, रेज का स्क्वाड इस टाइम पे पूरी तरह से हम लोगों को अग्रेशन दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, फिनिशर को पूरी तरह से फिनिश जरूर से कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी 7 किल्स इनके पास टीम के पास मौजूद है, मतलब रिज का सहारा लिया जा रहा है, स्पॉटिंग जरूर से की जा रही है, लेकिन अब देखने ये सारे स्पॉटिंग के बीच में अगर कोई टीम आती है रोटेशनल क्लैश के बीच में कैसे करेंगे, यहाँ पे TFD के खाने की बात की जाए, क्लोज इन करने की कोशिश करते हुए M4 16 की शॉट देते हुए एक प्लेयर को डाउन करेंगे, लेकिन वहां पे रिवाइवल का प्रोसेस भी एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि नंबर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे एग्रेशन किया, बंदे को डाउन किया, वापस से अपने प्लेयर के ऊपर आते हुए वापस से रिवाइवल का प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन सामने प्लेयर्स अभी भी एक मौजूद रहने वाला है, तो थोड़ा सा लॉन्ग रेंज की फाइट है तो उनको भी पता है थोड़ा सा उनके पास टाइम है, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे गलती भी हो सकती है तो गलती को कम करने के लिए पहले रिवाइव का प्रोसेस ज्यादा अच्छा उनके अच्छी सोच के साथ हम लोगों को टीम खेलती हुई दिखाई दी है। बोल बिल्कुल ऐसे ही है, बट राइट नाउ मिस्टर ब्लैक की अगर बात करूँ, ब्लैक के पास एक अच्छा एडवांटेज रहने वाला है, ब्लैक यहाँ पर अच्छी गेम निकाल सकते हैं, बस जिक्सा को रिवाइव भी करना है और साथ साथ TFD को थोड़ा सा पुश बैक भी करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात कीजिए यहाँ पर अगर अभी ब्लैक की ऊपर यहाँ पर चार्ज होता है वो भी चुका है, ब्लैक से ब्लैक इज ए ब्लैक इज मिस्टर ब्लैक फॉर ए रीजन राइट नाउ, ब्लैक आपको नहीं मेंशन नजर आ रहे हैं, एक करोड़ ऊपर है, यहाँ पर एक और नॉक हो सकता है, खूबसूरत खूबसूरत स्प्रे टीम को काफी अब चैलेंज दे दिया, TFD इज इन ट्रबल राइट, जो चीज चल रही है पूरी, ओ भाई साहब लेजेंड लेजेंड फाइट में कहूंगा, यहाँ पर लेजेंड अभी एक बिल्कुल जबरदस्त किस्म की फाइट आपको देखने को मिली कि भाई हिम्मत नहीं हारी लड़के ने, लास्ट मिनट के ऊपर तक लास्ट मिनट तक TFD को उसने परेशान करके रखा है वो की
बिल्कुल, जहाँ पे ब्लैक की बात की जाए तो जिस तरह जिगल वर्सेस जिगल हम लोगों को उनकी तरफ से देखने को नजर आता, कहीं ना कहीं ओपनर की कांप पे टांगी जरूर से होंगी, लेकिन डेफिनेटली उनके पास लो एचपी थे तो कहीं ना कहीं एक फेवर उनके पास जाती है टीएफडी के स्क्वाड के ऊपर, और पूरी तरह से ब्लैक को भी एलिमिनेट करते हुए इस टाइम पे जो हम लोगों को अगर नंबर्स की बात करें तो 30 प्लेयर्स अभी भी स्टिल सर्वाइव करते हुए ऑन ग्राउंड हम लोगों को नजर आ रहे हैं, नौ टीमें अभी भी दिखाई दे रही है। टीएफडी की बात की जाए थोड़ा सा जोन के एच पे डेफिनेटली रहने वाले हैं, जोन थोड़ा डैमेज भी करेगा तो उनको जल्दी से जो लूट का सिलसिला है वो करते हुए अपने आप को जोन के अंदर इंगेज करेगा, लेकिन अब देखना चाहिए कि जो अगला जोन है वो किस तरह से हम लोगों को शिफ्ट लेके जाता हुआ नॉर्दर्न साइड पर गया जरूर से, तो क्या अब यहाँ पे जो अगला सर्कल है वो साउथ साइड पर आएगा या वापस से जो नॉर्दर्न साइड की टीम्स हैं उनको फेवर करता हुआ यहाँ पे फिर से एक वापस से फेवर मिलेगी उनको। लेकिन इस टाइम पे रिज के स्क्वाड की बात की जाए तो उनके पास भी अब वो जो स्काउटिंग करके आए थे रिज के पास अभी भी कहीं ना कहीं एच पे रहने वाले, और सामने बात की जाए तो सामने नंबर 11 के प्लेयर्स को स्पॉट किया जाएगा या वो प्लेयर रहने वाले जिनको एकदम से नाइट की जाने से कंसिस्टेंट प्ले जाता वो डाउन करेंगे। लेकिन फास्टर की बात की जाए तो यहाँ पे जिस तरह से एकदम फास्ट जिगल करते हुए डाउन करेंगे सामने वाली टीम को पूरी तरह से धचका दिया जाता है, और H2E का वो स्क्वाड रहने वाला है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे टार्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग को नजर आते हुए जॉनी सिंह उनके साथ रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेज के प्लेयर्स पीछे से कवर फायर प्रोवाइड करेंगे और एक और ड्रोलिन की तरफ से फ्रैग जनरेट करते हुए टार्सन के ऊपर पूरी तरह से आती हुई जिम्मेदारी अपनी टीम को आगे लेके जाना। लेकिन टार्सन अब देखना ये कि टार्सन किस तरह से हम लोगों को फाइट के अंदर अग्रेस करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन टार्सन फाइट को पूरी तरह से रिट्रीट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डीमन हम लोगों को प्लेयर्स सर्वाइव करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, उनको भी पता कि अगर वहाँ पे हम लोग मर जाते हैं तो हमारी टीम एलिमिनेट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो जो एक स्ट्राइव होती है कोशिश उनकी रही है, वो जो भूख होती है पॉइंट्स टेबल पे आने ऊपर आने की वो हम लोगों को प्लेयर्स की जानब से देखने को नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही, और रेज को अगर देखें रेज ने अभी तक 9 किल्स अपने नाम कर लिए हैं, टीएफडी के बॉयज भी बैक एंड से आते हुए नजर आ रहे हैं, टीम क्यू ई के राफे में देखने को मिल रहे हैं, टीम रेज ड्रॉलिन की अगर बात की जाए फास्टर नाइट ये वो लड़के रहने वाले हैं जिनकी गेम काफी अग्रेसिव रहती है इस लॉबी के अंदर, ऑफ कोर्स इनकी एक अच्छी गेम निकलना पहले ओ, ही नहीं, ये नहीं, नहीं, ओ, भाई लालच बुरी बला है। एग्जैक्टली यहाँ पे रेज के कायरो आई गेस आए जरूर से थे, लेकिन पीछे से उन्हीं के दूसरे पार्टनर हम लोगों को ओपोनेंट की तरफ से खेलते हुए पूरी तरह से डाउन करेंगे। असाद आई गेस वहाँ पे मौजूद रहने वाले थे जो कि आई गेस पूरी तरह से एक लालच की जाती है कायरो की जाने से, लेकिन वो जो पनिशमेंट है उस टाइम पे आती हुई दिखाई दे रहा है, दुनाक के रेज के प्लेयर्स वो किल भी सिक्योर करेंगे और एक और जो जाल में मुर्गा फंसा था उसको भी पूरी तरह से हलाल कर लिया जाता है। तो अब देखा जाए तो 10 किल्स इनके पास रहने वाले, और यहाँ पे डीमन बात की जो गन पावर इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, 3 प्लेयर्स पूरी तरह से लॉबी के अंदर इस टाइम पे तहलका मचा के हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मौकी आहिस्ता आहिस्ता जो है तहलका और फाइनली जिसकी किल हो उसी के नसीब में होती है, ये वो वाली गाड़ी है, घूम फिर के टार्जन जो है ड्रोलिन के हाथ से ही चिढ़ते हैं। बिल्कुल आई गेस टार्जन इस जंगल में बिल्कुल नए होंगे तो उन्हें रास्ता नहीं याद होगा, तो एकदम से घूम फिर के वापस उसी जगह पे जहाँ से भागे थे, और फिर वापस से ड्रॉलिन इनको स्पॉट डाउन करते हुए 11 किल्स हम लोगों को नजर आते हैं, और अकेले ड्रॉलिन की बात कीजिए डीमन इस टाइम पे उनके पास 6 किल्स रहने वाले, तो अपनी टीम के लिए भी इस टाइम पे मैसिव चांस उठाते हुए किल्स के ऊपर अभी भी देखा जाए तो 23 प्लेयर स्टिल सर्वाइव करें, और रेज के पास इस टाइम पे जोन का एडवांटेज भी रहने वाला है, एज पे खेलने की कोशिश करें, पीछे से कोई भी टीम बैक स्टैप नहीं कर सकती, जितनी भी टीम है सामने हम लोगों को फ्रंट पे खेलती हुई नजर आएंगी, अगर थर्ड पार्टी एंगल करते हो जिस तरह रेज के स्क्वाड की अभी बात करें तो हम लोगों को थोड़ा सा स्प्लिट में खेलते हुए ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन वहाँ पे बबलू के टीम वर्क की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हयान को ऊपर स्पॉट करने के साथ साथ बुलेट टैग करने की कोशिश जरूर से की जाती है, लेकिन उनके पास एक रिज का सहारा मौजूद था तो जो कनेक्शन है वो बन नहीं पाया, लेकिन रिज के प्लेयर्स अभी भी वहां पे मौजूद है, अगर वहां पे कोई ना कोई गन शॉट करते हैं तो हम लोगों को रिज का स्क्वाड उनके ऊपर चार्ज भी लेके जाता है वो दिखाई दे सकता है। ओके बुज, तो यहाँ पे बबलू की टीम वुल्फ की बात की जाए तो अपनी टीम से थोड़ा सा पीछे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरी तरह से अगर बबलू के स्क्वाड की बात की जाए तो हम लोगों को स्प्लिट में खेलने की कोशिश एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहे हैं कि अपने चारों तरफ पे जो है वो सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे से कोई टीम आती है अपने बाकी प्लेयर्स को बुला लीजिएगा, लेकिन बबलू के बाकी 5 की बात की जाए और जो उनके जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके अपनी ओपनर की टीम के सामने क्लोजिंग करने की कोशिश करते हुए जरूर से जाते हैं, लेकिन TMW के रीपर की बात की जाए प्लेयर्स को स्पॉट करते हैं, टीम नंबर 8 के प्लेयर्स आई गेस मोटू रहने वाले हैं, लेकिन डेफिनेटली उनके पास व्हीकल्स मौजूद, तो जब व्हीकल आप यहाँ पे चलती है व्हीकल पे थोड़ा सा बुलेट टैग करना मुश्किल रहता है,
तो अब देखना ये कि वो जो प्लेयर्स हैं एरिया को लीव तो जरूर से कर चुले, लेकिन अब आगे की कहानी वो किस तरह से लेके जाती हुई दिखाई देगी। और एफएस की टीम हम लोगों को जिस तरह एक बड़े स्प्लिट 2v2 के स्प्लिट में डीमन खेलती हुई दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली एक एडवांटेज भी रहता है स्प्लिट में खेलने की। बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला। TMW जिसके पास एक सर्कल का अच्छा स्पॉट रहने वाला है, गेट कीप करते हुए भी नजर आ सकते हैं, बट बैक एंड साइड टीम बबलू जिसको सर्कल के अंदर अप्रोच करना है, सेम स्टोरी फॉर टीम एफएस। फ्री स्टाइल को आप देख सकते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता मूव करते नजर आ रही है। इफ यू कैन मूव अ लिटिल बिट, यहाँ पर रेज की बात करूँ, रेज के बॉयज के पास वंस अगेन एक सर्कल आता है, टीम काफी सोच समझ के डिसीजन लेती है टीम रेज। और रोटेशन के मामले में आप देख सकते हैं टीम वुल्फ अगर बात की जाए, टीम वुल्फ का पीका ओपी यहाँ पे नॉक फिनिश कंप्लीट करेगा। थ्री मैन आर्मी बबलू ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी भी डोमिनेट कर सकती है, वी नो दीज गाइज आर बेस्ट। ईच एंड एवरी सिंगल टीम जो कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के दिन की तरह खेल रही है दोस्तों, वो एक पाकिस्तान की एक बेस्ट टीमों में से बेस्ट शामिल होती है। और मैं ये नहीं कहूँगा टॉप पे कौन है ये कौन है, बट स्टिल हर एक के लिए रिस्पेक्ट है, हर एक के लिए हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ब्लैक लाइट हर एक के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस ग्राउंड की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर एक हार्ड कॉपी ज़रूर बने, सब प्रैक्टिस करें ताकि ये चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता प्लस पॉइंट में हमें देखने को मिले हैं। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम लोग प्रैक्टिस की बात कीजिए तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और यहाँ पे मैन की बात कीजिए तो हम लोगों को चार मैन एक टीम में दिखाई देते हैं, और अगर चार मैन जब स्ट्रांग होते हैं तो पूरी की पूरी टीम कहाँ से कहाँ पे उठ के जाती हुई दिखाई देगी। और सारी की सारी टीम्स की बात कीजिए तो हर टीम के पास अपनी सोलो अचीवमेंट्स भी रहने वाली हैं, तो एक बड़ी हार्ड लॉबी के अंदर हम लोगों को टीम कम्पीट करती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे कम्पटिशन टीम्स को सराहता है कि तब वो अपना जो एक्सपीरियंस है उसको आगे लेके जाए, प्लस पॉइंट की तरफ लेके जाते हुए दिखाई दे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जैसे ही सर्कल क्लोज होने की कोशिश होती है तो सारी की सारी टीम्स का जो जमकटा है वो हम लोगों को नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रीदिंग स्पेस सिस्टम पे अब काम होती दिखाई देगी, जैसे एफएस की टीम की बात की जाए कहीं ना कहीं क्लोजिंग करने की कोशिश करते हैं, सामने बबलू के पास एक रिच का सारा रहने वाला, टीएमडब्ल्यू का स्क्वाड वो भी वहां पे मौजूद रहेगा। लेकिन बस्सी की बात की जाए तो उस बंदे के अंदर डर नहीं है, ओपन के अंदर गाड़ी घुमा रहा है और सब सारी की सारी टीम उनको देख रही है। लेकिन अब देखना ये कि वसी जिस तरह से यहाँ पे नडर हो कि पूरी तरह से गाड़ी घुमा रहे हैं, आगे जो प्लेयर्स को किस तरह से यहाँ पे धक्का दिया जाएगा और अपने यहाँ पे प्रेजेंस का एहसास इस लॉबी के अंदर दिखाई देंगे। लेकिन वहाँ पे रेज के स्क्वाड की बात की जाए तो रेज के स्क्वाड काफी ज्यादा इंटैक्ट हम लोगों को प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से तीन प्लेयर्स हैं और ग्रेनेड्स का स्पैम इनके ऊपर आता है, वो पीछे से बबलू के प्लेयर्स चार्ज जरूर से कर सकते हैं। तो अब देखना ये कि बबलू के पास उनको पता है कि सामने टीम मौजूद रहने वाली है, तो अगर स्प्लिट में आते हुए अगर ग्रेनेड्स अच्छे से यहाँ पे फेंके जाए तो रेज का स्क्वाड कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पे उनका दम घोट के उनको लॉबी का रास्ता भी दिखाई जाता है। जिस तरह ज़िब्यान की बात की अपनी टीम से काफी ज्यादा नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हो ओपनर के पास, तो अब देखना ये कि ज़िब्यान जो एक कॉन्फिडेंस बनाते हुए आ रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे मलिक की बात की मलिक को नॉक डाउन भी कर लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे एफएस की टीम के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। वहां पे वसी की बात की वसी की एचपी भी काफी ज्यादा डाउन है, मलिक की एचपी भी काफी ज्यादा डाउन है, लेकिन एक ग्रेनेड आता हुआ टीएमडब्ल्यू आयान का, मलिक जो कि काफी ज्यादा लो एचपी थे उनको पूरी तरह से स्प्लैश डैमेज प्रोवाइड किया जाता है, डाउन करेंगे अब एफएस का स्क्वाड टीमर टू मैन स्टैंडिंग, लेकिन वसी को भी डाउन करते हुए मोम टू आखिरी सर्वाइवल बचे, लेकिन लोकेशन की कम कॉम्प्रोमाइज थी, लेकिन आते हुए पीछे से गाड़ी से डाउन करते हुए मोम टू। अब देखना ये कि यहाँ पे किस तरह से सर्वाइव करेंगे, लेकिन यहाँ पे अयान को स्पॉट करते हुए क्लोजिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अयान आते हुए लोग काफी पहले ही कर दिया था, मोम टू जो कि आखिरी सर्वाइवल थे उनको भी एलिमिनेट करते हुए एफएस की टीम भी हम लोगों को लॉबी के रास्ते जाते हुए दिखाई दे दी जाता है। Exactly, but what a game, TMW playing well, back draw, but अगर बात की जाए फिर टीम बबलू वर्सेस रेज, अभी तक ये फाइट खत्म नहीं हुई, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बिकॉज ग्रेनेड है, ये चीजें सारी यहाँ पर हमें चलते हुए नजर आ रही है मोगी, बट बबलू काफी देर से थ्रोएबल्स यूज करके अब परेशान हो चुकी है, वो कहती है नहीं नो मोर ग्रेनेड्स, लेट्स चार्ज गाइस, एंड टोनी को टेक डाउन किया जाएगा, एंड ज़ुबैन आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बबलू यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, बबलू के टीम वुल्फ एंड पैन दोनों नॉक हो जाते हैं, बट डॉलिन की टीम उसको यहाँ पर काफी अच्छा डिफेंड करती है, इस एरिए को डिफेंड करती है जो कि काफी मुश्किल है। अगर बात की जाए एक हार्ड एरिया मतलब जो प्लेबल एरिया, तो ऑफ कोर्स वी नो दैट कि एक अच्छा एंगल आपको प्रोवाइड करते हैं कि यार कि एक आपको अच्छा विजन देखने को मिल रहा है कि कहाँ से टीम आ रही है कहाँ से नहीं आ रही, बट दिस इज द डेड एंड, मतलब कि मैं ये इस कंपाउंड को ये बोलूंगा जहाँ पर आपके पास एक अच्छी एक हाई रिज है, बबलू के पास एक एडवांटेज था कि वो यहाँ पर उनको काफ़ी यहाँ पर टेक डाउन कर सकती थी, जैसे ही अगर वो टीम रेज देखने की कोशिश करती कि ऊपर क्या चल रहा है और उनको यहाँ पर हेड हंटिंग उनकी बड़ी मजे की हो सकती थी, अच्छा स्प्रे जा सकता था, टीम रेज को टेक डाउन किया जा सकता था, बट मेरे ख्याल से टीम वुल्फ की टीम के पास थ्रोएबल्स की कमी यहाँ पर उनको थोड़ा सा चार्ज करने में मजबूर कर देते, बैक एंड से उनको ये भी था कि प्ले जोन ने आ जाना है, प्ले जोन आगे बढ़ता तो टीम को काफ़ी यहाँ पर मुश्किल होती, बट टीम बबलू वी नो दैट
बॉयज काफी एग्रेसिव है, यहाँ पर एंड तक आना लाइक इस लास्ट सर्कल के अंदर गेम प्ले करना, वी नो दैट कि काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीएमडब्ल्यू विद मैन पावर टी टॉप के दो बॉयज रहने वाले हैं, जोकर एंड ईएसपी। रेज की रॉजन की बात करें, नाइट की बात करें, फास्टर की बात करें, ये तीन प्लेयर्स वो रहने वाले हैं जो कि शुरू से डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ही मैच के अंदर इन्होंने तबाही मचा के रखी हुई है। लुक एट दिस 14 किल्स इन अ बैकपैक एंड स्टिल प्लेइंग मोकी। बिल्कुल, और यहाँ पे रेज की बात की जाए तो हम लोगों को अर्ली स्टेज ऑफ द मैच में फिनिशर पूरी तरह से एलिमिनेट होते हुए दिखाई दिया, तो तीन प्लेयर्स के साथ इस तरह की डोमिनेशन थोड़ा सा अनबिलीवेबल रहेगा। लेकिन वहाँ पे टीएमडब्ल्यू के पास बात की जाए तो उनके पास एक मैन पावर भी रहने वाली है, और हसू की बात की जाए अपनी टीम से स्प्लिट होते हुए एक हिल के ऊपर बैठे हुए मौजूद है, तो हिल के ऊपर डेफिनेटली आपके पास एक थोड़ा सा एक आपके पास ज्यादा व्यू पॉइंट आता है। तो अब देखना ये कि वो हसू उसको किस तरह से कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ टफ की बात की जाए तो टफ के भी हम लोगों को दो प्लेयर्स दिखाई देते नजर आए, तो टफ के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे जो टफ सिचुएशन हम लोगों को नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एडगर तीन प्लेयर्स आए जरूर से, तो एडगर को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी जोन के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि रिच बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। लेकिन हयान टीएफ के ईएसपी को डाउन करेंगे तो डेफिनेटली उनके पास एक हाइट का एडवांटेज था, उसको कैपिटलाइज भी किया जाता है। लेकिन अगर उनके पास एक इन्फॉर्मेशन हो तो क्लोज इन भी कर सकते हैं कि एक प्लेयर डाउन है, क्लोज चार्ज करेंगे और यहाँ पे जो आखिरी प्लेयर उनको भी डाउन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहां पे जो दूसरे प्लेयर है टफ की वो यहाँ पे रिवाइवल का कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन ड्रॉलिन अपनी टीम से काफी ज्यादा ओपन में दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्मोक से कवर यहाँ पे जो विचुअल कवर है वो ये पूरी तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन फायदेमंद साबित नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो स्प्रेज है टीएमडब्ल्यू के पास एक हाइट का एडवांटेज है। रेज का स्क्वाड घुसने की कोशिश करेगा लेकिन टफ की टीम आती हुई डाउन करेगी नाइट को, डायरेक्ट फिनिश भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुरामा की बात करें, कुरामा क्लोज इन करने की कोशिश जरूर से करेंगे, लेकिन अब देखना ये कि आगे सामने दो प्लेयर्स रहने वाले, लेकिन वहां पे ईएसपी नॉक हुए थे, रिवाइव किया था, वापस से नॉक डाउन किया जाता है, तो डेफिनेटली मैन पावर थोड़ा सा डिसएडवांटेज उनके पास रहने वाली है। लेकिन टीएमडब्ल्यू का एक बहुत ही खूबसूरत नेट के साथ यहाँ पे जो फाइट है वो दिखाई जाती है, और टीएमडब्ल्यू डेफिनेटली वो स्क्वाड रह जाता है जो कि इस टाइम पे 8 किल्स के साथ अपना पहला मैच स्टार्ट करती हुई दिखाई दे रही है हम लोगों को। बिल्कुल, बट टीएमडब्ल्यू को मैं यहाँ पर जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि लड़कों ने काफी काफी खूबसूरत खेला है। नो डाउट रिपर गेट 4 किल्स, द हाईएस्ट किल फॉर हिज टीम, एंड दिस बॉय इज क्रेजी। ऑफ कोर्स अगर आपको इस लड़के की हिस्ट्री पता है, लड़का जितना एक डेडिकेटेड है, जितना गेम को लेके सीरियस है, एंड इस तरह के प्लेयर मैं कहता हूँ कि भी बहुत बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे जो कि अपनी टीम को साथ लेके चलने वाले प्लेयर्स हैं। ही इज वन ऑफ देम रिपर। बट बाकी बॉयज ने भी काफ़ी अच्छा खेला, काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिला, काफ़ी एक अच्छा एक हेल्पिंग हैंड पूरे थ्रू आउट, एक अच्छी सिनर्जी टीएमडब्ल्यू की तरफ से देखने को मिली, और उस सिनर्जी की वजह से दिस टीम गेट ए चिकन डिनर अमेजिंग। अभी अगर बात की 8 किल्स के साथ चिकन डिनर फर्स्ट गेम अमेजिंग। टफ के बॉयज की बात करूँ, जोकर के सिर्फ अकेले 5 किल्स रहने वाले हैं एंड दूसरे नंबर पर आएंगे रेज के बॉयज। लुक एट द किल काउंट, दीज गाइज आर एक्चुअली एग्रेसिव। अगर कोई बिल्कुल कहता है कि यहाँ यार पे रेज ये टीम बड़े स्टेज पे जाती परफॉर्म ना कर पाती, तो भाई वो बिल्कुल गलत है। नंबर्स बता रहे हैं यहाँ हाँ, पे एग्जैक्टली नंबर बता रहे हैं कि यार कि वो किस लेवल के प्लेयर हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे टीएमडब्ल्यू की भी यहाँ पे अगर बात की जाए तो उन्होंने भी जिस तरह रेज की बात करें तो रेज हम लोगों को बार बार एग्रेस करते और बहुत ही प्यारी किल्स सिक्योर करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टीएमडब्ल्यू पूरी तरह से शांत रहेगी। अपने उनकी स्ट्रेटेजी अगर सही रहने वाली है कि एंड टाइम तक हम लोगों ने जोन के अंदर सर्वाइव करना है और आखिर तक अपने जो मैन पावर है उसको पूरी तरह से खड़ा करते हुए दिखाई दिया, और टफ और रेज को पूरी तरह से अकेले खात्मा करते हुए 8 किल्स भी अपने बैकपैक में सिक्योर कर दिया जाता है और पहला चिकन भी निकाल जाता है। लेकिन वहाँ पे और भी टीम्स हैं यहाँ पे, उन्होंने भी काफ़ी हम लोगों को मेहनत करते दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे टोटल आई गेस यहाँ पे 14 टीम्स रहने वाली हैं जो हम लोगों को पहला मैच खेलते हुए दिखाई देती है। बबलू के प्लेयर्स की बात की जो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खेला, स्टार के प्लेयर्स भी हम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अर्ली एलिमिनेट होते दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे ड्रॉलिन की बात की जाए तो आई गेस यहाँ पे MVP भी रहने वाले हैं 6 किल के साथ दिखाई देने वाले, लेकिन वहाँ पे खाने की बात की जाए कंपेनियन के साथ आते हुए तो आई गेस उनके नसीब में से रिवाइव भी आई गेस रहने वाला था, तो रिवाइव करते हुए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो 4 दफ़ा रिवाइव उनकी तरफ से दिखाई दिया जाता है, 398 का जो हेल्थ है वो रिस्टोर की जाती है। ये हमारा आज का पहला मैच था टीमन, तो काफी एक अच्छा मैच हम लोगों को देखने को मिला, और यहाँ पे देखा जाए गोइंग ऑल आउट ड्रॉलिन हम लोगों को नजर आते हुए 6 किल्स डैमेज, उनके अगर डैमेज की बात की जाए तो 6 किल्स और 1131 का डैमेज टीमन। एग्जैक्टली, और यहाँ पर आपके सामने मतलब कि जो एग्रेशन है जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था कि यार कि ये बॉयज जितना डेडिकेटेड है अपनी गेम को लेके, जितना वो डोमिनेट करते हैं इस मतलब कि हर हर जगह पे,
मतलब कि भी दिल खुश हो जाता है गेम देख के इनकी। और मैं यही कहूँगा कि जो लेवल इन बॉयज़ का बन चुका है, जो प्रैक्टिस इन्होंने की है, जो जितनी एग्रेसिव गेम इनकी हो चुकी है भाई, हैट्स ऑफ भाई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ हमें आज के दिन के अंदर, पहले ही दिन के अंदर हमें पता चल चुका है कि यार कि कितनी एग्रेसिव टीम्स हमारे पाकिस्तान की हैं। और ऑल मतलब कि भी जितनी भी अगर बातें करें कम है, मतलब कि जितनी जितनी बातें करें टीम्स को बिल्कुल लेके, प्लेयर्स को लेके, नो डाउट हमारे पास कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी मतलब कि भी तीन प्लेयर्स बहुत अच्छे होंगे, बट उनका यहाँ पर स्पोर्ट प्लेयर जो होगा या फिर उनका जो फोर्थ प्लेइंग मैन होगा वो थोड़ा सा वीक होता है, जिसकी वजह से वो टीम ऐसे ही जो है है। लैग कर रही होती है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी लॉबी बनेगी जहाँ पर टीम्स जो है अच्छी खासी प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगी मूव की। बट एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते बिल्कुल हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। अभी फिलहाल हमने बताया ना आपको, प्रोडक्शन का थोड़ा अप्स एंड डाउन सीन है, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे, एक आज तो एकदम सीन ही होगा कि भी हम एक स्ट्रीम से उठ के दूसरे स्ट्रीम पे फौरन आ चुके हैं, सेटिंग करने का टाइम नहीं मिला। बट फर्दर अगर डिस्कस करें हम मैच की, पिछला मैच नो डाउट TMW के बॉयज़ ने बहुत अच्छा खेला। राइट नाउ लॉबी आपके सामने रहने वाली है, 59 प्लेयर्स ने ज्वाइन कर लिए, क्वेटी के बॉयज़ है, खान फहान 420, ग्रेविटी, उसके बाद वोल्ट्रिक्स, ये सारे शहजादे यहाँ पे रहने वाले। टीम I8 आपके सामने रहेगी, गोस्ट है, ब्लेड, पुष्पा, पुष्पा इज इक्वल टू भाईजन हमारे रिव्यूज भाई रहने वाले, और नहीं नहीं नो नॉट रिव्यूज भाई, ये पुष्पा इज लाइक गोस्ट, गोस्ट भी नहीं रहने वाले यार, कौन है, व्हाट उज़म, ओह माय गॉड, आई गेस एक मिनट मुझे देख रहे थे, उज़म भाई बिल्कुल झुकेगा नहीं। हाँ पुष्पा झुकेगा नहीं। लेट्स आई थिंक रिव्यूज तो रिव्यूज है, ठीक है, गोस्ट इधर है, ब्लेड इधर है, तो भाईजान आईजीएल के बगैर गेम कौन खेलेगा, दिस इज और आईजीएल और TY8 यार। मतलब कि एक एक चीज पे ना, मतलब कि बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेम्स ऑफ प्लेयर्स, मतलब कि लड़कों के नाम क्या रहने वाले भाई, क्या सोच सोच के नाम रखते हैं अब। बिल्कुल पाकिस्तान में नामों के ऊपर ना भाई एंड है, एंड है, ऐसे ही है, किसी ने बट आपकी बाजी रखा होता है तो किसी ने क्या रखा होता बट उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द टीम्स, टीम बबलू, टीम वुल्फ हमारे सामने रहने वाले हैं, पैन, देन हमारे पास दानी, उसके बाद जिबियान, नो डाउट एग्रेसिव टीम, एग्रेसिव टीम के बारे में बात करना स्टार्ट की तो यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुका है, और मैच कौन सा रहने वाला है, मैप कौन सा रहने वाला है, आपने शायद किसी ने नोटिस कर लिया होगा यार कि इस मैच मेरा में माल मैप कौन सा होगा, बट मीरा मार या तो यहाँ पे देखा जाए तो वो टीम जो इस टाइम पे डाउन द टेबल परफॉर्म करें, कहीं ना कहीं उनके पास भी एक चांस जरूर से टीम में बन जाएगा कि वो जो डाउन द टेबल परफॉर्म कर रहे हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी और टेबल को टॉप भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इन मैचेस में थोड़ा मुश्किल होता है कि एक टीम बैक टू बैक चिकन डिनर निकाले, क्योंकि बाकी टीम्स भी काफ़ी ज़्यादा कंटेस्ट करती हैं उस चीज़ के लिए। तो अब देखना ये कि क्या यहाँ पे TMW जो कि अपना पहला मैच जो विन विन सिचुएशन क्रिएट करके गए जरूर से थे मिरामार के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस उसी तरह से चलती हुई दिखाई देगी, या हम लोगों को वो अर्ली एलिमिनेट करते हुए दूसरी टीम कंटेस्ट करेगी चिकन डिनर के, वो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर हम लोगों को सब कुछ देखने को नज़र आ जाएगा। बिल्कुल, और यहाँ पर आहिस्ता 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 ये पता चलेगा कि फ्लाइट पाथ कहाँ पे जाएगा। वी हैव लाइक स्टिल 17 सेकंड्स, 70 सेकंड्स, अभी भी 17 बोल रहे हैं, 70 सेकंड्स अभी यहाँ पर, अगर बात करिए कम्पैटिबल कम्पैटिबल लॉबी में, मतलब कि ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट रूम कार्ड में थोड़ा सा टाइम लगता है कि वो लॉबी में ना थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएं, ऐसा नहीं कि आपको लॉबी में बुलाया 30 सेकंड्स के बाद मैच स्टार्ट, बट वी कैन सी दैट प्रिजन, अभी सारे यहाँ पर मीरामार के कैदी जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, एक ही कोने पर खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, सारी की सारी लॉबी आपको यहाँ पे प्रिजन साइड देखने को मिल रही होगी, बट प्रिजन से हट के पूरा एक मैप आपको अभी राइट नाउ नजर आ रहा है, एल्पोजो इज द फेवरेट स्पॉट, उसके बाद सैन मार्टिन, वी नो दैट क्वेटी इज अ जंपिंग देयर, और उसके बाद टीजी के बॉयज अगर खेल रहे हैं मेरे ख्याल से, यस टीजी बॉयज आर प्लेइंग, दोनों का अर्ली क्लैश, वी नो दैट ये एक रोमियो एंड जूलियट वाली कहानी जो इन दोनों बॉयज में दोनों टीमों में चल रही होती है, दोनों बड़े हमारे बड़े ही चाहने वाले बड़े ही प्यारे भाई T20 एंड TG बॉयज, तो देखते हैं कि भी यार यहाँ पे सेंट मार्टिन में उनकी इस दफा भी फाइट हमें देखने को मिलती है कि नहीं देखने को मिलती, व्हाट यू गाइस थिंक, चैट में जरूर बताएं कि TG वर्सेस क्वेटी क्या यहाँ पे सेंट मार्टिन में आज इस दिन के अंदर भी उतरते हुए नजर आएंगे। बट दूसरी साइड में अगर बात की जाए यहाँ पर काफ़ी टीम जो ऐसी है जो मसहरे वाले साइड पर उतरती हुई नजर आती है, दलमैर की तरफ से उतरते हुए नजर आती है, यहाँ पर एम्पाला इज लाइक फेवरेट स्पॉट, उसके बाद यहाँ पर रोटेशंस की अगर बात की जाए टीम्स काफ़ी सोच समझ के रोटेट करती, बट यहाँ पर जितनी भी हमारी ऑडियंस रहने वाली है और जो देख के सीखते हैं बॉयज, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ पर भी गेम देखते हैं तो आप टीम्स की रोटेशंस के ऊपर भी फोकस रखा करें कि ये यहाँ से कहाँ से रोटेट करके गए, मोस्टली आप ये नोटिस करना कोई भी बड़ी टीम होगी वो फेवरेट स्पॉट के पास से भी नहीं गुजरेगी, मतलब कि अगर रोटेट करें तो वो इतने इतने दूर से रोटेट करेंगे कि किसी टीम के ADS में ना आए, बट मोकी फ्लाइट पाथ इज हियर,
बिल्कुल। और अगर यहाँ पे फ्लाइट पाथ की बात कीजिए तो लाडरिल्ला की जाने से बढ़ता हुआ थोरे अमूदा एक डायगनल प्लेन पाथ आप लोग इसको कह सकते हो, जो कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की साइड पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सेंट्रल से थोड़ा सा हम लोगों को नॉर्थ साइड पे जाता हुआ दिखाई देगा। जैसा यहाँ पे लॉस लिनियस की बात की जाए, बड़ी एक्सटेंसिव सिटी रहती है और आईएट का आई गेस वो गढ़ भी रहता है, तो थोड़ा सा दूर रहेगा तो टीम्स को एक्स्ट्रा ग्लाइड करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन लॉस लिनियस की बात की जाए तो बड़ी सिटी रहती है, तो वहाँ पे एट अ टाइम 2 से 3 टीम्स भी जा सकते हैं। तो देखना है ये कि यहाँ पे कौन कौन सी टीम जाके अपना जो पड़ा हुआ है उस जो स्टार्टिंग लूट है कैप्चर करते हुए हम लोगों को नजर आएंगे। और मेरा मार डेफिनेटली देखा जाए तो हम लोगों को हाइट्स और रिजिस के ऊपर हम लोगों को बेस्ट है, तो टीम्स एकदम से हम लोगों को हाइट को कैप्चर करती हैं। और अगर कोई टीम रोटेट करती है तो डीएमआर यहाँ पे एक फेवरेट गन भी रह जाती है मेरा मार के अंदर। तो अब देखना ये कि यहाँ पे सारा जो मिक्सचर है वो हम लोगों को किस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा, और जो पहला जोन है वो कहानी किस तरफ लेके जाएगा, क्या फ्लाइट पाथ की फेवर में हम लोगों को पहला जोन बनता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं जो पहला जोन है वो भी हम लोगों को एक आप लोग कह सकते हो जो नॉर्मल प्लेन पाथ जो जोन होता है वही हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टीम्स को इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जोन के अंदर आने की कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पड़ेगी, अपने प्राइमरी लोकेशन पे जाएंगे लूट करके इजीली वहां पे आ भी सकते हैं। लेकिन चुमा सेरा की बात कीजिए तो डीमन वहां पे हम लोगों को 3 से 4 टीम्स का क्लस्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली और यहाँ पर अगर आपकी बात आपको बता चलूँ, यहाँ पर दूर से हमें देख रहा होता है कि यार के बहुत करीब है। मीरामार का जी मैप जी स्पेशली ऐसे डिजाइन किया गया, बट अगर बात की जाए अभी मैं जहाँ पे जंप इन करूंगा तो काफी दूर दूर यहाँ पर हमें नजर आएंगे। बट अगर बात की टीजी टीजी यहाँ के बॉयज यहाँ पे रहने वाले हैं, दूसरे पे बबलू के बॉयज, ऑफ कोर्स वी नो दैट के वो दलमार वाली साइड पे उतरते हैं आराम सुकून से खेलते हुए नजर आते हैं। बट इसी के साथ अगर बात की जाए टीएमडब्ल्यू का प्लेयर हथे चढ़ जाता है टी20 के बॉयज के, और टी20 की तरफ ही चलते हैं क्योंकि अभी टीम आई8 को देखें, टीम आई8 तो अभी आराम सुकून से लूट में मसरूफ रहने वाली है। और टीम लूट जो चुमा सरी के पास जो टीम रहने वाली है वो टीम आई8 ही रहेगी। टीम आई8 के पास है जो टीम रहेगी वो रहने वाली है NES की, तो वहां पर भी चल देंगे, वहां पर भी देखेंगे। बट अभी जो क्लोज फाइट रहने वाली है TMW का एक प्लेयर यहाँ पे लूज, TMW जो है अपना एक प्लेयर लूज कर चुकी है, आगे फाइट जो है एग्रेस करते हुए मे भी जाते हुए नजर आए। और पिछले मैच के अंदर जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, काफी अच्छा परफॉर्म किया, इस मैच के अंदर एक अर्ली क्रैश उनको देखने को मिला, लैंड क्रैश लैंडिंग हमको देखने को मिली है। दोनों यहाँ पर बॉयज आ चुके हैं TMW वर्सेस क्वेटी, क्वेटी के खान यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। क्वेटी के खान के बाद खान 420 की बात करूँ वो थोड़ा सा आगे एग्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। वोल्ट्रेक्स को यहाँ पे कॉल दे दी गई है, कम क्लोजर यहाँ पर मेरे ख्याल से दे दी गई होगी, बट ग्रैविटी हथे चढ़ जाते हैं बॉय के एंड ग्रैविटी को भी नॉक कर दिया जाएगा। वोल्ट्रेक्स की बात करूँ, वोल्ट्रेक्स आराम आराम से अब आगे एग्रेस करेंगे, तब उससे पहले अपने खान जो अपने उनके आईजीएल रहने वाले हैं उनको यहाँ पर रिवाइव जरूर करेंगे। बट इससे पहले को रिवाइव कंप्लीट करें यहाँ पर TMW के बॉयज जो हैं वो इसको अलाउ नहीं करें कि आप खान को रिवाइव करें। व्हाट यू गाइस थिंक के भी क्या सीन बनने वाला है, क्या यहाँ पर रिवाइव पॉसिबल होगा? TMW काफी लो एचपी रहने वाला है, बट ही डोंट अलाउ। T20 इज द टीम जो कि अर्ली एग्जिट लेके जाती है इस मैच से। पिछला मैच भी T20 का यहाँ पर हमें देखने को मिला जो कि काफी एग्रेसिव था। TMW लाइक लुक एट द गेम प्ले, एक प्लेयर को लूज किया बट 4 किल्स वो की अपने बैकपैक में रख ली। बिल्कुल, और वहाँ पे अगर कहा जाता है कि जैसी आपकी स्टार्टिंग होती है आपका अख्ताम भी वैसे ही होता है, और पहले मैच के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे जो टीम है वो अपना फ्रैग्स जनरेट करती है, चिकन डिनर करती है, एक कॉन्फिडेंस और मोमेंटम है वो गेन हो जाता है, और वो उसी मोमेंटम को लेकर जाते हुए हम लोगों को TMW दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे आई8 की टीम की बात की जाए तो आई8 की टीम अपने बैकपैक में 2 किल सिक्योर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट टाइम पे थोड़ा सी स्टार्टिंग अच्छी गई नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे वो जो जितने भी हम लोगों को वो टीम्स है अच्छी तरह से हम लोगों को सिनर्जी के साथ खेलती हुई दिखाई दे, ये 2 किल्स अर्ली अपने बैकपैक में सिक्योर कर ली जाते हैं। और अभी भी उनको कहीं ना कहीं अपने ओपोनेंट की लोकेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, कहीं ना कहीं स्कोप इन करने की कोशिश की जा रही है, एडीएस के अंदर लेकर आ रहा है, आई गेस यहाँ पे एनईएस के हैमर हम लोगों को खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आई गेस आफ्टर लॉन्ग टाइम एनईएस के हैमर हम लोगों को दिखाई दिए हैं, अब देखना ये कि यहाँ पे ये हम लोगों को किस तरह से खेलते हुए दिखाई देंगे, मतलब यहाँ पे जो राइवल है एक दूसरे के ओपोनेंट, तो यहाँ पे जब सामने आते हैं तो एक अच्छा टफ कंपटीशन जरूर से रहता है। तो अब यहाँ पे लेकिन आई8 के प्लेयर्स आई गेस एक मौका दे देते हैं वहाँ पे प्लेयर्स को, हम लोग चले जाते हैं आप लोग लूट करके हम लोग आपसे बाद में मिल लेते हैं। तो डेफिनेटली मीरामार की बात की जाए तो जैसे हम लोग ने बोला था कि डीमन बड़ा मैच रहता है तो प्लेयर्स को व्हीकल्स भी सिक्योर करने पड़ते हैं, और आई8 की टीम फाइट के अंदर एंगेज नहीं करती है और व्हीकल पहले सिक्योर करते हुए अपना जो लॉस लिनियस जैसे हमने बोला था कि उनका प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन रहता है, तो जब तक वहां पे जाएंगे नहीं एक सुकून नहीं मिलेगा। तो आई गेस फाइट को डिसएंगेज करेंगे और अपने प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन पे जाते हुए व्हीकल्स को भी सिक्योर करते हुए लूट को यहाँ पे जो सिलसिला है उसको पूरी तरह से कंटिन्यू करेंगे।
बिल्कुल मौकी, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। मैं सर्कल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता टीम जरूर आते हुए नजर आएंगी, क्योंकि अभी लूट आइस कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मोस्टली टीम्स इतना टाइम मेरे ख्याल से बहुत होता है, क्योंकि अभी हमारे पास गुजर चुके हैं 5 मिनट और 5 से 6 मिनट होते हैं जो अर्ली लूट के लिए बने होते हैं। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता सर्कल श्रिंक करना स्टार्ट करते हैं। सर्कल श्रिंक जब होने लगता है दोस्तों, तो मतलब टीम्स ने सोचा होता है कि फर्स्ट सर्कल और सर्कल को फर्स्ट सर्कल के को अचीव करने में थोड़ा सा टाइम भी लगा दें, नो मैटर, मतलब कि जोन इतना डैमेज नहीं करता है अर्ली स्टेजेस। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से फोर्थ फेज ऑफ द जोन के बाद जो है जोन का डैमेज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मोस्टली को काफी सारा बॉयज जो हमारे यहाँ पर व्यूवर्स भी होंगे, उनको ये चीजें पहले से पता होंगी कि यार कि क्या यार डीमन भाई, ये चीजें तो हमें पहले से पता है, बट मैं उसके लिए उनके साथ शेयर करूँ जो हमारे न्यू बॉयज हैं जो यहाँ पर भी कंपेटिटिव को देख के अपनी गेम को और इम्प्रूव करते, तो उनसे मैं ये इस चीज़ें इसलिए डिस्कस करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ को देखें। क्योंकि जब भी रूम स्टार्ट होता है तो अगर आपने ये देखना है कि डैमेज कितना परसेंटेज रहेगा, ये क्या चीज़ है, कितनी रहने वाली है, लूट कितने पर रहने वाली, 2x 1x या 3x, तो आप सेटिंग्स को क्लिक करके सारी रूम की सेटिंग्स देख सकते हैं। तो ये चीज़ें लाजमी करा करें, क्योंकि खान जो है, खान क्वेटी खान की अगर मैं बात करूँ तो ही इज़ द गाय जो कि ये चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा स्टडी करता है कि यार मैच स्टार्ट होने वाला है, कितने मैच कितना कितना रूम डैमेज है, मतलब जोन डैमेज कितना रहने वाला है, सर्कल कितनी देर में पहला सर्कल बनेगा, सेकंड सर्कल जो है जो उसका अपकमिंग जितने भी सर्कल्स है वो कितने टाइम के अंदर बनेंगे, ये चीज़ें आपको गेम से पहले देखनी पड़ती हैं, उसके बाद आपने गेम के अंदर जंप करना होगा। बिल्कुल, इसी वजह से तो इनको पाकिस्तान की बेस्ट टीम कहते हैं। जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगा, आपकी गेम भी उस तरह से हम लोगों को ढलती हुई दिखाई देगी। उसी तरह आप लोग जिस तरह अडेप्ट करेंगे उतना आप भी अच्छा खेल सकते हो। तो टीम स्टडी जितना ज़्यादा करती हैं उतना, यहाँ पे सिर्फ उसे मैप नहीं स्टडी करती, यहाँ पे टीम्स अपने ओपोनेंट्स को भी स्टडी करते हैं कि अगर टीम जिस तरह अगर यहाँ पे आईएट की बात की जाए तो लॉस इंडियोस उतरी है, अगला जोन के बाद यहाँ पे टीम्स किस तरह से रोटेट करेंगी, अगर जब तक आप अपने ओपोनेंट को रोटेट करते हो उसके साथ आपकी एक स्ट्रेटेजी बनती है। जब आप उस स्ट्रेटेजी के साथ खेलते हो, एक जब प्लानिंग के साथ खेलते हो, तो कहीं ना कहीं आप विन विन सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हो। गन पावर एक अलग चीज़ है, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ खेलना इज़ ऑल अबाउट कम्पिटिटिव मैचेस। तो जो भी न्यू टीम्स हम लोगों को यहाँ पे इस टाइम पे देख रही है, मैचेस देख रही है, तो जो टीम्स का कुछ एक्सपीरियंस होता है उन एक्सपीरियंस से आप लोग सीखने की कोशिश ज़रूर से करें और अपने आप को कम्पिटिटिव के प्लेयर्स यहाँ पे बनते हुए हम लोगों को भी दिखाएं, तो हम लोगों को भी खुशी होगी कि पाकिस्तान से हम लोगों को यंग टैलेंट ऊपर के नज़र आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल मौकी, बट अभी तक सर्कल के अंदर हमें क्लोजनेस जो टीमें नज़र आ रही हैं उसमें TMW एंड टीम स्टार, ये दोनों टीमें रहने वाली हैं। और अभी यहाँ से कुछ यहाँ पर बुलेट्स भी एक्सचेंज की जा रही हैं एक दूसरे को, यहाँ पर बुलेट्स यहाँ पर भी थ्रो किए जा रहे हैं, थ्रो उस तरह नहीं मतलब कि मारे जा रहे हैं प्रॉपर, ये नहीं कि थ्रो कर रहे हैं तो वो बुलेट उठा के भजन फ्यूरी जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो प्रॉपर यहाँ पर टक्कर का मुकाबला। TMW वी नो दैट के पहला मैच चिकन डिनर वो कर चुके हैं, थोड़ा सा मोटिवेट हो चुके हैं, इससे थोड़ी उससे उनकी एनर्जी आ चुकी है कि इतनी बड़ी लॉबी के अंदर हमने पहला चिकन डिनर किया विद ए हैंडसम किल्स। उसके बाद रेज की बॉयज की बात करूँ, अग्रेसिव भाई, खूबसूरत गेम, ड्रॉलिन की बात की जाए, फास्ट की बात की जाए, नाइट की बात की जाए, थ्रू आउट टीम रेज की बात की जाए, एब्सोल्युटली अमेजिंग। बिल्कुल, लास्ट मैच पे तो काफ़ी अच्छे फ्रैक्स जनरेट किए, तो डेफिनेटली रेज हम लोगों को एग्रेशन जरूर से दिखा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं खामोश किया जाता TMW की जाने से, तो उनकी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ अब देखना है कि यहाँ पे जो TMW के प्लेयर्स वो किस तरह से खेलते दिखाई देंगे। कुरामा निकल के जरूर से गए थे शॉट लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे स्टार का एक बहुत ही ज़्यादा जानदार रिटेलिएशन आता हुआ उनको तो कराया जाएगा, वापस से करे जाएगा हील अप। लेकिन यहाँ पे हसू की बात की जाए तो थॉमसन के साथ तरीके से फिर यहाँ पे डराना ही चाह रहे हैं कि टीम मौजूद है, तो पंगा ही मतलब बस दूर दूर से ही ठीक है, तो दूर दूर से मोहब्बत है वो इजहार किया जा रहा है। तो लेकिन अब देखना ये कि क्या इनमें से कोई टीम एक नॉक करती है प्लेयर और यहाँ पे कोई स्लैम इन इनकी तरह से देखने को नजर आएगा, या यही हम लोगों को जो लॉन्ग रेंज फाइटर उसके अंदर एग्रेस करते दिखाई देंगे। और वहाँ पे देखा जाए तो हसू हम लोगों को इस टाइम पे थॉमसन दिखाई दे रहे हैं, तो डीमन देखा जाए तो टीम्स हम लोगों को UMP9 के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थॉमसन जैसी गन्स जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा रेयर होती हैं, तो अब देखना ये कि यहाँ पे जो प्लेयर है वो किस तरह से थॉमसन को यूटिलाइज करते हुए इस मैच के अंदर हम लोगों को खेलते हुए दिखाई देंगे। एग्जैक्टली, थॉमसन एक ऐसी गन रहने वाली है जो कि ऑफ कोर्स शुरू में सारे उसको टोमी टोमी बोलते थे, अब सारे पढ़े लिखे हो गए थॉमसन बोलना स्टार्ट हो गए, नो वरीज, बट कार 98 को जैसे K9 हम सारे पाकिस्तानी बोलते हैं कि K9 चलाएंगे, ठीक है भाई, हेड से हेड शॉट शॉट लगाएंगे, बड़ी ये चीज़ें वो हैं जो कि मेरे ख्याल से जो ओल्ड ओजीज रहने वाले हैं, जिस तरह मतलब कि जितने भी हमारे पुराने टीम प्लेयर्स रहने वाले हैं, जो जिसा बबलू होगी, जिस तरह बात कीजिए टीम क्वेटी होगी, टीम आई8 होगी, ये वो टीमें रहने वाली हैं मोकी जो कि प्रॉपर स्टडी करके
गेम खेलती हैं, और यहाँ पर पुराने सारे नाम जिस तरह के भी M762 को सारे बैरल बैरल हमारे पाकिस्तान के सारे मतलब मोस्टली बोल रहे हैं बैरल चुक रहा है, बैरल चुक रहा है, मतलब वो वाला सीन है कहते बैरल पे ही है कि चुक लेवल के मोस्टली यहाँ पर मेरे जितने भी पंजाबी प्लेयर्स जितने भी पंजाबी दोस्त रहने वाले हैं तो वो इस चीज़ को काफ़ी यहाँ पर भी फन वे में बोलते हैं बैरल मैं कितनी है तो खबरदार जी नज़र रखी, क्योंकि एक मार कर देना तो दूसरा बंदा एकदम बोलता है कि भाई जी खबरदार खबरदार। बट यहाँ पर बबलू बॉयज आ चुके हैं, बबलू की यहाँ पे क्लोज एंगेजमेंट बहुत ही सर्कल से बिल्कुल एज जोन के पास यहाँ पे फाइट होते हुए नजर आ रही है। टीम TFD का एक प्लेयर यहाँ पे नॉक हो चुका है, थोड़ा सा जल्दी से जल्दी रेंडर हो उसके बाद हम यहाँ पर फाइट बाकी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला नॉक पहली ओपनिंग बबलू यहाँ पे जाती है। पैन को अगर बात कीजिए पैन यहाँ पर नजरें जमा के बैठे हैं टीम रेज के इस बॉय के ऊपर जो टीम TFD के साथ राइट नाउ खेलता हुआ नजर आ रहा है। बट टीम TFD इज नॉट रेडी फॉर फाइट आई थिंक राइट नाउ, और यहाँ आगे की तरफ मूव करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे जो पहला को अपने खाने को खो दिया जाता है तो आई गेस फर्दर इंगेज करने की कोशिश नहीं की जाएगी। ऑल्दो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक नए ऑफगार्ड एंगल के साथ फाइट के अंदर इनिशिएट जरूर से की जा सकती है, लेकिन अब देखना है कि बबलू इस टाइम पे जोन के बाहर रहने वाली टीम है तो कहीं ना कहीं TFD के पास एक सुनहरी मौका है गेट कीप करने का। तो अब बबलू के लिए अगर देखा जाए उनके पास अगर व्हीकल्स मौजूद ना हुए तो कहीं ना कहीं मुश्किल का जो सबब है वो भी पैदा किया जा सकता है। तो अब देखना है कि यहाँ पे जो फाइट है वो किस तरह से खेलने की कोशिश करेगा। बबलू की बात करें तो 4-man स्टैंडिंग स्क्वाड रहने वाले, उनके पास एक किल भी सिक्योर हो चुका है, लेकिन सामने TFD के प्लेयर्स की बात की जाए तो 3 प्लेयर्स उनके पास रहने वाले हैं। लेकिन टीन वुल्फ एक बहुत ही प्यारे फ्लैंक एंगल के साथ शैडो के अंदर यहां पे पूरी तरह से क्लोजिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब देखना ये कि वहां पर उनकी लोकेशन अगर अनकॉम्प्रोमाइज रहती है तो पूरी तरह से एक आउट ऑफ द सिलेबस चीज जा सकती है TFD के प्लेयर्स के लिए। उनको बिल्कुल भी बनक नहीं, यहां पे बबलू ज़िब्यान की बात की जाए और यहां पे दानी ही की बात की जाए तो दोनों के दोनों प्लेयर्स उनको इंगेज करके अपनी तरफ रखा हुआ है, तो पीछे से जब दो प्लेयर्स जाएंगे तो एक बहुत ही प्यारा फ्रैग भी जनरेट कर सकते हैं। और आई गेस एक बहुत ही प्यारी स्ट्रेटजी के साथ ये टीम होती है कि पाकिस्तान की बेस्ट टीम ऐसे नहीं कहते, यहाँ पे एक जो स्ट्रेटजी होती है उसके साथ खेलते हुए प्लेयर्स ओपनर को बनक भी नहीं लगी और यहाँ पे टीम को स्पॉट करते हुए बहुत ही प्यारा ADS ओपन करेंगे। लेकिन 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 कायरो भी एक हम लोगों को खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन कायरो को भी डाउन जरूर से कर दिया जाता है। तो अब देखना ये कि यहाँ पे TFD के प्लेयर्स वो किस तरह से खेलेंगे, एक हम लोगों को रिटेलिएशन और जो उनकी काउंटर स्ट्रेटेजी थी उसको हम लोगों को अपनाते हुए दिखाई दिया जाता है। लेकिन अब देखना ये कि यहाँ पे जो बाकी प्लेयर्स जैसे स्टाइलर की बात की जाए कायरो के पास क्लोजिंग करेंगे और रिवाइवल का प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे ताकि जो फर्दर है वो फाइट के अंदर इंगेज करने की कोशिश जरूर से की जाए। ओके गाइस, तो यहाँ पे राफे की बात कीजिए, राफे यहाँ पे फ्रंट लाइन पे लड़ने की कोशिश जरूर से करते हैं, एक फ्रैग निकालने की कोशिश करते हैं, ग्रेनेड्स अपने हाथ में जोर से निकालेंगे, थ्रो किया जाएगा, लेकिन अब देखना ये कि क्या ये जो कनेक्शन है वो बना पाएगा। लेकिन स्प्लैश डैमेज प्रोवाइड नहीं किया जाता, लेकिन ज़िब्यान अभी तक उनको कन्फ्रंट करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं कवर फायर प्रोवाइड करना चाहते हैं जरूर से हैं। लेकिन दोनों की दोनों टीम्स की बात कीजिए, जोन के बाहर यहाँ पे जो फाइट है उसके अंदर इनिशिएट हो चुके हैं, तो डेफिनेटली जोन के बाहर कोई भी अगर यहाँ पे होता है न्यू प्लेयर्स तो जोन के बाहर बिल्कुल भी आप फाइट के अंदर इंगेज ना करें, क्योंकि 1200 का मीटर अभी भी इनको तय करना है और अगला जोन भी स्टार्ट होने की कोशिश जरूर से की जाएगी। लेकिन एक नेट आता हुआ, लेकिन थोड़ा सा कवर को उठता, राफे की किस्मत है कि यहाँ पे थोड़ी सी चमकती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब देखने की अगर एक और नेट आता हुआ दिखाई दे राफे को तो डाउन भी कर सकता है। लेकिन राफे को पता है कि व्हीकल की जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हीकल डिस्ट्रॉय करेंगे और आई गेस अब यहाँ पे जो टीम है डीमन देखना ये कि क्या यहाँ पे एक टीम दूसरे को जाने देगी जोन के अंदर, क्योंकि अगला जोन भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और 1200 का मीटर 1250 का मीटर को तय करना है, जोन का डैमेज भी बढ़ता जाएगा साथ साथ और प्लेयर्स का जो प्रेशर है वो भी बिल्डअप हो रहा है एक दूसरे के टीम के ऊपर। एग्जैक्टली कायरो का एक स्पोर्ट जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट रहता है, बट यहाँ पर एग्जैक्टली व्हाट इन नीड स्टाइलर का एक खूबसूरत नेट, एक स्टाइलिश नेट, बट दानी ही लेट्स सी कि किस तरह यहाँ पे खेलते हुए नजर आते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट गेम रहती है। बट ज़ुबियान का करने वाले यहाँ पे क्लोज में यहाँ पर दानी की जबरदस्त खूबसूरत फायर, एक बुलेट लगती है बट दोनों को एक ही बुलेट लगती थी, बट ओ भाई साहब के बाद एक खूबसूरत ग्रेनेड, कहानी खत्म, किस्सा खत्म, लेट्स मूविंग टुवर्ड द टीम I8 साइड, I8 के पास भी यहां पे फाइट होते हुए नजर आ रही है। यहां पर ऑलरेडी हमें काफी ज्यादा एंगेजमेंट्स देखने को मिल रही है, बट एक एक करके हम फाइट सब दिखा सकते हैं। चलो यार टीम बबलू की फाइट कंप्लीट हो फिर हम टाइम I8 पे मूव करेंगे, तो लेट्स मूव टुवर्ड टीम I8 साइड, I8 पे चलते हैं, रेज के बॉयज वहां पर पास रहने वाले, दोनों काफी अग्रेसिव स्क्वाड्स रहने वाले, देखते हैं कि टीम रेज इस फाइट को किस तरह एंगेज करती है, बिकॉज सामने ब्लेड रहने वाले हैं, ऑफ कोर्स ब्लेड की तरह तेज है, शार्प माइंडेड, एक शार्प स्किल के साथ यहाँ पे अभी मूव करते हुए नजर आएंगे, पुष्पा बिल्कुल साथ। अभी यहाँ पर मुझे I8 अभी ना मुझे चैट की तरफ मेरी थोड़ी सी नज़र गई, वहाँ पर मैं कन्फ्यूज़ हो गया, यहाँ पर काफ़ी मतलब हमसे ज़्यादा नॉलेज जो है ना हमारी ऑडियंस के पास है। अब मैं उज़म उज़म बोल रहा था, बट चैट
जस्ट टेल मी कि ये तो आईक्यू भाई है, पुष्पा झुकेगा नहीं, इज एक्चुअली आईक्यू। ये तो वेरी गुड चीज़ हो गया, हमारी भी नॉलेज गुड में चीज थोड़ा सा हो गया। इजाफा हो गया। लेकिन अब देखना ये कि यहाँ पे जो टीम्स है वो किस तरह से खेलते हुए दिखाई देंगे। नाम तो चेंज कर लिया लेकिन अब जो सरप्राइज है वो किस तरह से देते दिखाई देंगे। फास्टर की बात की जाए, बहुत ही प्यारा स्प्रे देने की कोशिश उसी की जाती है, आईए को थोड़ा सा ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही है, उनका जो अपना जो दबदबा है वो बनाने की कोशिश जोर से कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो डीमन कहीं ना कहीं हम लोगों को आईए की टीम मिरामार के अंदर काफी एक ओवर यहाँ पे परफॉर्म करते हुए दिखाई देते। तो अब देखना ये कि यहाँ पे जो इरेंगल का मैच इतना अच्छा गया नहीं था, तो मिरामार के अंदर किस तरह से ये जो कमबैक है वो लेकर आती हुई हम लोगों को दिखाई देगी आईए की टीम। और रेज का स्कोर तो डेफिनेटली इरेंगल के अंदर पूरी तरह से तबाही मचाई थी। वो टीम जो कि लास्ट टाइम पे पूरी तरह से डोमिनेट कर रही थी, उस टाइम पे कन्फ्रंट करने की कोशिश की जा रही है के ऊपर। तो देखना ये कि क्या यहाँ पे जो रेज का स्क्वाड है आईएट को भी वापस से खामोश करेगा, या आईएट हम लोगों को एक बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस के साथ रेज को पूरी तरह से एलिमिनेट करने में कामयाब करता हुआ दिखाई दे। एग्जैक्टली बट रेज यहाँ पर अभी इंतजार करिए कि उनके पास कोई अच्छी कंडीशन बने, कोई अच्छा एरिया बने, एक प्लेइंग प्लेइंग एंगल बने जहाँ से वो यहाँ पर टीम आई एट को कुछ ओपनिंग निकाल सके टीम आई एट के ऊपर। बट टीम आई एट एक ही सॉलिड कंपाउंड के अंदर मूव करते हुए नजर आते हैं, क्लाउन बैकहैंड से हमें नजर आ रहे हैं जहाँ से लॉन्ग रेंज फाइट हो सकती है। बट फास्टन के पास एक अच्छा व्यू है, एंड जैसे ही मैंने बोला फास्टन के पास एक अच्छा व्यू है, वहाँ से ही यहाँ पर नॉक ओपनिंग जनरेट की जाती है टीम आई एट के ऊपर। बट जैसे कि मैंने बोला सॉलिड कवर रहने वाला है, वहां पर टीम आई एट अपने प्लेस को आराम से रिवाइव कर लेगी। टीम आई एट जितने देर में अगर एक प्लेयर यहाँ पर नॉक होता है, एवरीवन नो दैट कि टीम आई एट के तीन प्लेस भी यहाँ पर किसी से कम नहीं है। क्लोज जाना जब तक यहाँ पे ब्लेड नॉक पड़े हुए हैं, तो मतलब कि जब तक ब्लेड वहाँ पर हैं, ब्लेड जितना वो शॉर्प रहने वाले हैं, जब तक वो वहाँ पर रहने वाले हैं तो यहाँ पर क्लोजनेस उतनी अच्छी नहीं रहेगी। बट यहाँ पर टीम आई एट के दो प्लेयर ऐसे मूव करते करते पुष्पा यहाँ पर नॉक हो जाएंगे, उसके साथ ही फास्टर का ये नेट को काफी यहाँ पर डैमेज क्रिएट कर सकता है, टीम को काफी डिस्टर्ब कर सकता है। थ्रो नेट किया जाता है, क्या ये कनेक्ट होगा? नहीं, यहाँ पर कनेक्ट नहीं होता। यहाँ पर अगर बात की जाए कूब की, यहाँ पे कूब फंसते फंसते बच चुकी है, दिस इज नॉट गुड फॉर दिस हिली एरिया। बट अब ब्लेड की अगर बात की जाए, ब्लेड भी यहाँ पे नॉक हो जाते हैं, गोस्ट यहाँ पे कवर देते हुए उनको जरूर नजर आ रही है। यहाँ पे अगर जोन के डैमेज की बात की जाए, फोर्थ फेज ऑफ द जोन, जैसे कि हमने बताया था कि फोर्थ फेज के बाद जो जोन है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको काफी ज्यादा डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, इसका नॉलेज जो है टीम आई एट को रहने वाला है। दो प्लेयर यहाँ पे लूज कर चुके हैं, पुष्पा एंड ब्लेड यहाँ पे नौ फिनिश कंप्लीट हो चुके हैं। बट गोस्ट इज हेयर, रिव्यूज इज हेयर, लेट्स टॉक अबाउट दीज टू बीस्ट। यहाँ पर अगर बात की जाए इन दोनों की, तो रिव्यूज आगे जा चुके हैं, अपने आपको जल्दी से हील करेंगे। बिल्कुल सामने की तरफ अगर इनकी टफ रहने वाली है, टफ के बैक एंड से अगर बात की जाए, टीम आई एट के पीछे भी एक टीम आ रही है, विच इज टीम QE। क्लाउन यहाँ पे रहने वाले, जैगुआर यहाँ पे रहने वाले, नजरें यहाँ पे रिव्यूज के ऊपर रहेंगी, रिव्यूज को यहाँ पे नॉक करने की पूरी कोशिश, बट नॉक नहीं जनरेट कर पाएंगे। पर इसी के साथ है टीम QE ये जरूर जानती है कि वहाँ पे प्लेयर रहने वाले काफी लो एचपी हो चुके हैं, थोड़ा सा क्लोज जरूर करेंगे क्योंकि उन्हें सर्कल के अंदर भी जाना है और ये किल भी साथ लेके जाना है। बिल्कुल, और यहाँ पे देखा जाए तो घुसने की कोशिश की जाती है जोन से, लेकिन उनकी अपनी एचपी काफी ज्यादा डाउन थी, तो गाड़ी को 2 मिनट के स्पॉट स्टॉप किया जाएगा, ईलिंग्स को पूरी तरह से यहाँ पे पॉप अप किया जाएगा। तो अब देखना ये कि आगे जो आईएट के प्लेयर्स है वो क्या इनको स्पॉट डाउन करते हुए। तो डेफिनेटली सोने पर सुहागा वाली बात है कि प्लेयर्स की जोन से डैमेज यहाँ पे खाते हुए दिखाई दे रहे, और एक बुलेट टैग होती है तो आप इजिली किल भी कर सकते हो, तो हलवा किल्स भी आपके पास आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे रिव्यूज को भी डाउन करते हुए, इट्स वन मैन स्टैंडिंग। लेकिन वहाँ पे फ्री स्टाइलर्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हम लोगों को हसन को स्पॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पूरी तरह से एडीएस उनके ऊपर लॉक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कवर का सहारा जरूर से मौजूद था। लेकिन यहाँ पे जिस तरह हम लोग ब्लेड के बात करते हैं, शार्प की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वसी की भी शार्प आईज यहाँ पे रहने वाली है, और पूरी तरह से वेट कर रहे थे जैसे ही प्लेयर पूरी तरह से ओपन में है, और एक बहुत ही प्यारा कंसिस्टेंट स्प्रे पूरी तरह से डाउन करते हुए अपने बैकपैक में 2 किल सिक्योर करके बैठ चुके हैं प्लेयर। लेकिन वहाँ पे टफ के प्लेयर्स की बात की जाए, लास्ट टाइम पे हम लोगों को 3 प्लेयर्स खेलते हुए दिखाई देते, इस दफा से वापस से 4 प्लेयर्स आएंगे, लेकिन 2 प्लेयर्स पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुके हैं, जोकर और थोर हम लोगों को लास्ट मैन स्टैंडिंग दिखाई देते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो आपका कवर होता है व्हीकल्स के साथ वो लेने की कोशिश की जा रही है जोन। डेफिनेटली जब 5वां जोन आता है डीमन, तो प्लेयर्स वेट करते हैं कि टीम्स कौन सी टीम वो रहने वाली है जो सबसे पहले जोन में है। जैसी कोई टीम आती है पीछे से आप लोगों के ऊपर फायर सारी की देती है, तो जिस तरह यहाँ पे 43 की बात की जाए तो जोन के बाहर हम लोगों को वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 10 सेकंड के बाद जोन स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा, तो सारे के सारे प्लेयर्स हम लोगों को जोन के साथ आहिस्ता आहिस्ता मूव करते दिखाई देंगे। और मिरामार के लास्ट सर्कल की बात की जाए तो ओपन में रहता है, तो अगर आपके पास रिज आ जाती है तो सोने पर सुहागा वाली बात आती है। तो अब देखना ये कि किसके हिस्से में कौन सी रिज आती है और यहाँ पे किस तरह से जो फ्रैग्स हैं वो जनरेट किए जाते हैं, क्योंकि अभी भी 7 टीम सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 17 प्लेयर स्टिल सर्वाइविंग, तो एक काफी ज्यादा ब्रीथिंग स्पेस है वो हम लोगों को कम होती दिखाई देगी। बिल्कुल मोकी, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। ये चीज़ें आपने जो सोने पे सुहागा, जो आप मुहावरे यूज़ करते हैं ना कास्टिंग में अपनी, दिस इज़ एक्चुअली
एक गुड थिंग, मजा आता है इस चीज को देख के। बट लेट्स सी टफ के बॉयज जो है यहाँ पर किस तरह आगे जो है नॉक्स जनरेट करते हैं, बिकॉज दीज गाइज हैव लाइक ए हिली एरिया जहाँ पर से मूव करके उनको सर्कल के एरिया के अंदर आना, विच इज अ वेरी ओपन फील्ड। और यहाँ पर ओपन फील्ड जब भी सर्कल बनता है हमें मोस्टली टीम्स जो है सर्कल के अंदर आते आते नॉक फिनिश कंप्लीट होते नजर आती है। बट गोस्ट भी फाइनली हमें नॉक फिनिश कंप्लीट होते नजर आते हैं, उनको कूप से उतार लिया जाता है। इसी के साथ अगर बात की टफ के जोकर अपने अपने लिए यहाँ पर स्पोर्ट जनरेट करते हैं। इसी के साथ अगर बात करें दूर से इनको यहाँ पर स्पोर्ट किया जाता है, और ये दूर कोई ज्यादा दूर नहीं बल्कि बहुत दूर है टू के बॉयज यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। क्यूआर के सीरियस यहाँ पे सीरियस खेलते हुए नजर आ रहे हैं बिल्कुल सामने मिस्टर ब्लैक। ब्लैक जो है पिछले मैच के अंदर आपने देखा था कि वो लड़का कितना कितना क्विक है, काफी जबरदस्त किस्म की गेम प्ले निकाली थी, काफी यहाँ पे टफ टाइम देती था टीएफडी के बॉयज को। बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज अलोन, ही डोंट हैव सपोर्ट, उसके करते करते ये नॉक फिनिश कंप्लीट हो गया। बट मेरे ख्याल से इस गेम के अंदर ही इज नॉट अलोन, बट इसके आसपास इसकी अपनी टीम रहने वाली है। बट लकीली लकीली अगर मिस्टर ब्लैक की अगर बात करूं मोकी में, इसके पास सर्कल जरूर रहता है। बिल्कुल, और यहाँ पे जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके पास भी सर्कल रहेगा, और यहाँ पे देखा जाए तो एक बड़ा वाइड स्प्लिट के अंदर खेलने की कोशिश किया गया है। ब्लैक अगर कोई यहाँ पे क्वांटम रेंज के जो प्लेयर्स हैं अगर ओपन से अंदर आने की कोशिश करते हैं तो ब्लैक काफी क्रूशियल डैमेज दे जरूर से सकता है, लेकिन अब देखना ये कि क्यूआर के पास भी थोड़ा सा एक वो जो हाइट का एडवांटेज उनके पास रहने वाला है, तो दोनों के दोनों प्लेयर्स कोशिश करेंगे कि ये जोन गुजारा जाए। अगला जोन तो डेफिनेटली जैसे ही क्लोज इन होगा तो दिल की धड़कने वो भी क्लोज इन होती हुई हम लोगों को दिखाई देंगे, तो अगला जोन जिसके पास जाएगा वो मैक्सिमम एडवांटेज उठा सकता है। लेकिन वहाँ पे एफएस के मलिक की बात की जाए, मलिक कहीं ना कहीं फ्रैग जनरेट करने की कोशिश करता है और इस पर एक काफी ज्यादा एक हाइट का एडवांटेज रहेगा, लेकिन वहां पे जरबाफ एनीस के मैक्सी को पूरी तरह से कन्फर्म करते हुए डाउन कर देगा। लेकिन यहां पे एमर वो जो आखिरी सर्वाइवल थे उनको भी मोमटो की तरफ से खामोश कर दिया जाता है, और तीन टीम 10 प्लेयर अभी भी सर्वाइव करते दिखाई दे रहे हैं। क्यूआर के तीन प्लेयर्स अभी भी स्टिल सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जोन से सीरियस काफी ज्यादा बाहर है, वेट किया जा रहा है ताकि डेफिनेटली जितनी ज्यादा काफी नजर रखेंगे अपने आसपास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन की जाएगी, तो अपने जो ऊपर गोकुर जो उनके दूसरे पार्टनर है उनके पास स्टडी करते हुए को जिस तरह यहाँ पे ब्लैक की बात की जाए, ब्लैक को भी अभी जोन के अंदर आना जरूर से पड़ेगा, तो जैसे ही निकलेंगे उनके पास कोई कंपाउंड से जैसे ही बाहर निकलेंगे ओपन के अंदर तो डेफिनेटली यहाँ पे क्यूआर के प्लेयर्स पूरी तरह से फैल चुके हैं, तो जैसे ही कोई प्लेयर निकलता है उनके पास एक मौका रह जाएगा और पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब आई गेस क्यूआर के प्लेयर्स कंटेस्ट कर सकते हैं चिकन डिनर के लिए। एग्जैक्टली क्यूआर हैव लाइक सर्कल एज, उनके पास सर्कल का एज जरूर रहता है और ये उनके लिए काफी लकी साबित हो सकता है। और नॉट जस्ट एज, उनके बिहाइंड पे कोई टीम भी नहीं रह सकती, बिकॉज बिल्कुल उनके पीछे जोन रहने वाला है, पीछे कोई भी रहेगा वो प्ले जोन का डैमेज अच्छा खासा कैरी करता हुआ नजर आएगा। एक अच्छे कवर में टीम क्यूआर रहने वाली है। सीरियस फाइनली ये अपनी जगह को रोटेट करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एफएस को यहां पर भी मूव करने पे मजबूर करेंगे, बिकॉज ही नो दैट एफएस के बॉयज सर्कल के अंदर आ चुके हैं और यहां पर कहानी खत्म होने वाली है। सीरियस काफी सीरियस आगे मूव करते हैं और यहां पर काफी डैमेज क्रिएट करके अपना नेट को कर लेते हैं, और यहां पर फाइनली अगर नेट ये कनेक्ट हो जाता है टीम एफएस के लिए काफी परेशानी का बायस बनेगा। बट हे यू गो, दोनों की तरफ से यहां पर आता है बट नेट आएगा। ओ भाई साहब, दूर से एक अच्छा अच्छा स्प्रे आता है, नॉक किया जाता है, बट सीरियस को यहाँ पे मोलोटोव का कनेक्ट हो जाती है, काफी यहाँ पे डैमेज होते हैं। बट इसी के साथ नेड्स की बारिश है एफएस की साइड से बनते हुए नजर आ रही है, जो कि काफी परेशान कर सकती है। बट दूर से जरबाफ का एक अच्छा कवर, एक अच्छी सपोर्ट हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ सीरियस की अगर बात की जाए, सीरियस यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, सीरियस को जल्द से जल्द यहाँ पे रिवाइव चाहिए, जो कि बहुत बहुत नहीं बहुत मुश्किल रहने वाला है मौके। बिल्कुल, यहाँ पे ना तो सिर्फ सीरियस डाउन हो चुके हैं इस टाइम पे, हम लोगों को दूसरे सीरियस वो भी डाउन होते हुए दिखाई दिए जा सकते, तो बड़ी सीरियस सिचुएशन के अंदर क्वांटम रेंज फंसी हुई है। गोकू जो कि लास्ट सर्वाइवल बचे जरूर से थे, लेकिन पीछे से आता है वो वसी की जाने से सीरियस को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जाएगा। गोकू आखिरी सर्वाइवल बच चुके हैं, थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो छोटे छोटे पिक्सल्स हैं रेंडम स्प्रेस कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है और अपना जो दबदबा है वो बनाने की कोशिश करते हुए क्लोज इन करने की जरूर से कोशिश करेंगे, लेकिन एफएस के यहाँ पे प्लेयर अंदर आने की कोशिश करते हैं, वो मोव टू वो सर्वाइवर रहने लगे, लेकिन पीछे से बहुत ही प्यारा कवर फायर आता हुआ जो कि आखिरी प्लेयर गोकू थे उनको भी एलिमिनेट करते हुए मेरा मार का मैच ये आ जाता हुआ एफएस के हाथों में चिकन डिनर। और यहाँ पे किल्स की बात की जाए तो 13 किल्स के साथ यहाँ पे चिकन डिनर किया जाता है, तो पहली वो टीम रहने वाली है दूसरे मैच के अंदर जो कि इतनी ज्यादा किल्स के साथ अपना चिकन डिनर भी सिक्योर करती हुई हम लोगों को नजर आई है। बिल्कुल मौकी, और जहाँ पर अगर हमें हमें नज़र आ रहा था कि यार कि क्यूआर इज लाइक फेवरेट टीम, सर्कल का एडवांटेज उनके पास है, यहाँ पर टीम एफएस ने उस सर्कल को अपना बनाया भी है। खूबसूरत बिल्कुल जबड़ों के मुंह से चिकन डिनर खींच लिया जाता है एफएस की टीम की जाने से। आपके आपके कहने का मतलब कि मुंह से नवाला छीन लिया, और एग्जैक्टली टीम एफएस की परफॉर्मेंस नो डाउट माइंड ब्लोइंग। लड़के जितने भी हमारी जितनी भी टीमें रहती हैं, नॉट जस्ट दिस टीम बट ओवरऑल बाकी सब टीम्स की अगर बात की जाए, एक हर गेम डिफरेंट गेम क्यों होती है, क्योंकि एक रेपुटेशन डिफरेंट होती है, एक कंपटीशन डिफरेंट होता है,
लाजमी नहीं है कि आपको हमेशा ब्रिज के उस पार आपको या तो टीम स्काई नज़र आ रही है, एमएस नज़र आ रही है, या आपको टीम बबलू वहाँ पे नज़र आ रही है। हमेशा एक नई टीम, एक नया एक्सपीरियंस आपको फाइट के बाद मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये एक ज़बरदस्त किस्म का गेम इस मैच के अंदर भी, एक नया कंपटीशन। हर टीम जो है लाइक टीम एफएस का क्वेटी के साथ मैच फाइट होती है, टीम दोनों को एक दूसरे की समझ आती है, गेम नॉलेज पता चलती है कि यार कि कौन सा लड़का मतलब कि सपोर्ट करने में लाइक बॉडी जल्दी सपोर्ट कर लेता, बल्ली जल्दी पिक कर लेता है, एक क्विक स्प्रे करके प्लेयर को डाउन कर देता है। प्लेयर टीम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उसके उसको टीम को स्टडी करने लगती है, उस प्लेयर को स्टडी करने लगती है। जब तक उस लॉबी को आप खेलेंगे नहीं, आप उससे सीखेंगे नहीं। बट लेट्स मूव टूवर्ड द रिजल्ट्स। क्यूआर सेकंड पे आती है, टीजी के बॉयज जो है यहाँ पे थर्ड पे आ जाते हैं, एनईएस के बॉयज फोर फाइव पे, एच2ई के बॉयज टफ के बॉयज छठे नंबर पे आएंगे, टीम आई8 सातवें नंबर पे आएगी, उसके बाद क्यूई के बॉयज आठवें नंबर पे आएंगे, टीम आर3डी वॉलकर हसन एंड उसके साथ आर3डी हॉक, उसके बाद ये सारे प्लेयर्स जितने भी फेल रहने वाले हैं तो ये डायरेक्ट फेल है यहाँ पर रहने, नौवें नंबर पे रहेंगे। रेज के बॉयज 10वें नंबर पे रहते हैं, जिसके बाद अगर बबलू की बात करूँ, बबलू के बॉयज यहाँ पर 11वें नंबर पे, टीएफडी 12 है, टीम टीएमडब्ल्यू 13, टीम स्टार 14 एंड उसके बाद टी क्वेटी टी20 के क्वेटी की टीम जो रहने वाली है सबसे पहले एलिमिनेट हो जाती है बाय टीएमडब्ल्यू। जबकि बात कीजिए एक टीम स्टार के बाद टीएमडब्ल्यू को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये वन बाय वन काफ़ी एक अच्छा गेम प्ले हमें देखने को मिला है। सब एफएस मोमेंटो की बात की जाए तो ये वो लड़का रहने वाला है जो इस मैच का द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन के सामने आता है, 537 डैमेज और 6 किल्स। समझ रहे हो भाई बॉयज जो चैट में है, बताओ आपने समझ लिया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट मोमेंटो इज ए बिल्कुल अमेजिंग प्लेयर, नो डाउट। यहाँ पर उसने काफ़ी काफ़ी यहाँ पर सपोर्ट उठाई है, उसको उसका काफ़ी सपोर्ट मिली है बैकएंड से। टीम ने जितने मतलब डैमेज पीछे से टीम ने निकाली, ममटू ने यहाँ से किल लपेटे। खूबसूरत गेम प्ले बाय ई टीम एफएस, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकंड मैच ऑफ द डे जो जाता है टीम एफएस के पास। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मैं और मोकी आते हैं एक छोटी चुन्ने मुन्नू से ब्रेक के बाद। ओके बॉयज कहीं नहीं जाना दूध भेजने चाहते हैं हम कहीं नहीं लोग जाना, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। टीम्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। अभी क्वेटी का एक प्लेयर जो है वो यहाँ पर रह चुके हैं, ऑलमोस्ट क्वेटी खान होंगे जो यहाँ पर रह चुके हैं, वो भी जल्द से जल्द यहाँ पर भी ज्वाइन कर लेंगे। बाकी टीम्स जो पिछले मैच के अंदर आपने नहीं देखी वो भी आज को दिखा आपको दिखाते हैं। आपको यहाँ पर टीम 5 के अंदर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमारे बबलू बॉयज, उसके बाद टीम रेज आपको नज़र आती है 6 टीम के अंदर, उसके बाद टीम 7 के अंदर क्यूआर के बॉयज आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद टीम 8 की बात कीजिए जहाँ पर एफएस के बॉयज रहते हैं जिन्होंने पिछला चिकन डिनर भी निकाला, अमेजिंग गेम प्ले। उसके बाद टीजी की बात करूँ, टीजी 9 स्पॉट के ऊपर नज़र आ रही है आपको। टीम R3D ऑन 10th टीम। उसके बाद H2E के बॉयज आपको देखने को मिल रहे हैं, H2E के सारा का सारा लाइनअप यहाँ पे बैठा हुआ है। TFD इज एक्चुअली वेटिंग कि कब मैच स्टार्ट होगा, जल्द से जल्द स्टार्ट हो ताकि ये गेम के अंदर घुस के एक अच्छी गेम प्ले निकाले। रेंगल का ये मैच रहने वाला है, इसके बाद ऑलमोस्ट सैनोक मेरे ख्याल से लास्ट मैच होगा, तो वो एक अग्रेसिव एक मज़ेदार मैच, जबरदस्त जबरदार किस्म की फाइट हमें देखने को वहाँ पर मिल सकती है। टीम 14 है, टफ के बॉयज यहाँ पर जरूर रहते हैं, टफ के बॉयज भी आ चुके हैं, एडगर थोर, ESP जोक, और उसके बाद बात कीजिए QE के बॉयज की, सरदार जी, राफे, जैगवा, क्लाउन, ये सारे बॉयज यहाँ पर रहने वाले हैं टीम 16 के अंदर। और यहाँ पर जैसे ही मैं अगली टीम का नाम लेने लगा था यहाँ पर मैच हो चुका है स्टार्ट। अर्णव जी क्या कर रहे हैं आप? टीजे की बात, टीजे के में शपार्टर इस दफा आई गेस आते हुए हम लोगों को कमबैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई गेस थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट पे अभी प्लेयर हम लोगों को आते हुए दिखाई दिए हैं। तो शपार्टर की बात कीजिए तो मतलब मेरी तरफ से तो भाई उस बंदे की गेम तो भाई एब्सोल्युटली अमेजिंग, तो मजा आ जाएगा अभी टीजे की टीम को भी हम लोग कम बैक करते हुए, क्योंकि डेफिनेटली देखा जाए मिस्टर ब्लैक और यहाँ पेबल बॉय लास्ट टाइम पे मिरामार में हम लोगों को दिखाई दे रहे थे डीमन, लेकिन कहीं ना कहीं जोन को एडवांटेज नहीं दे रहा था। लेकिन इस दफा देखना ये कि टीजे किस तरह से हम लोगों को ऐसे ही रहने वाला है। बट मोकी मतलब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो है अच्छी जाती हुई नज़र आ रही है हमें, एक मज़ेदार गेम प्ले हमें देखने को मिल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आगे चीज़ें और अच्छी होती हुई हमें देखने को मिलेंगी। बट बॉयज़ जितनी भी हमारी ऑडियंस रहने वाली है उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, ये रिक्वेस्ट नहीं रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, बट मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जितनी भी टीम्स खेल रही हैं, जितनी भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, सबके लिए इक्वल रिक्वेस्ट मतलब कि रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट आपकी कम नहीं होनी चाहिए किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी हमारे कास्टर, जितने भी हमारे कास्टर्स रहते हैं अबे पाकिस्तान शॉट के, उन क्या सबको शॉट मारा सपोर्ट यार करें, इसने, जितने भी हमारे प्लेयर्स रहते हैं उन सबको सपोर्ट करें, जितनी भी गाली तो देने वाला ऑर्गेनाइजेशंस स्क्रीन रहती पे हैं, सारे उनका कमेंट मोटिव यही लगाए होता है हो कि मैप आपके लोग लिए एक अच्छी अच्छा एक क्रैश। प्लेटफॉर्म जनरेट किया जाए, तो उन सबको यहाँ पे सपोर्ट एक किया लगा जाए। बट मैं जिस तरह की बात की जाए ब्लैक लाइट, एग्जैक्टली तो फुल लगाए ना, नंबर 1 फुल लगाए आपके आगे वाला। अबे ये वाला नहीं, दूसरे वाला, एग्जैक्टली और यहाँ पे ब्लैक लाइट का मेन दूसरे मोटिव वाला था यार, यही ये है दो कि टॉप 4 था। पाकिस्तान आप की जितनी भी खुद देख अच्छी लो, टीम्स हैं, आवाज जितने भी सही है, हमारे मैंने देखी बॉयज है। हैं, उन सब के लिए एक ऐसा अरे नहीं, स्ट्रीम प्लेटफॉर्म भी पीछे जनरेट ऑन करना टेक करी जहाँ थी पर यार ये। वो एक अच्छा गेम प्ले आगे करते हुए नजर आए, एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बड़ा नाम बनाते हुए नजर आए, स्पेशली पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो उसको अप लेके जाएं ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा जितनी भी क्या बड़ी था नंबर कंट्रीज टू रहने वाला, वाली हैं, यू गाइज फैंटास्टिक तोड़ नोटिस दिया यार दैट आपका। आफ्टर द PMWI हमें काफी कुछ कोई सीखना है, ओ हमें भाई कहाँ से काफी गोली आगे मार रहे जाना बंदा है, ये हमारा यार, ये एंड नहीं है, हमारा पाकिस्तान का भाई जितना भी सीन रहने वाला है वो बहुत इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे शॉट जाएगा। एक बार हमने स्ट्रीम पाकिस्तान चेक के कर मेरी फ्लैग को साउंड ठीक आ रही है, बहुत बड़े बड़े स्टेजेस के ऊपर रिप्रेजेंट करना, अफनान और कुछ कह रहा है रिप्रेजेंट क्या, जस्ट फानू मसला रिप्रेजेंट रही है नहीं करता शैतान दोस्तों, सही हमने यार वहाँ ये पर अपना उस जगह को भी अपना जीत के आना है, उस जगह पे सबके दिलों को जीत के आना है, कि भी वो भी कहें डार्लिंग कि यार आए थे पाकिस्तान से कोई चार लोंडे, चार पांच लोंडे, भाई ले गए ट्रॉफी हमारे हाथ से। मैं उसको अब करना है, लेकिन ये सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन पहले यहाँ पे जो रैंगल का मैच, उसका प्लेन पाथ हमारे सामने आता हुआ जो कि हॉस्पिटल से जाता हुआ सोस्तोव का मिलिट्री बेस पे जाके इख्तिताम पजीर होगा, तो एक डायगोनल प्लेन पुश पाथ करेगा मेरे वापस को हम लोगों लास्ट को कर नजर आता देगा हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे काफी एक वेस्टर्न साइड पे हम लोगों को डीमन भाई, लेके रुक जाओ जाता हुआ आगे शिफ्ट, तो जिस तरह यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट टाइम पे भी हम लोगों को यार टीम कसम यसनाया देर पोल में लाया, क्या जिस मैंने तरह देख के हिला हम के लोग चले गए क्वांटम नहीं रेंज की वो बात की जाए तो उनका प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन जाती यसनाया यार पोल लाया इनकी। रहता, तो काफी ज्यादा दूर रहेगा, तो अब यहाँ पे देखना है कि किस तरह सही है से फिर लेफ्ट साइड मोबिलिटीज के साइड पे सोर्सेस कैंपर है इस्तेमाल इनका करते दिखाई शांति की देंगे, तो वजह से। डेफिनेटली और भी टीम्स चाहेंगी उस जैसे एरियाज के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो कोई कहीं ना ये कहीं कहाँ से आया रोटेशनल यार, क्लैश वहाँ पे टीम्स हम लोगों को दिखाई दे सकती हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर ये चलना आपकी चीज़ें टीम देखने ठीक को रही मिल टीम सकती हैं, बट फर्स्ट सर्कल कहाँ पर बन के आता है, कहाँ पर उभर के आता है, टीम्स को कहाँ पर चैलेंज करता है कि आपने यहाँ से इस जगह पे रोटेट करना है, ये भी सलार देखने मत को छुट्टी मिलेगा। करो बट यार भाई तुम राइट नाउ वी यार, मेरे हैव बंदे ही मर रहे एक यार। बिग क्लस्टर ओए टुवर्ड दी फॉर्म वाली साइड, वहाँ पे फॉर्म वाली साइड पे जितना भी हमें क्लस्टर देखने को मिल रहा है,
आई कैन सी थ्री टीम्स, ग्रीन पिंक एंड उसके बाद हमें जो एक मतलब कि भी एक डार्क ग्रीन टाइप की हमें टीम नजर आ रही है, जिसमें टीम स्टार हमें जो देखने को मिल रही है, नाम आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके पीछे रिवील होते हुए जा रहे हैं कि कौन सी टीम नीचे रहने वाली है। टीम स्टार यहाँ पे रहेगी, टीम स्टार ग्रीन में रह रही है। उसके बाद अगर बात कीजिए यहाँ पे क्यू ई के बॉयज पिंक कलर के अंदर रहेंगे, यहाँ पर अगर बात कीजिए कलर डिफरेंस जो है वो हमें देख के पता चल रहा है कि टीम्स कहाँ कहाँ रोटेट करें, किस किस साइड से टीम आई एट अपने फेवरेट स्पॉट के ऊपर अपने मिलिट्री बेस के ऊपर रह जाती है। सर्कल थोड़ा सा यहाँ पर पहला एडवांटेज दे देता है, बट दूसरे पर बात कीजिए टीम एस टू ई वर्सेस एमजीएस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फाइट हमें देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से ये फाइट हमें लेके जा रही है पुचिंग की साइड, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स पुचिंग की साइड। क्या रेंडर अभी बस हो जाए तो, बल्कि रेंडर क्या होता है, हम पहले ही चले जाते हैं वहां पर, क्योंकि इतना इतना अभी फिलहाल आज के दिन के अंदर थोड़ा सा आपसे मैनेज करना है। कल उसके आगे जितना भी दिन रहेंगे हम उसको यहाँ पर प्लस पॉइंट में लेके आएंगे, बट राइट नाउ जोनिसिस की बात करूँ, जोनिसिस थोड़ा दूर रहने वाले हैं, जोनिसिस के ऊपर यहाँ पर स्प्रिंग किया जाता है, यहाँ पर टार्जन भी यहाँ पे नॉक हो जाते हैं। जोनिस इज ओनली गाय जो कि ओ भाई साहब फाइनली सबको बचा लिया जाएगा। असद शोर डाल रहे होंगे कि यार मेरी लव एचपी है, पहले आके मेरे पे हाथ रखें, मैं यहाँ पर पहले रिवाइव होऊंगा, अभी सारे बाकी सबको रिवाइव मिलेगा, सबको रिवाइव मिलेगा, लाइन में आ जाओ लाइन में आ जाओ। यहाँ पर जोनिस सबको अपने पास बुलाते हुए कह रहे हैं आ जाए जी आ जाए, हम आप सबको रिवाइव देंगे, सबको मिलेगा। सेल लगा दिए यहाँ पे रिवाइव की और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्यू ई के बॉयज वर्सेस टीम स्टार, लेट्स मूव टुवर्ड टीम स्टार। टीम स्टार का यह हंक जो है यहाँ पे नॉक हो चुका है, हंक को हंक के अलावा यहाँ पर बाकी बॉयज रहने वाले हैं। ज़ायरोजी की अगर बात की जाए पिस्टल यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरह चल रही है, यहाँ पर भी ओके आई थिंक शॉर्ट गन उठानी चाहिए, शॉर्ट गन उठानी चाहिए। ओ भाई साहब यहाँ पर उजी के स्प्रे किए जाते हैं, टीम स्टार के दो प्लेयर्स इन अर्ली स्टेजेस यहाँ पे नॉक फिनिश कंप्लीट हो चुके हैं, बट गॉड फ्यूरी वेरी एंग्री Very angry man. Finally, let's talk about Fury. Fury एक हमारा ऐसा शजारा रहने वाला है जो अपनी टीम को प्रॉपर लेके चलता हूँ नजर, जब से एक मजे की गेम चलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल यहाँ पे और गॉड फ्यूरी की बात की जाए अपने पार्टनर से, आई गेस दूर गए होंगे, क्या था व्हीकल सिक्योर करने के लिए गए होंगे, क्योंकि डेफिनेटली लॉन्ग जब आप लॉन्ग रन की बात की जाए तो एंड सर्कल में आपको व्हीकल काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो क्या पता पीछे से गेहूँ, पीछे से एक और टीम आती हुई आई गेस टीम नंबर 16 ने चार संभाला और जो बाकी जो दो प्लेयर थे उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन गॉड फ्यूरी की बात की जो तो हौसले इस प्लेयर के काफ़ी ज़्यादा बुलंद रहने वाले हैं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड करके अंदर घुसने की कोशिश जरूर से की जा रही है। लेकिन अब देखना ये कि यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो किस तरह से फाइट के अंदर अपने आप को इंगेज करेंगे, क्योंकि यू एम पी नाइन और उनके पास एक जिस हम लोग बैरल बैरल की बात करते हैं तो उनके पास एक बैरल भी रहने वाली है, तो लॉन्ग रेंज थोड़ी सी मिड रेंज की फाइट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो अगर सामने टीम नंबर 16 के प्लेयर्स की अगर हम लोग बात करें जरा से ओपन में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक चांस मिल जाएगा गॉड फ्यूरी के पास। तो अब देखना है कि उस चांस को किस तरह से यहाँ पे कैपिटलाइज करेंगे और जो अपना स्प्रेज है उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि दोनों अगर देखा जाए तो यूएमपी 9 की जैसे हम लोग गन्स की बात करते हैं डीमन, तो यूएमपी 9 की गन ये भी मशहूर है कि रबड़ की गोलियां होती है, तो जब आप लॉन्ग रेंज में डालते हो गोलियां तो थोड़ा सा इतना ज्यादा डैमेज होता नहीं है। तो अब देखना है कि वहां पे जो रबड़ की गोलियां गॉड फ्यूरी वो किस तरह से अपने बरसाते हुए सामने वाली टीम के ऊपर दिखाई देंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर भी टीम स्टार के जो फ्यूरी हैं वो यहाँ पर किस तरह यहाँ पर परफॉर्म करते हुए जाते हैं। जैगवार एंड राफे मे बी दीज गाइज हैव एन आइडिया कि यहाँ पर सिर्फ नॉक हुए हैं प्लेयर, एलिमिनेट नहीं हुए, प्रॉपर टीम एलिमिनेट नहीं हुई, वो यहाँ पर ज़रूर ये माइंड में रख के चल रहे होंगे कि जो फ्यूरी हैं या उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं वो अनकरीब यहाँ पर क्लोज में आते हुए नजर आएंगे, बट गॉड फ्यूरी यहाँ पर क्लोज में आते हैं और यहाँ पर मौके का फायदा, मौके पे चौका जो ग्वार यहाँ पे रहने वाले हैं और ये खूबसूरत इंगेजमेंट आपको देखने को मिल रही है और यहाँ पर कहानी खत्म। नेट यहाँ पे कुक किया जाता है और ये सीन नेट कुक करने के साथ साथ यहाँ से मूव भी कर दिया जाएगा। जैगवार बैक टू बैक यहाँ पर भी स्प्रे करने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो नोक है वो नोक यहाँ पर फिनिश में कन्वर्ट ना हो। बिल्कुल, और यहाँ पे जैगवार की बात की जाए एक टाइम पे घर के अंदर जरूर से गए थे लेकिन वापस से ओपन के अंदर आने की कोशिश करते हुए एक नेट जरूर से फेंका जाता है लेकिन क्या वो जो कनेक्शन है वो बन पाएगा। लेकिन एक और प्लेयर की बात की जाए सरदार जी अंदर घुसने की कोशिश करते हुए एक पीछे से ऑफकट एंगल क्रिएट करते हुए बहुत ही खूबसूरत नेट जाता हुआ, लेकिन गॉड फ्यूरी का एक वो जो नेट था एक प्लेयर को ना के पूरी तरह से कन्फर्म करेगा लेकिन वो जो दूसरा प्लेयर था रिवाइव के लिए उसको भी नॉक डाउन करते हुए इट्स 1v1 की फाइट यहाँ पे गॉड फ्यूरी वर्सेस सरदार जी। अब देखना ये कि सरदार जी किस तरह से
परफॉर्म करेगी, क्योंकि गॉड फ्यूरी के पास थोड़ा सा एक हाइट का एडवांटेज रहने वाला है, अगले प्लेयर की लोकेशन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज रह सकती है अगर प्लेयर सीढ़ियों से आता जंप मार के कहीं ना कहीं एक ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा उनके पास भी मूवमेंट करने के लिए इतनी ज्यादा लोकेशन रहने नहीं वाली। तो अब यहाँ पे जो सरदार जी है रोटेशन जरूर से करना चाहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जब आप नेट फेंकते हो और यहाँ पे बिल्डिंग को सराउंड करते हो, अगर ऊपर से कोई प्लेयर आता है तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी प्रेशर बनता है, तो आप देखना कि उस प्रेशर को किस तरह से ओवरकम कीजिएगा। लेकिन सरदार जी वापस से वेट करते की कोशिश करते हैं, लेकिन गॉड फ्यूरी का आता हुआ UMP9 नहीं बैरल का यहाँ पे स्प्रे दिया जाता है, और जो आखिरी सर्वाइवल थे उनको भी एलिमिनेट करते हुए अपने जो बाकी दो पार्टनर्स डीमन उनका बदला लिया जाता है पूरे का पूरा स्क्वाड वाइप आउट करके। एग्जैक्टली रेवेंज जो है यहाँ पर भी जरूर लिया गया टीम स्टार की तरफ से, स्टार के फ्यूरी की तरफ से, और यहाँ पर नो डाउट दिस टीम मतलब कि भी बात कीजिए टीम स्पेशली टीम स्टार की, डे बाय डे कंपेटिटिव ग्राउंड के अंदर दीज गाइज लर्न अलोट, काफ़ी सीखा है उन्होंने, काफ़ी अच्छा गेम प्ले निकलता है। बट बबलू की एंगेजमेंट हमें बैकएंड पे देखने को जरूर मिलती है, टीम TMW एक प्लेयर अपना गुआ देती है ड्यूरिंग रोटेशन, क्योंकि यहाँ पर अगर बबलू की बात करें बबलू के बॉयज भी क्लोज में रहने वाले हैं, बिग बॉस को एक गोली की हवा लगनी है, एंड हियर यू गो जो गोली की हवा यहाँ पर लग चुकी है। दूसरे पे का बात कीजिए जुबियान यहाँ पे रहने वाले हैं, जुबियान यहाँ पे नोक चुके हैं, दानी यहाँ पे रहने वाले हैं, दानी के बैकएंड पे TMW के बॉयज, अब TMW के बॉयज है ये जरूर यहाँ पे चाह रहे होंगे इस नोक को किल के अंदर तब्दील किया जाए। बट अगर प्राइम की बात करें प्राइम एंड हयान जो है क्लोज में आते हैं, और यहाँ पे क्लोज में आते ही जिस तरह वो कंफर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं गाड़ी के नीचे देख के किल की कंफर्मेशन की तरफ जाएंगे, प्राइम इज द ओनली गाय जो कि इधर रहने वाले हैं, और यहाँ पर भी आगे दानी ही के साथ उनकी फर्दर फाइट हमें शायद देखने को मिले। स्पोर्ट यहाँ पर जरूर करनी चाहिए थी, बट लेट्स सी कि क्या बनने वाला है। यहाँ पर नजरें जमा के बैठे हुए हैं, यहाँ पर नॉक करने की पूरी कोशिश, यहाँ पे काफी यहाँ पे दानी लो एचपी रहने वाले, क्लोज में जाते हैं थोड़ी पीक्स कराते हैं, यहाँ पर भी बैक टू बैक फायर करते हैं, अगर यहाँ पर बैक से अच्छी स्पोर्ट आती है बबलू दानी काफी यहाँ पर काफी मुश्किल में पड़ जाएंगे। बट प्राइम यहाँ पे क्लोज में जाने के लिए कोशिश करते हैं, बट प्राइम को पता था कि दानी इज लाइक एग्रेसिव प्लेयर, वो ज्यादा देर दरख्त के कवर में नहीं खड़े रहने वाला, तो वो जरूर ये कहेगा कि यार कि मुझे आगे जाके ही खुद कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ते दानी को यहाँ पे नॉक फिनिश कंप्लीट दे दिया जाता है, जुबियान एंड दानी एलिमिनेट हो जाएंगे। पैन एंड टीन वुल्फ दोनों बहुत हैवी प्लेयर हैं, और वी नो दैट द यूटिलिटी पावर ऑफ टीन वुल्फ, जिस तरह वो बता के कहते हैं कि नेड आ रहा है बॉयज, नोक आ रहा है, तैयार हो जाओ। तो लेट्स सी कि यहाँ पर टीन वुल्फ एंड पैन किस तरह गेम प्ले निकालते हैं अगला। बिल्कुल यहाँ पे उनको अपनी जो अच्छाई है उनका पता है कि यहाँ पे नेड आ रहा है, तो उनको भी पता है कि यहाँ पे जो उनके नेड्स हैं वो ऑन पॉइंट जाने वाले, तो अब देखना ही कि यहाँ पे जो दो प्लेयर्स रह चुके हैं डेफिनेटली अपने टीम से थोड़ा सा दूर थे वहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे देखा जाए तो बबलू के पास फिर भी एक चांस जरूर से रहने वाला है अपनी टीम को वापस पॉइंट्स टेबल के ऊपर लेके जाने की कोशिश की जाए। अभी जिस एरिया में मौजूद है कोई उनके ऊपर एक आंख रखने वाला मौजूद नहीं है, तो जोन के साथ रोटेशन करेंगे और आगे देखना ये कि यहाँ पे और कौन सा जो राइवल है वो उनके सामने कम्पीट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक और भी मौका आ सकता है कि बबलू क्या बता हम लोगों को उसी एरिया के अंदर सराउंड करते हुए दिखाई दे और यहाँ पे जो फायर के अंदर एग्रेशन करेंगे। लेकिन वहाँ पे आईएट के रिव्यूज की बात की जाए तो रिव्यूज यहाँ पे F16 के साथ बहुत ही खूबसूरत फायर देने की कोशिश करते हुए, आई गेस FS का स्क्वाड वो सामने वही रहने वाला है जिसके साथ यहाँ पे जो फाइट है उसके अंदर एंगेज करेंगे। तो बेस्ट टीम्स की बात की जाए तो FS टीम रहने वाली है जिसके पास इस टाइम पे चिकन रहने वाला है, तो वापस से जिस लास्ट टाइम पे रेज को कन्फर्म करते हुए नजर आए थे इस टाइम पे FS की टीम को यहाँ पे कन्फर्म करने की कोशिश करते जरूर से की जाती है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आईएट एक प्लेयर अपना जरूर से खो दिया जाता है, लेकिन नेट्स का यहाँ पे जो भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है सामने वाली टीम की जानिब से, लेकिन वहाँ पे एक प्लेयर को गाड़ी से नीचे यहाँ पे दे दिया जाता है। तो हम लोग डीमन इस मैच के अंदर दो प्लेयर्स ऐसे देख चुके हैं जो गाड़ी के नीचे भी कुचले जा चुके हैं, तो प्लेयर्स यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को आई गेस ड्राइविंग लाइसेंस भी इनको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना हो कि भाई इधर छापा पड़ जाए यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होगा और इनको यहाँ पे लेके नस जाए फिर। एग्जैक्टली जोक से पार्ट, बट यहाँ पर अगर बात कीजिए ये एक स्किल है, एक मतलब कि मैं कहूँगा आर्ट है जो कि भी व्हीकल से एलिमिनेट करना, बट दूसरा पर बात कीजिए यहाँ पर इजी पीजी दानी जो है रिवाइव कर सकते थे अपने बॉय को जिबियान को, बट अगर बात की जाए बैक एंड से जिस तरह बग्गी लेके आए और उन्होंने उनको अंदाज़ा था कि अभी तक वो किस साइड पे मूव करेगा, उनका एक टर्न ही ये बताया था कि यहाँ पे कहाँ पे नॉक निकलेगा, बट बैक एंड पे R3D के अनोबिस यहाँ पे फाइट जनरेट करते नजर आ रहे हैं, मैप के ऊपर क्लोज जाते हैं R3D की तरफ जाते हैं, वॉल्कर यहाँ पे रहने वाले हैं, टीम R3D जिनका प्रॉपर रोस्टर ही चेंज हो चुका है, अनोबिस इज दी लाइक IGL बाईजन अभी फुल एग्रेसिव हो चुके हैं, उनके प्लेयर्स के ऊपर एक लाइबिलिटी आ चुकी है, फेल बाईजन जो है यहाँ पर डायरेक्ट फेल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये डायरेक्ट फेल सी किसको करते हैं क्योंकि वॉल्कर को यहाँ पर रिवाइव चाहिए, रिवाइव पॉसिबल है इजीली यहाँ पर रिवाइव मिल जाएगा, बट बैक एंड पे एनईएस की बात करूंगा, एनईएस के बॉयज रहने वाले फेल जो है
थोड़ा सा एग्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाने की उनकी तरफ से जरूर कोशिश होगी। मे बी ही जस्ट नीड सम लूट, जो यहाँ पर भी नॉक जनरेट किया गया है उसकी तरफ यहाँ पर लूट करते हुए नजर आए। बट हॉक की बात की जाए, हॉक यहाँ पर रहने वाले हैं, व्हीकल इनके पास रहने वाली है, इजी पीजी यहाँ से रोटेट किया जा सकता है। बट दूसरी साइड पर बात की जाए, T20 क्वेटी यहाँ पर रहने वाली है, क्वेटी के पास यहाँ पर टफ के ESP रहेंगे, ESP यहाँ पर क्लोज करते हैं। बट क्लोज में वोल्ट्रक्स रहेंगे और वोल्ट्रक्स की जो क्लोज गेम है, वी एवरी सिंगल वन इन द चैट नो दैट के वोल्ट्रक्स इन ए क्लोज रेंज क्या बीस्ट है बॉय। और भाई लेट्स टॉक अबाउट अदर टीम्स जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता सर्कल के अंदर मूव करते हुए नजर आएंगे। लुक एट द क्लस्टर, ये क्लस्टर काफी यहाँ पर भी मजेदार बनता हुआ नजर आ रहा है। तीन तीन टीमें मुझे नजर आ रही हैं, एचटूई के बॉय यहाँ पर भी नजरों में आएंगे। ओ भाई साहब, लकीएस्ट गाय, एक एचपी रह चुके हैं मौके। बिल्कुल यहाँ पे काफी एक अच्छा कंसिस्टेंस प्ले रोशान की जानव से देखने को नजर आता है, लेकिन वहाँ पे जो एक लक फैक्टर भी काफी था पबजी के अंदर हम लोगों को देखने को नजर आता है, और वहाँ पे सामने ओपनर की जानव से हम लोगों को देखने को भी मिला। लेकिन अब देखना है कि यहाँ पे जो H2E के प्लेयर्स है वो थोड़ा सा हम लोगों को फंसते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि पीछे QR का स्क्वाड रहने वाला, सामने NES का स्क्वाड रहने वाला, तो दो तरफा जब फाइट होती है तो आपके प्लेयर्स थोड़ा सा बट जाते हैं फाइट के अंदर अपने उनको इन्वॉल्व करते हुए। लेकिन वहां पे जॉनी सीन्स आते हुए दिखाई देते हैं, सीरियस के ऊपर बहुत ही खूबसूरत नेट फेंका जाता है और सीरियस का जो खात्मा है वो हम लोगों को लॉबी के अंदर से यहाँ पे लॉबी का रास्ता दिखा दिया जाता है, गेम से उनका जो सफर है खत्म कर दिया जाता है। तो इस टाइम पे H2E की बात की जाए तो स्टार्टिंग से ही हम लोगों को काफी एक अच्छी गेम प्ले दिखाने की कोशिश की जा रही है इनकी जानव से। जिस तरह वन ऑफ द बेस्ट टीम रेज की बात की जाए, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से ही हम लोगों को रेज का स्क्वाड पूरी तरह से एलिमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर QR के स्क्वाड के साथ यहाँ पे जो फाइटर्स के अंदर इंगेज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वहाँ पे एनिस के जामिन के ऊपर काफी एक अच्छा स्प्रे, लेकिन डेफिनेटली इनके पास भी कवर का फायदा था, उसको कैपिटलाइज करते हुए अभी तक तो सिक्योर है। लेकिन वहाँ पे QR के प्लेयर जाएगा, यहाँ पे फाइट लेने की कोशिश की जाती है और जो अपने प्लेयर का बदला है वो निकालने की कोशिश करते हुए स्पार्क आएंगे। पीछे बहुत ही खूबसूरत 1v2 किया जाएगा, लेकिन इनकी लोकेशन भी कॉम्प्रोमाइज हो, पीछे से बहुत ही खूबसूरत कवर फायर आता हुआ स्पार्क को जो कि आखिरी सर्वाइवल तो है उनको भी एलिमिनेट करता हुआ एक और टीम को लॉबी का रास्ता दिखा दिया जाता। तो इस टाइम पे H2E के प्लेयर्स बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले डीमन हम लोगों को दिखाते हुए मिल रही है उनकी तरफ से। एक बहुत खूबसूरत गेम प्ले हमें देखने को मिल चुका है यहाँ पर H2E के जानिब से, और H2E के बॉयज काफी जबरदस्त किस्म का गेम प्ले करके आगे भी जाते हैं। टीम NES के जामिन की बात करूँ, जामिन यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर और क्लोजनेस बढ़े और इजी गेम प्ले बने और यहाँ पर वो अच्छी गेम निकाल सके। टीम H2E द लक्कीस्ट टीम ऑफ दिस मैच रंगल मैं कहूंगा, जो अभी एक मौत के मुंह से वो कहते हैं ना टक करके वापस आ चुके हैं यहाँ पर। और उसके बाद NES के जामिन की बात करूँ, रोशान की बात करूँ, रोशान तीनों प्लेयर्स यहाँ पे रहने वाले हैं, एमर जो है वो यहाँ पे नॉक फिनिश कंप्लीट हो चुके हैं, बट टार्जन टार्जन यहाँ पे जरूर रहेंगे, टार्जन को यहाँ पे नॉक करने की जरूर कोशिश की जाएगी। यहाँ पर अकेले प्लेयर रह चुके हैं, मे बी बैक एंड से एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिले, NES को यहाँ पर काफी मुश्किल का भी सामना करना पड़ सकता है। बट NES के बॉयज बिल्कुल अपने प्लेयर को अकेला ना छोड़ते हुए, जॉनी सिंस बड़े ही तेजी के साथ अपनी व्हीकल को भगाते हुए यहाँ पर आ चुके हैं कि जाने मन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, टेंशन नहीं लेनी, आ चुका हूँ मैं। जामिन यहाँ पर रहने वाले हैं, जामिन लेट्स सी के किस तरह खेलते हैं आगे, किस तरह अपनी गेम प्रोवाइड करते हैं। बट मे बी जॉनी सिंस हैव ए क्लियर आइडिया कि कहाँ से कहाँ पे यहाँ पे प्लेयर जो है मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। बट टार्जन यहाँ से बड़ी तेजी से मूव करते हैं, जॉनी सिंस ये चीज नोट कर चुके हैं कि हमारा प्लेयर जो है यहाँ से इजिली रोटेट कर चुके हैं, प्ले जोन का और डैमेज ना लेते हुए वो सर्कल की जानब बढ़ेंगे। बट सर्कल की जानब से पहले यहाँ पे टार्जन जो है किसी और के हथे चढ़ जाएंगे और ये हथे DDD DDD के बॉयज के हथे चढ़ेंगे और ये बॉयज जल्दी से जल्दी नॉक फिनिश कंप्लीट करके अपनी अगली गेम की जानब, अपने अगले टारगेट की जानब यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे मुकी। बिल्कुल यहाँ पे देखा जाए तो टार्जन थोड़ा सा अपनी टीम के लिए एक अलार्म भी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे नहीं आना, टीम मौजूद रहने वाली है, तो एक अलहदा से पाथ को फॉलो करते हुए टीम हम लोगों को जो H2E के प्लेयर्स हैं जोन के अंदर रोटेट करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे DD के प्लेयर्स की बात की साइको नॉकडाउन जरूर से होते हैं, लेकिन आई गेस इनको जोन के बाहर ही छोड़ दिया जाता है, तो बाकी आई गेस यहाँ पे रिवाइव दे दिया जाएगा जोन के अंदर, यहाँ पे जो रिवाइव का प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन थक की बात की जाए तो जाते जाते एकदम से रुक गए हैं, आई गेस किसी को स्पॉट किया था या पेट्रोल यहाँ पे खत्म हो चुका होगा, आई डोंट नो कि यहाँ पे हुआ क्या था, लेकिन वापस से अपनी गाड़ी के अंदर बैठेंगे और जो जोन का सफर है वो यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ओपन का सर्कल है, तो सामने जिस तरह NES के यहाँ पे आई गेस जामिन मौजूद रहने वाला है, स्पॉट डाउन कर लिया जाए तो थक यहाँ पे पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है, और यहाँ पे जो स्क्वाड है इसको पूरी तरह से क्रूशियल डैमेज देते हुए थोड़ा सा धचका दूर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे मैक्सी की बात की जाए, मैक्सी हम लोगों को इस टाइम पे नॉकडाउन जरूर से रहने वाले हैं, जॉनी सिंस भी आई गेस सामने नजदीक जरूर से नजर आते हैं, लेकिन वहाँ पे TJ शपाटर गिर के नॉकडाउन हो चुके हैं,
तो टीजी के लिए थोड़ा सा हम लोगों को मुश्किलात पैदा होती है, उनके लिए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे डीडी के प्लेयर्स हम लोगों को यहाँ पे जरूर से मौजूद रहने वाले थे। आई गेस H2E के प्लेयर्स भी इस एरिया के अंदर हम लोगों को दिखाई दे रहे थे। तो अब देखना है कि यहाँ पे जो तीन तरफा जो फाइट है वो किस तरह से रहने वाले, डेफिनेटली अब तीन टीम्स होती हैं तो थर्ड पार्टी का शिकार भी हम लोगों को टीम्स बनती हुई दिखाई देती हैं। तो अब देखना है कि जोन से यहाँ पे जो है रास्ता थोड़ा सा बढ़ चुका है और 350 का मीटर अभी भी यहाँ पे देखा जाए तो एनिस के जामिन को तय करना पड़ेगा। अब दो प्लेयर्स अपने खो दिए जाते हैं लेकिन अभी भी जोन से बाहर हैं, और ये जो जोन है ये भी स्टार्ट होता हुआ स्टार्ट चलता हुआ स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों को। तो अब देखना है कि टीम एनिस जो है वो किस तरह से जोन के अंदर रोटेट करते हुए दिखाई देगी। IET के प्लेयर्स की बात की, तीन प्लेयर्स स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं डीमन अभी तक। एग्जैक्टली तीन प्लेयर्स यहाँ पे स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं, बट एनईएस के बॉयज की बात करें, एनईएस के बॉयज के बिल्कुल सामने एडीएस के पास ऊपर प्लेयर रहने वाले डीडी यहाँ पर ओपनिंग निकालती है, और इस ओपनिंग का काफी भारी नुकसान यहाँ पर उठाया जा सकता है एनईएस की जानब से। बट डीडीडी यहाँ पर ओपनिंग निकाल के एंगेजमेंट्स को अवॉइड करके आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जोनीसिन्स हमें नजर आ रहे हैं रस्ते में, और उसके बाद है TMW के बॉयज, है TG, ये ईवल बॉय यहाँ पर नॉक जनरेट करते हैं ऑन R3D। लेट्स मूव टूवर्ड द मैप, मैप की तरफ जाने बढ़ते हैं, यहाँ पर R3D की तरफ जाएंगे। नोबिस यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, वो यहाँ पे रहने वाले फेल, यहाँ पे रहने वाले लेट्स सी कि यहाँ पर किस तरह का आगे एंगेजमेंट यहाँ पर बनते हुए नजर आती है। सामने यहाँ पर नेट्स किए जाते हैं, सॉरी यूटिलिटीज यूज कर देते हैं, स्मोक यहाँ पर जनरेट थ्रो रहता था कि यहाँ पर अपने प्लेयर्स को यहाँ पर रिवाइव किया जा सके। टीम R3D विद मैन पावर अभी तक यहाँ पर खड़ी खड़ी यहाँ पर आगे और मूव कर सकती है, बट वॉल्कर को भी यहाँ पर रिवाइव किया जा सकता है। नोबिस थोड़ा सा यहाँ पर डाउन साइड जरूर रहते हैं, और नोबिस यहाँ पर जल्दी से जल्दी रिवाइव करेंगे, और मेरे ख्याल से नोबिस नहीं यहाँ पर वॉल्कर थोड़ा सा डाउन साइड रहेंगे, जिनको थोड़ा सा रिवाइव मुश्किल में भी देखने को मिलेगा। बट फेल यहाँ पर रहने वाले हैं TG की तरफ से, फुल हैवी जनरेट्स यहाँ पर नेट किए जा रहे हैं, नेट थ्रो किए जा रहे हैं ताकि जो है ओपनिंग सामने R3D के ऊपर निकाली जा सके। बट लेट्स टॉक अबाउट दी ईवल बॉय। ईवल बॉय आगे किस तरह और खेलते हैं, किस तरह आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदाजा हो जाएगा। बट वो हॉक की बात करें, हॉक यहाँ पर भी क्लोज में रहने वाले हैं, यहाँ पे ईवल बॉय जैसे ही निकलते हैं, ईवल बॉय यहाँ पर नॉक फिनिश कंप्लीट हो सकते हैं, एंड ही यू गो फाइनली टीम R3D के हाथ एक और के लिए यहाँ पर आ जाता है। टीम I8 की बात करूँ, रिव्यूज यहाँ पर कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं कि लेट्स छत के ऊपर चढ़ के यहाँ पर भी दूर दूर यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा, सर्कल के अंदर रहेंगे। टीम TMW के ऊपर भी नजर आज नजर पड़ चुकी है, और यहाँ पर नॉक जनरेट किया जा सकता है रिव्यूज की जानिब से। बिल्कुल, यहाँ पे रिव्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो इस प्लेयर को पता है कि मैप की, ये सारी मैप की रीड होती है और यहाँ पे जो एरिया की रीड होती है, डेफिनेटली प्लेयर को नहीं पता था, यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को नहीं पता होता कि यहाँ पे किस तरह से ऊपर जाना है, तो यहाँ पे जो पाथ है उसको फॉलो करने की कोशिश की जाए। लेकिन सामने 3 और 5 के प्लेयर्स की बात की जाए, स्पॉट कर लिया जाता है, हाइट का एडवांटेज आखिरी सर्कल में ये थोड़ा सा फायदेमंद रहता है, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी ओवर एक्सपोज होती है कहीं ना कहीं पीछे से आपको कवर फायर भी दी जैसे, जैसे यहाँ पे रिव्यूज़ की लोकेशन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज थी, और यहाँ पे शॉट आता हुआ डायरेक्ट नॉक एंड एलिमिनेट करते हुए यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो दी जाती है H2E के प्लेयर्स, आई गेस यहाँ पे वो रहने वाले हैं। गोस्ट की बात की जाए और यहाँ पे जो पुष्पा वो आखिरी लास्ट सर्वाइवर रहने वाले अपनी टीम के लिए, और अपनी IET की टीम को इस टाइम पे हम लोगों को टॉप 6 के अंदर दिखाई देते हुए नजर आ रहे, लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो जॉनीसिंस आई गेस वो प्लेयर रहने वाले हैं येलो टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, वो आई गेस सोलो सर्वाइवल रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखना ये कि डेफिनेटली जब सोलो सर्वाइवल होता है थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, और डेफिनेटली जोन के बाहर है तो जोन के अंदर आने की कोशिश जब करेंगे तो सामने IET जैसी टीम मौजूद रहने वाली या गेट कीप करते हुए आपको थोड़ा सा मुश्किलात का सबब पैदा करेगी। लेकिन वहाँ पे रोशान को भी डाउन करते हुए गोस की जाने से जो पनिशमेंट है वो दी जाती है, लेकिन यहाँ पे एक और टी नंबर 18 के प्लेयर्स की बात की तो टी नंबर 18 के प्लेयर्स भी हम लोगों को जोन के बाहर फाइट के अंदर अपने आप को बचाने की कोशिश जोर से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखना ये कि यहाँ पे जो TMW के प्लेयर्स आई गेस वो रहने वाले, TMW के प्लेयर्स के बिल्कुल पीछे एक और स्क्वाड रहेगा, तो सारे की सारी टीम हम लोगों को काफी नजदीक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डीमन IET की बात की जोन से थोड़ा सा नजदीक है, प्लेयर्स को मुश्किलात का सबब पैदा करते हुए कहीं ना कहीं खुद इजीली जा सकते हैं, लेकिन वहां पे जॉनी सिंह जो कि आखिरी सर्वाइवल बचे थे बाकी उठाते हैं घुसने की कोशिश करते हुए, लेकिन IET के क्रॉस एयर में जरूर से आते हैं लेकिन निकलने में कामयाब जरूर से हो जाता है। लेकिन अब देखना ये कि वहां पे जो आगे एक टीम रहती है अगर जॉनी सिंह को स्पॉट कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन वो जो एक स्ट्रगल होती है पूरी तरह से दिखाई जा रही है, और अकेले जो सोलो सर्वाइवल होता है वो सर्वाइविंग स्किल ओवर के उनकी तरफ से नजर आती दिखाई दे रही है हम लोगों को। एग्जैक्टली, बट टीम TMW यहाँ पर काफी यहाँ पर डैमेज क्रिएट करती है, और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। एक डिप का कवर उनके पास एक अच्छा बन चुका है, पुष्पा सर्कल के अंदर जाने की पूरी कोशिश, बल्कि सर्कल के अंदर पहुंच भी चुके हैं, बिल्कुल उनके सामने जोनीसिंस रहने वाले हैं, उनके पास भी एक डिप का कवर रहने वाला है। बट टीम बबलू इस चीज का पूरा फायदा उठाते हुए हमें देखेगी, क्योंकि टीम बबलू के पास सेवन सर्कल रहने वाला है, और टीम बबलू यहाँ पर
आगे बढ़ते हुए, जिस तरह नॉक जनरेट कर सकती है, जिस तरह वो किल्स निकाल सकती है, वी नो दैट कि बबलू के पास सर्कल आ जाए तो वो कितनी एग्रेसिव टीम है इस स्पेशली इस सर्कल के अंदर, इस ओपन ग्राउंड के अंदर। लुक एट दी पैन पैन कंडीशन, पैन के पास जो एक कवर रहने वाला है वो आप देख सकते हो कि लड़के के पास कितना अच्छा कवर रहने वाला है। बट ऊपर अगर बात की जाए टीम आर थ्री डी भी इस गेम के लिए के अंदर चिकन जरूर निकालना चाहेगी, इस गेम के अंदर अच्छी गेम पूरी निकालने की कोशिश करेंगे। जॉनी सिंस आई थिंक एडीएस के अंदर पैन के आ चुके हैं, पैन को रियलाइज नहीं हुआ बट आई रियलाइज दैट कि यहाँ पर वहाँ पर भी जिस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिली जॉनी सिंस की जानिब से, तो भाई अंदाज़ा नहीं हुआ, लकी लकी मैं कहूँगा इस टाइम जॉनी सिंस को कि वो पैन के हाथों बच चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पॉट करने की कोशिश उसी की जाती है, लेकिन पैन की बात की जाए किसी ऐसे खतरनाक एरिया में, मिलिट्री वाले एरिया, अगर यहाँ पे तोप चलती होती तो एक ही तोप मारते पूरी पूरी टीम है यहाँ पे निश्चित कर देते, लेकिन शुक्र है यहाँ पे चलती नहीं है। तो अब देखना ये कि सोलो सर्वाइवल बच चुके हैं और उनके पास एक हाइट का एडवांटेज भी रहने वाला है डीवन, और अकेले सर्वाइवल भी बच चुके हैं, पूरी तरह से अकेले प्लेयर गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ देखा जा रहा है कि कोई टीम कोई प्लेयर स्पॉट होता है तो उसको यहाँ पे जो डैमेज है वो दिया जाए और रोका जाए, और अपने जो विन विन सिचुएशन है उससे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी होती है उसके अपने नजदीक लेके जाया जाए। लेकिन आई गेस कहीं ना कहीं वो जो प्राइम है, प्राइम की लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, स्पॉट अगर बार बार करे तो आई गेस उनको पता है कि यहाँ पे कोई प्लेयर अंदर आने की कोशिश करे। लेकिन हयान की बात की जाए तो हयान क्या पता पीछे से कवर पर देने की कोशिश कर जरूर सक सकता है, लेकिन जॉनी सिंस का सफर यहाँ पे जाता हुआ पुष्पा के हाथों खत्म कर दिया जाता है। तो अभी भी टॉप फोर टीम्स हम लोगों को नजर आती दिखाई दे, लेकिन वहाँ पे टीम नंबर 10 के प्लेयर्स की बात की जाए तो आई गेस वो आर3डी का स्क्वाड एनालिस्ट जो कि बबलू पैन के बिल्कुल पीछे से आ रहा है, तो पैन ओपन से है, पीछे से पूरी तरह से एक एंगल निकल सकता है, तो पैन को भी पनिशमेंट दी जरूर से जा सकती है। तो अब देखना ये कि पैन अपने आप को किस तरह से पूरी तरह से सर्वाइव करते दिखाई देंगे। लेकिन आईएट के प्लेयर्स की बात की जाए तो अभी तक सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुष्पा जैसे गाड़ी में बैठते हैं रेंडर्स प्लेयर्स आते हुए कनेक्ट करते हुए काफी ज्यादा डैमेज देंगे, लेकिन जोन भी क्लोज इन होगा तो आई गेस यहाँ पे जो हील है वो पॉप अप नहीं कर सकते, तो आई गेस गोस्ट वो आखिरी सर्वाइवल बचेंगे अपनी टीम के लिए, छोड़ा जाता है अपने प्लेयर को और वो जो जोन का सफर है उसको करते हुए क्लोज इन करते हुए दिखाई देंगे। तो आप देखना ये गोस्ट की गाड़ी वो भी काफी ज्यादा पटने वाली थी, लेकिन एक रॉक का कवर उनके पास आता हुआ एग्जैक्टली एक रोक का कवर उन्होंने अपने लिए बना लिया। नोट जब मैं ये कहूँगा कि उनको अंदाजा था कि मैं कहाँ तक गाड़ी को लेके जा सकता हूँ, बट गाड़ी जब कहते हैं ना एक ब्लास्ट होने के कगार होता है, बट यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर स्पॉटिंग की जाती है गोस की जानब से, गोस यहाँ पे स्मोक भी जनरेट कर देते हैं ताकि उनके सामने जो दरख्त है उसका कवर लिया जा सके सर्कल के अंदर, और सर्कल के अंदर में भी इस दरख्त जो है उनके सर्कल के अंदर जरूर बनता हुआ नजर आएगा। अगर सर्कल के अंदर बन जाता है तो काफी अच्छा सीन बनता हुआ नजर आएगा। बट लुक एट दिस गोस इज एक्चुअली द परफेक्ट नेम ऑफ फॉर दिस बॉय, इस लड़के के लिए ये नाम जो है कॉन्फिडेंस बहुत बहुत सही समझा जाएगा। आप सब यहाँ पर देख सकते हो लड़की की स्पोर्टिंग, भाई खूबसूरत गेम प्ले, ये होता है एक अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर जो कि एक जल्द से जल्द सामने अपने जो अगेंस्ट प्लेयर रह चुका रहता है उसको यहाँ पर स्पोर्ट करते हैं। ओ माय गॉड, अ नोबिस फाइनली गोस को यहाँ पर स्पोर्ट करते हैं, नॉक फिनिश कंप्लीट करते हैं। बट बबलू पैन की बात करें, पैन यहाँ पर भी पहला चिकन यहाँ पर निकाला था उसको नॉक फिनिश कंप्लीट किया था। पैन इज दी ओनली गाय जो कि यहाँ पर रहने वाला है, एंड हे यू गो भाई पैन, जिससे पहले के नॉक करते यहाँ पर टीम आर3डी जो कि आज के दिन का तीसरा चिकन डिनर अपने नाम कर लेती है 10 किल्स के साथ। भाई अब बहुत अच्छे किल्स आर3डी का ये न्यू लाइनअप, भाई हैट्स ऑफ भाई, जितने भी बॉयज हैं जितने भी टीम्स हैं जो अगर अच्छा खेलती हैं, चैट जितनी भी हमारी चैट है उन सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अप्रिशिएट द ईच एंड एवरी सिंगल टीम, ईच एंड एवरी सिंगल प्लेयर जो अच्छा खेलता है उसको जरूर अप्रिशिएट करें ताकि वो और अच्छा खेले। बट मोकी व्हाट ए गेम इट वाज, बिल्कुल यहाँ पे डीमन देखा जाए तो काफी हेल्दी और एक टफ हमें कंपटीशन देखने को नजर आया। हर दफा एक नई टीम उठ के आती हुई कंटेस्ट करती दिखाई दे, जिस तरह यहाँ पे पहले देखा जाए रेज की टीम आती हुई पूरी तरह से हम लोगों को कंटेस्ट करने की कोशिश करती थी, लेकिन TMW के स्क्वाड ने वहाँ पे उनका फुल स्टॉप लगाया। दूसरे मैच की बात की जाए मीरामार के अंदर फ्री स्टाइल की टीम वो रहने वाली है जिन्होंने यहाँ पे कंटेस्ट किया था, लेकिन इस दफा एक नई टीम आती हुई दिखाई दे रही है आर3डी की टीम वो रहने वाली है जो कि 10 किल्स के साथ चिकन करती है। लेकिन इस टाइम पे अगर देखा जाए तो गोस्ट की यहाँ पे एक दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह से वो जोन के बाहर थे पूरी तरह से हम लोगों को वर्चुअल कवर स्मोक का बनाते हुए दिखाई देते, तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस उनको पता था कि वो उनको किस तरह से खेलने, उनको अपनी गेम प्ले पे यकीन था, उस यकीन के साथ
किस तरह से अगले प्लेयर्स को धचका देते हुए जोन के अंदर मूव किया था, वहां पे मैं थोड़ा सा पूरी तरह से नंब हो गया था। लेकिन यहाँ पे बबलू के स्क्वाड की पैन की बात करें स्पेशली, तो किस तरह से वो अकेले सर्वाइव करता, वो अपनी टीम को सेकंड स्पॉट के ऊपर लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ पे टीएमडब्ल्यू की बात की है, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट जरूर से नंबर से वो इतने ज्यादा जनरेट नहीं कर पा रहे, लेकिन पोजिशन पॉइंट से हम लोगों को स्टेबल जरा सा कंसिस्टेंट जरूर से नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जैक्टली और नो डाउट ये कंसिस्टेंसी मैं कहूँगा कि काफ़ी आपको भी विनिंग मूवमेंट पे लेके जाती है। आपकी प्लेसमेंट पॉइंट आपको काफ़ी मैटर करते हैं, प्लेसमेंट पॉइंट से वी नो दैट कि चिकन पे 15 जबकि सेकंड प्लेस पे 12 और थर्ड प्लेस पे 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो टीएमडब्ल्यू प्लेसमेंट के यहाँ पर 10 पॉइंट, किल के 2 पॉइंट अपने नाम कर चुके हैं, तो एक अच्छी पोजीशन एक टाइम जो अभी इसको ओवरऑल आपको जो जितना भी स्कोर है इन टोटल ओवरऑल जो स्कोर होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा ब्लैक लाइट के इंस्टाग्राम के ऊपर। जल्दी से जाके आपने इंस्टा पे सर्च करना ब्लैक लाइट को और फॉलो कर लेना इस तरह के अपकमिंग जितना भी सीन होंगे, जितने भी कम्युनिटी के लिए मैसेजेस होंगे, जितनी भी अपकमिंग जो भी स्टोरीज होंगी, जो भी एक अपकमिंग मैच होगा, टूर्नामेंट, जो भी सीन होता है वो वहाँ पर आपको जितना भी देखने को मिलेगा सब कुछ वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपने लाजमी ब्लैक लाइट को जाके सब फॉलो ज़रूर करना। बट गाइज दोस्तों ये था जी आज का दिन का छोटा सा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच कुछ ही पलों में स्टार्ट हो जाएगा। मुझे और मोकी को दें छोटी सी ब्रेक की इजाज़त, आपने सारे रिजल्ट्स देख लिए, मैं एक बार फिर यहाँ से मूव कर लेता हूँ ताकि आप वंस अगेन आहिस्ता आहिस्ता अपने सारी जितनी भी टीम्स हैं, जो आपकी फेवरेट टीम है, जो आपका फेवरेट प्लेयर है, उसकी आप किल्स यहाँ से देख सकते हैं। बट मैन ऑफ द मैच ऑफ द डे वी नो दैट द वन एंड ओनली गोस्ट, और गोस्ट की परफॉर्मेंस इस मैच के अंदर 6 किल्स के साथ 1200 प्लस का डैमेज, अमेजिंग गेम प्ले, इट्स मीन दिस प्लेयर प्लेड वेल इन दिस मैच। दूसरा H2E के असद यहाँ पर अपने टीम को काफ़ी अच्छे से लेके चलते हुए नजर आए, भाई रेस्क्यू किया अपने अपने प्लेयर्स को 4 दफ़ा, और जबकि अगर बात की जाए हमारे R3D के हॉक जो भाई जो हैं उन्होंने लास्ट फिनिश करके अपनी टीम को यहाँ पे विनर चिकन डिनर दिलवाया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ईच एंड एवरी सिंगल प्लेयर जो आज के दिन के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आज के दिन के अंदर अच्छा खेलते हुए नजर आ रहा है, भाई मज़ा आ रहा है। भाई ऑफ कोर्स हमारी जितनी भी ऑडियंस है उनको भी आज मज़ा आ रहा होगा कि वाकई आज का जो मैच है वो देखने लायक है। तो अगर ऐसा है तो ज़रूर फॉलो करें ब्लैक लाइट को ऑन इंस्टाग्राम। मुझे और मोकी को तो एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अबे बताओ इसका बंदा किधर गया ये वो। वेलकम बैक गाइस वंस अगेन लास्ट मैच ऑफ द डे। आज ये आखिरी मैच, लेट सी के इस मैच को कौन अपने नाम करके जाता है, कौन इस गेम के ऊपर वो कितना एक जीत हासिल करता है। प्रिजन के अंदर वंस अगेन अपने सारे के सारे टीम में, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग सैनोक हियर बट वंस अगेन मीरामार, वेलकम टू द डेजर्ट बॉयज। डेजर्ट के अंदर लेट्स सी कि ये लड़के किस तरह खेलते हैं इसके अंदर, बिकॉज ये दो मैच हैं जिसके अंदर आपकी गेम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। सैनोक समहाउ हर प्लेयर यहाँ पर एग्रेसिव रहने वाला है, वो थोड़ा सा सैनोक को निकाल सकता है, अच्छा गेम निकाल सकता है सैनोक के ऊपर। बट रेंगल एंड मीरामार दो ऐसे मैप हैं जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, स्पेशली मीरामार का मैप जहाँ पर आपको रोटेशंस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि किस एरिया को आप मतलब भी रोटेशन के लिए यूज कर सकते हो, किस किस एरिया से आप रोटेट करके उस जगह को होल्ड कर सकते हो। इफ यू गाइस हैव सम एंगेजमेंट, आप किस एरिया पे ब्रेक्स लगा के फाइट एंगेज कर सकते हो, बिकॉज जिसका कवर तो हमें पता है हर जगह पे हो आपको मिल जाता है, स्पेशली इन मीरामा। तो मेरे ख्याल से आपको ये मैप, मेरे ख्याल से सब जितने भी मैप्स आने वाले कंपेटिटिव के अंदर, ये मैप आपको बहुत ज्यादा आना चाहिए, स्पेशली दिस मैप। बिल्कुल, मेरा मार में लगता है रमजान का टाइम था, सारे शैतान प्रिजन में जमा कर दिए थे, लेकिन अब वापस से प्लेन पाथ हमारे पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्लेन पाथ की अगर डीमन देखा जाए तो हम लोगों को प्लेन पाथ लाड्रिला की नॉर्दर्न साइड से ज्यादा वो कैंपो मिला डार की जाने बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वापस एक डायगनल प्लेन पाथ, अभी तक हम लोगों को भी स्ट्रेट प्लेन पाथ नजर नहीं आया था, तो वापस से लॉस लियोनो सिस्टम पे थोड़ा सा दूर जाता हुआ, जैसा लास्ट टाइम पे हमने देखा ताइयर जैसी टीम को जुमा सेरा के इलाके में हम लोगों को उतरी थी, वहाँ पे फाइट के अंदर इन्वॉल्व भी होती हुई दिखाई देती थी, लेकिन वापस से रोटेशनल करती हुई हम लोगों को लॉस लेने जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब देखना ये कि यहाँ पे आई एट किस तरह से स्ट्रेटेजी हम लोगों को खेलती हुई दिखाई दे रही है, बाकी जो टीम्स हैं वो किस तरह से हम लोगों को खेलती हुई दिखाई देंगी। एग्जैक्टली यहाँ पर देखते हैं कौन सी टीम किस तरह यहाँ पर रोटेट करती है, किस तरह खेलती हुई जाती है, बट ये फ्लाइट पाथ अभी कुछ ही देर बाद डिसाइड करेगा कि कौन सा क्लैश के अंदर जाने वाले हैं। वी नो दैट कि सैन मार्टिन की एरिया के अंदर स्पेशली पिछले मैच के अंदर टीएमडब्ल्यू एंड टीम क्वालिटी जिनका मुकाबला यहाँ पर वो जो जहाँ पर मिराडो खड़ी हुई गोल्डन मिराडो वहाँ पर हमें फाइट देखने को मिली थी, उसके बाद का बात करें टीम आई एट अपने सफर के लिए यहाँ पर चल चुकी है अपनी रोटेशन के मतलब अपनी ड्रॉ स्पॉट के ऊपर जाके लूट करने के लिए रेडी हो चुकी है। दूसरे की बात करें टी ट्वेंटी यहाँ पर भी सैन मार्टिन उतर चुकी है, और ये फाइट तो बनती है बॉस, इस फाइट की ही तो इस फाइट के तो इंतजार था सबको कि यार ये फाइट होगी और होगी कि नहीं होगी, पिछले मैच के अंदर तो नहीं हमें देखने को मिली, बट इन दिस मैच हमें देखने को मिल चुकी है। सर्कल मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया, वो दिखा दिया, सर्कल भी हम लोगों ने देख चुके हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो टी20 के प्लेयर्स इस टाइम पे उतर चुके हैं, और जो लूट का सिनेरियो उनको भी पता है कि सामने जो टीम्स हैं वो आ चुकी हैं, तो जितना जल्दी आप लूट का सिनेरियो वो करते हुए दिखाई देंगे तो ही आप यहाँ पे जो विन विन सिचुएशन है वो करते दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे आईएट के प्लेयर्स की बात की तो वापस से वही प्लान है, थोड़ा सा उतरेंगे स्लो एंड स्टेडी रोटेशन करने की कोशिश की जा रही है, पहले उतरेंगे कैप्चर करेंगे एरिया को, जितनी भी मतलब आपकी जो बेसिक नीड होती है लूट की वो पूरी करने के बाद व्हीकल को स्पॉट करते हुए लॉस लेने उस बढ़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उस सारे सिनेरियो के बीच में क्या यहाँ पे जो फाइट है वो बनती दिखाई देगी, लेकिन पुष्पा आते हुए एक बहुत ही प्यारा टैप टैप M16 के साथ यहाँ पे दिए जाते हैं, और जो पहला फ्रैग है वो स्टार्टिंग से जनरेट करने की कोशिश करने में कामयाब भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली पुष्पा यहाँ पे कहते हैं पुष्पा पुश करेगा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं उसी के साथ देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर आगे टीम आई खेलते नजर आती है। बैक एंड पर टीम R3D यहाँ पर जरूर नॉक जनरेट करते हुए नजर आ रही है, लेट्स मूव टुवर्ड टीम R3D। R3D के बिल्कुल सामने यहाँ पे प्लेयर्स आने वाले हैं, नॉक फिनिश कंप्लीट, एक किल ड्रॉलिन के ऊपर कंफर्मेशन यहाँ पर निकालते हुए, दो किल्स बल्कि यहाँ पर टीम R3D के हाथ में आ चुके हैं। R3D इज प्लेइंग वेरी अग्रेसिव, और यहाँ पर अगर बात की जाए टीम R3D की, नो डाउट दिस रोस्टर इज प्लेइंग वेल, और यहाँ पर अगर बात की जाए एक सिनर्जी की, कुछ टाइम लगता है हर नई टीम के अंदर नए प्लेयर्स को यहाँ पर अपने एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने का सीखने का। तो मेरे ख्याल से एनोबिस इज ए परफेक्ट गाय जो कि प्रॉपर अपने बॉयज़ को ट्रेन कर सकते हैं, बट रेज की बात कीजिए, रेज के लिए ये अर्ली क्लैश अच्छा साबित नहीं हुआ, दो प्लेयर्स को यहाँ पर नॉक फिनिश कंप्लीट कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि आगे की कहानी यहाँ पर किस तरह बन के आती है। मोकी साहब बिल्कुल, फर्स्ट मैच की बात की जाए तो एक उन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री बनाने की कोशिश जरूर से करे थे, लेकिन वहाँ पे
फर्स्ट मैच में भी थोड़ा सा लक नहीं चला था, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो चिराग है थोड़ा सा बुझता जाता हुआ बाकी टीम्स के साथ यहाँ पे जो कन्फ्रंट करेंगे, और आहिस्ता से जो चिराग की जो शम है वो थोड़ी सी हम लोगों को डिम होती दिखाई दे रही है। और इस टाइम पे आखिरी मैच की बात की जाए आज के दिन की, तो इसमें भी हम लोगों को दो प्लेयर्स डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आई गेस लक भी काफी एक फैक्टर होता है डीमन, ये तो सारे ही मानते हैं पबजी के अंदर, तो आई गेस यहाँ पे जो लक है वो साथ जरूर से नहीं दे रहा। लेकिन वहाँ पे दूसरी बात की जाए तो R3D की भी मेहनत हम लोगों को दिखाई दे रही है, जैसे हम यहाँ पे आपने भी बात की कि न्यू स्क्वाड और यहाँ पे सिनर्जी बैठने भी टाइम लगेगा, और अगर इस टाइम पे अगर स्टार्टिंग में इतनी अच्छी गन पावर दिखा रहे हैं तो जैसे ही यहाँ पे जब सिनर्जी बैठ जाएगी तो उस टाइम पे तो ये टीम हम लोगों को आर्टिस्ट बॉम्ब की तरह परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। एग्जैक्टली मोकी, और नो डाउट बेशक रोस्टर नया रहने वाला है बट प्लेयर्स एग्रेसिव, वॉल्कर एवरीवन नो हिम, उसके बाद वॉल्कर वापस आ चुके हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, और उसके बाद डायरेक्ट फेल, मैं आई एम डैम श्योर के लड़का भी कोई कोई हैवी प्लेयर होने वाला है R3D हॉक, नो डाउट। अगर बात कीजिए प्लेयर्स की, अगर बात कीजिए प्लेयर की हिस्ट्री की अगर बात कीजिए तो ये लड़के वो रहने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छा आगे परफॉर्म कर सकते हैं। बट दोस्तों जितनी भी यहाँ पर हमारी ऑडियंस रहने वाले हैं उन सबसे यही गुजारिश रहेगी कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखें यार, और ताकि वो सारे एक दूसरे से आपकी बातों से मोटिवेट हों और अच्छा खेलें और अच्छा परफॉर्म करें। किसी को कहना कि आप बुरे हो तो वो बल्कि उसकी मोटिवेशन नहीं है अगर आप किसी को इस तरह ट्रीट करते हो आप उसको, क्योंकि नो डाउट अगर उसका दिन बुरा भी गुजरा तो बल्कि बुरे दिन भी इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, हार भी आती है जीत भी आती है, बट उसको सेलिब्रेट कैसे करना है और उस और हार को बल्कि अपनी मोटिवेशन में कैसे तब्दील करना है उसको अपने चाहने वालों से ही वो चीज़ें मिलती हैं। आप सबके चाहने वाले बने, आई एम डैम श्योर के पाकिस्तान की कम्युनिटी बहुत आगे जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और यहाँ पे पबजी की अगर हम लोग स्पेशली डीवन बात करते हैं तो हार और जीत इसमें लगी रहती है, एक टाइम पे आपने जीता है तो अगले टाइम पे एक टीम आपने हारी है तो अगले टाइम में आप जीत भी आएगी, बस यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है उसको छोड़ना नहीं है, और यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो मैक्स ए मैन परफेक्ट, तो ये सिचुएशन सारी हम लोगों को देखने को नजर आएगी, और सारी टीम इसी के साथ चलते बनते हुए हम लोगों को हेल्दी टूर्नामेंट के अंदर कम्पीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे QE की बात की जाए तो QE के राफे डाउन है, सरदार जी भी डाउन होते हुए कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पे क्लाउन की बात करें तो क्लाउन क्लोजिंग करने की कोशिश करते हुए बैरल के साथ M762 के साथ क्लोजिंग करेंगे, और यहाँ पे जो जायरो जे है उनको डाउन जरूर से कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे एक प्लेयर पूरा जैसे खो दिया जाता है। डेफिनेटली जब आप लॉन्ग रेंज के अंदर फाइट एंगेज करते हो, जब स्प्रिट में खेलते हो तो इस तरह से थोड़ा सा आपके लिए बैड लक हो सकती है, तो इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे QE के प्लेयर्स को देखा, दो प्लेयर्स पूरी तरह से बिखर चुके हैं, लेकिन स्टार के हंक ओपन से अंदर आने की कोशिश करते हुए जायरो जे को आई गेस बचाने की कोशिश करते हुए रेस्क्यू मिशन के तहत आए जरूर से थे, लेकिन इनकी जो कूप है उसको भी काफी ज्यादा डैमेज देते हुए अगर बस्ट आउट हो तो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है, लेकिन क्लाउन के पास एक हाइट का एडवांटेज था, वहां पे जो पिक्सल स्पॉट होते हैं ऊपर से जब हाइट के ऊपर वो एक कनेक्शन बनाते हुए उनको भी डाउन कर दिया जाता है, तो QE के प्लेयर्स एक प्लेयर को खोया जरूर से था, दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो भी ब्लीड आउट कर लेंगे, तो आई गेस एक फेयर ट्रेड इनकी तरफ से भी हम लोगों को देखने को मिली है, दो प्लेयर्स इन्होंने खोए, दो प्लेयर्स अगलों के भी टेक डाउन कर दिए जाते हैं। एग्जैक्टली मोकी, और यहाँ पर अगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, QE की फाइट हमें टीम स्टार के साथ इन रेंगल भी देखने को मिली, एंड वंस अगेन QE ही आती है इस एंगेजमेंट में वंस वापस से, जैरोजे यहाँ पर रहने वाले हैं, जैरोजे एंड दोनों बहुत बहुत बॉयज आ हेयर, और दोनों नॉक रहने वाले हैं, स्टार को चाहिए कि वो टीम फ्यूरी को चाहिए थोड़ा सा आगे क्लोज करे, बट आई डोंट थिंक सो दिस इज़ पॉसिबल कि यहाँ पर फ्यूरी जो है आगे क्लोज करके यहाँ पर एंगेजमेंट को कम्प्लीट करे, बट फ्यूरी आई थिंक यहाँ से रोटेट कर चुके हैं इन दिस ग्राउंड, वो ये फाइट नहीं लेना चाहते, एंड आई थिंक दिस इज़ गुड कि इतना मतलब कि भी एक अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया कि अभी इन वेरी अर्ली स्टेजेस इस तरह के हार्ड डिसीजन ऑल अलोन नहीं लेने चाहिए, वो प्लेसमेंट की तरफ अब मेरे ख्याल से अब वो वर्क करेंगे कि यार कि इन फ्यूचर कहीं वो बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वो अगर उनकी टीम यहाँ पर इस तरह एलिमिनेट हो जाती है तो उसको आगे क्या करना चाहिए फॉर स्कोर कार्ड। बिल्कुल, यहाँ पे दो प्लेयर, एक प्लेयर नॉक जरूर से था, दूसरे स्टार के प्लेयर्स आए थे रिवाइव देने के लिए आए थे ओपन के अंदर, तो डेफिनेटली जो प्लेयर्स थे उनके पास भी गन पावर रहती है, और ओपनर की यहाँ पे रिस्पेक्ट दिखाई जाती है बाकी दो प्लेयर्स की जाने से, दो प्लेयर्स को छोड़ के जो अपना सफर है पॉइंट टेबल के ऊपर यहाँ पे जो जो आपकी जो स्ट्रगल होती है वो करते हुए एरिया को रिट्रीट आउट कर लिया जाता है, तो एक अच्छा डिसीजन स्टार के प्लेयर्स हम लोगों को मेकआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे T20 के प्लेयर्स की बात की तो TG के साथ यहाँ पे जो फाइट है उसके अंदर इंगेज किया जाता है,
अगर देखा जाए तो वोल्ट्रेक्स को अर्ली स्टेज ऑफ द मैच खो दिया जाता है, लेकिन 3v4 की फाइट के अंदर आप देखने कि यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं टीजी के प्लेयर्स पूरी तरह से घेर लिया जाता है 1v1v1 के स्प्लिट में। डीमन तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है, एक प्लेयर से बचो के पीछे से अगर आप थर्ड पार्टी एंगल निकल जाता है तो आपके ऊपर भी कैजुअलिटी निकाल सकते हैं। तो आप देखना ये कि T20 के ऊपर जिस तरह से यहाँ पे दबोचने की कोशिश की जा रही है, क्या उसमें जो कामयाबी भी लेके जाएंगे या यहाँ पे T20 के प्लेयर्स आउट ऑफ द सिलेबस आएंगे और यहाँ पे जो एक बहुत ही सरप्राइज मूव देंगे। लेकिन ग्रेविटी आते हुए शपाटर को डाउन कर दिया जाता है, एबल बॉय कन्वर्ट करने की कोशिश करते हुए, लेकिन एबल बॉय के ऊपर भी काफी ज्यादा शॉट लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन कवर उनके पास था। एक बहुत ही खूबसूरत रिटेलिएशन, लेकिन एक नेड आता हुआ ग्रेविटी की जाने से इवल बॉय को भी यहाँ पे डाउन कर दिया जाता है। तो देखा जाए तो इस टाइम पे जिक्स बॉय आखिरी सर्वाइवल बचेंगे अपनी टीम के लिए। तो आप देखना ये कि वो किस तरह से अपने जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको या तो रिवाइव दे पाएंगे या जो अपना बदला वो लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिक्स बॉय पूरी तरह से घुसने की कोशिश करने की कोशिश दूर से करेंगे, लेकिन वहां पे एक फ्रैग जनरेट करते हुए वापस बिल्डिंग को सराउंड करेंगे। लेकिन पीछे से रेज के स्क्वाड आता हुआ थर्ड पार्टी एंगल, तो इसी पार्टी एंगल्स की हम लोग बात करते हैं डीमन, वो रेज का स्क्वाड आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन डीडी के स्क्वाड के ऊपर बबलू का जो बयान आते हुए फाइट के अंदर इंगेज करेंगे, तो हम लोगों को मल्टीपल फाइट्स एट अ टाइम इंगेज होती हुई दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली, बट ट्रिपल डी लेट्स सी थग यहां पर जिस तरह उनको यहां पर कुछ बुलेट्स कनेक्ट होती हैं जल्दी से यहां पर लेट जाते हैं आराम सुकून से, बिकॉज यहाँ पर क्लोज में एक टीम आ चुकी है विच इज़ बबलू। बबलू यहाँ पर लेट्स सी किस तरह का खेलते हैं। जुबियान की अगर बात की जाए, जुबियान क्लोज करते हुए नजर आ रहे हैं। हंटर यहाँ पर ये जान चुके हैं कि अब नेड आने वाला है, कुछ इस तरह का सीन आने वाला है। जुबियान को भी सपोर्ट किया जाता है और जुबियान को नॉक कौन कर रहा है? जुबियान को करें टफ के एडगर नॉक। और यहाँ पर अगर बात की जाए DT DDD के बॉयज, जो DDD बॉयज रहने वाले हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट मिल रही है टफ की जानिब से। और साथ ही साथ अगर बात की है इनको भी बैक एंड से जो टीम तंग कर रही है, जो टीम डिस्टर्ब कर रही है, वो भी यहाँ पर आई थिंक टफ रहने वाले। बिल्कुल, काफी दूर से यहाँ पे जो फाइट है वो उसके अंदर यहाँ पे टफ एंट्री मारती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देखा जाए तो डीडीडी के प्लेयर्स और यहाँ पे जो बबलू के प्लेयर्स हैं वो काफी ज्यादा नजदीक दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे से थर्ड पार्टी एंगल्स, तो एट अ टाइम जैसा मल्टीपल फाइट्स की बात हम लोग करते हैं वो हम लोगों को हैपनिंग होती ये नजर आती दिखाई दे रही है। लेकिन डीडी के प्लेयर्स की बात की जाए तो थग अपनी टीम से थोड़ा सा आगे फ्रंट लाइन पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे फ्रंट लाइन पे जब आप लड़ते हो अगर कोई प्लेयर हल्का सा मूव करता है तो आपके पास एक पूरी तरह से इंफॉर्मेशन आ जाती है पीछे से, अगर टेली करते हो अपनी बाकी टीम से तो एक स्ट्रेटजी बनती है और आप उसके अराउंड रोटेशन भी कर सकते हो। तो एक काफी अच्छी स्ट्रेटजी हम लोगों को टीम्स खेलती हुई दिखाई दे रही है, और ये एक्सपीरियंस भी हम लोगों को यहाँ पे जो देखने वाले हैं उनको भी यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो अब देखना ये कि यहाँ पे बबलू के जो जुबियान अपनी टीम से आगे ही जरूर से गए थे, उनको यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो दी जाती है बाकी ओपनर की टीम की जाने से। लेकिन अभी भी तीन प्लेयर्स स्ट्रगल करने की कोशिश की जा रही है, उनकी जो कन्फ्रंट करने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखना ये कि यहाँ पे जो 3v4 की फाइट है उसके अंदर बबलू के प्लेयर्स किस तरह से खेलेंगे। लेकिन वहाँ पे टफ के प्लेयर्स की बात की तो टफ के प्लेयर्स भी एरिए के सराउंड करने की कोशिश की जा रही है, और H2A की एक और टीम हम लोगों को डीमन एंट्री मारती हुई दिखाई दे रही है। तो बबलू के ऊपर कहीं ना कहीं हम लोगों को दो तरफा फाइट है वो आती हुई दिखाई दे सकते हैं, लेकिन थग भी फंस चुके हैं इस टाइम। एग्जैक्टली, बट अगर बात की जाए एक स्प्लिट आप देख सकते हो टीम H2E का और H2E का, ये स्प्लिट DDD के बॉयज के लिए भी बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है और साथ ही साथ ये भी काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। जो इंस्टेंस के पास एक अच्छा स्पोर्ट रहने वाला है जहाँ पर वो DDD को भी काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो दूसरे बॉय जो है हमारे टार्जन भाई, टार्जन के पास भी यहाँ पर एक अच्छा स्पोर्ट बन सकता है। लेट्स सी कि क्या बनता है। बट रेज के बॉयज़ की बात करें, रेज के बॉयज सेंट मार्टिन वाले एरिया के अंदर बड़ी धूम मचा रहे हैं, टीम क्वालिटी को भी अब टेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उन्होंने पहले आके क्वालिटी को हेल्प आउट किया है, इसी साथ ही साथ अब क्वालिटी को यहाँ पर टफ टाइम देखने को मिल रहा है। बट दूसरे साइड पर अगर टफ के बॉयज की बात करें, टफ के बॉयज लियोन को भी यहाँ पर नॉक फिनिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही क्या मैं ये फाइट दिखाऊँ जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुई, क्या मैं टफ की तरफ जाऊँ, क्या मैं रेज की तरफ जाऊँ। बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल वाली सूरतेहाल हम लोगों को यहाँ पे देखने को नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये भी है कि हम लोगों को जो ट्रिगर कंट्रोल है टीम की जाने से वो नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, वेट की जा रही है बिल्कुल भी
जिस तरह यहाँ पे अकाबी नजर होती है आसपास ऑटोमेटिक होने की यहाँ पे वजह से घुमाई ना जा रही है एक कि अगर कोई प्लेयर प्लेयर आता है, अगर कोई गलती की जाती है उसको ओहो पिकअप करेंगे और यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो दी जाएगी, तो सारे के सारे हम लोगों को बात तो सही है। जो मार्जिन ऑफ एरर है वो काफी तक कम करते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन वहाँ पे टफ के प्लेयर्स की बात की जाए तो TFD के साथ जो फाइट थी वो एंगेज होती दिखाई दे रही। ESP को इस टाइम पे डाउन जरूर से किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कवर फायर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि अगले जो प्लेयर्स हैं वो क्लोजिंग ना कर सके और वो जो रिवाइवल का प्रोसेस एग्जीक्यूट करने में आसानी हो। लेकिन TFD के प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं हम लोगों को फील्डिंग सेट करते दिखाई दे रहे। और यहाँ पे TFD के प्लेयर्स के अगर देखा जाए तो दो प्लेयर्स डीमन एलिमिनेट हो चुके हैं, तो अब जो दो प्लेयर्स रह चुके हैं वो किस तरह से खेलेंगे। लेकिन कायरो के ऊपर बहुत ही खूबसूरत नेट आता, वो स्प्लैश डैमेज प्रोवाइड करेगा, लेकिन ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन। लेकिन एलिमिनेट हुए नहीं थे अभी तक, यहाँ पे सर्वाइव जरूर से कर रहे हैं। हील को पॉप अप कर लिया जाता है, लेकिन टफ के प्लेयर्स अभी भी एरिया को सराउंड जरूर से करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं TFD के जो प्लेयर्स हैं उनके पास थोड़ा सा स्प्रेड खेला जा रहा है, तो कवर फायर अब देखना ये कि वो किस तरह से एक दूसरे को प्रोवाइड करेंगे। एग्जैक्टली बट बैक एंड से टीम I8 का आना, टीम I8 वी नो दैट गोस भाई यहाँ पर सुन चुके हैं कि कुछ गोलाबारी तो चल रही है बॉस यहाँ पे क्लोज में, और नाउ मिस्टर ब्लैक जो है स्काउट के लिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट जरूर किया जाएगा, एडगर के लिए मुश्किल सूरत हाल, और ये सूरत हाल जो है एडगर यहाँ पर देखते हैं किस तरह यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, और मेरे ख्याल से सपोर्ट कर चुके हैं, मिस्टर ब्लैक को देख चुके हैं कि क्या सीन रहने वाला। बट यहाँ पर जैसे मिस्टर ब्लैक को देखेंगे, मिस्टर ब्लैक ने यहाँ पे पिन पॉइंट लोकेशन करनी है, और गोस्ट जो है यहाँ पर आराम सुकून से इस नॉक को जनरेट करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल I8 की टीम भी हम लोगों को थोड़ा सा चार्ज संभालती हुई दिखाई दे रही है ओपन के अंदर। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल जरूर से होता है जब आप ओपन में होते हैं कि पीछे से अगर कोई टीम रोटेट करती है तो आपके ऊपर थोड़ा सा अगर एंगल निकाल ले जाए तो डाउन जो से कर जाता है। लेकिन यहाँ पे I8 के प्लेयर्स की बात की जाए तो उनको एरिया की थोड़ी सी रीड है, मिरा मार थोड़ा सा उनका फेवरेट मैच भी आप लोग कह सकते हो, तो उनको पता कि यहाँ पे किस तरह करना है। लेकिन यहाँ पे गोस्ट की बात की जाए, गोस्ट के पास बहुत ही खूबसूरत चांस था, डाउन जो से कर सकते थे, लेकिन अगले प्लेयर का लक भी था, उनके पास एक कवर दूर से रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक और प्लेयर की बात की 777 के हत्थे चढ़ते हुए उनको भी पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो टीम टफ इस टाइम पे I8 के साथ फाइट के अंदर इन्वॉल्व होती दिखाई दे रहा है। रिव्यूज की बात की जाए पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी तीन प्लेयर्स I8 के हम लोगों को मौजूद नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो टफ अब देखना ये कि क्या टफ टाइम दे पाएगी I8 की टीम को, या एक दफा फिर से हम लोगों को I8 की टीम इस टाइम पे विन विन सिचुएशन करते दिखाई देगी। क्योंकि जैसे लास्ट टाइम पे हमने गोस्ट की परफॉर्मेंस देखी थी, अकेले किस तरह से डोमिनेट करते हुए हम लोगों को अपनी टीम को #4 उठा के लेकर गए थे। एग्जैक्टली और यहाँ पर अगर बात नो डाउट जिस तरह ये टीम एक दूसरे के लिए मतलब अपनी अपनी टीम को लेके चलते हुए नजर आ रहे होते हैं, देखते हैं कि अगले अगले मैच के अंदर, इस मैच के अंदर किस तरह परफॉर्म करते नजर आती है टीम I8। टीम टफ नो डाउट इस मैच के अंदर टीम I8 का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज ऑफ द स्कोर कार्ड। आज के दिन का जो स्कोर कार्ड बन के सामने आएगा चार मैचेस का, वो ज़रूर देखने लायक होने वाला है, बिकॉज हर टीम ने परफॉर्म किया बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। एक चिकन TMW निकाल चुकी है, जा चुकी है एक FS, एक R3D, और चौथा मैच यहाँ पर किसके नाम होने वाला है, नोबडी हैव एन आइडिया, एनी गेसेस चैट, कोई गेस्ट रहने वाला है। गोस्ट यहाँ पर भी स्पॉट आउट हो जाते हैं, यहाँ पर नॉक हो जाएंगे एडगर की जानिब से। टफ जो है अब जो फाइनली चार्ज करना चाहेगी, गोस्ट यहाँ पर अकेले ही क्लोज कर जाते हैं, जो कि बैक एंड से स्पोर्ट की डिमांड थी वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती। तो बट अगर बात की जाए यहाँ पर मिस्टर ब्लैक जल्दी जल्दी आते हैं ताकि गोस्ट को रिवाइव किया जा सके, बट थोर को अंदाज़ा हो चुका है कि एक बगी क्लोज में आ चुकी है। नाउ यूटिलिटीज़ का यूज़ अगर होता है तो ये एक मजेदार गेम हो सकती है, बट अगर बात की जाए टफ की, टफ के बॉयज भी यहाँ पर नॉक रहने वाले। बिल्कुल, और थॉर की बात की जाए तो वो वेट करते कि जो उनका नॉक प्लेयर है उसको रिवाइव दिया जाएगा, तो सारे के सारे प्लेयर्स, वो जो दो प्लेयर्स इस टाइम पे हम लोगों को फाइट से थोड़ा सा डिसएडवांटेज नजर आ रहे हैं, वो जब आएंगे तो फाइट के अंदर एग्रेस करेंगे। लेकिन वहाँ पे थॉर अंदर आने के तो मिस्टर ब्लैक को डाउन करेंगे, गोस्ट को भी डाउन करते हुए अकेले आते हुए 1v2 की सिचुएशन क्रिएट की जाती है, उसको अपनी तरफ खींचा भी जाता है और जीत भी जाया जाता है, तो काफी अच्छा। जिस तरह वो जो पेशेंस कहते हैं, आप सबर का फल मीठा होता है, वो हम लोगों को मीठा फल तोर खाते हुए दिखाई जरूर से दिया जाता है, और उसका नुकसान हम लोगों को I8 दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली नुकसान जो है I8 ने उठाया भी है यहाँ पर। बट टफ की बात करें, टफ एक एडगर आप देख सकते हैं, एक हाई ग्राउंड में रहने वाले DDD एंड T20 के बॉयज बिल्कुल साथ ही साथ चलते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वुल्वरी ग्रेविटी एंड खान 420 यहाँ पर रहने वाले हैं, इन्हें क्लोज रेंज है, लेट सी कि क्या रहने वाला है। एक इक्वल एंड एक फेयर फाइट हमें बनते हुए नजर आ सकती है, बिकॉज तीनों मतलब दोनों प्लेयर्स के पास तीन तीन प्लेयर रहने वाले हैं, और ये 3v3 की फाइट, वी नो दैट ये एरिया तो रहता है हमारे क्वालिटी बॉयज का, क्वालिटी का ये होम ग्राउंड रहेगा, होम ग्राउंड के अंदर किस तरह परफॉर्म करते हैं
देखते हैं कि भी उसी जैसा, बल्कि होम ग्राउंड तो नहीं रहने वाला है, बाय बैड, बट लेट्स सी कि यहाँ पर किस तरह का सीन रहता है। यहाँ पर टीम क्वालिटी, ग्रेविटी के पास एक अच्छी लोकेशन रहने वाली है, ग्रेविटी यहाँ पे नॉक निकालते हैं, नॉक जनरेट करते हैं, बट हंटर यहाँ पर थोड़ा सा क्लोज करेंगे और इस हंटर की यहाँ पर क्लोजनेस जो है ग्रेविटी के लिए काफी मुश्किल बन सकती है। बिल्कुल। और यहाँ पे एक फेयर ट्रेड भी हम लोगों को देखने को नजर आई है। एक प्लेयर यहाँ पे इन्होंने अपना नॉक करवाया था, तो यहाँ पे कवर फायर देते हुए ओपोनेंट का भी एक प्लेयर डाउन कर दिया जाता है, लेकिन हंटर के ऊपर ग्रेनेड्स का स्पैम आता हुआ दिखाई दिया जाता है, कुछ फ्लैग डैमेज के ऊपर पड़ा जरूर से जाता है, लेकिन अपने आप को कवर के अंदर पुश करते हुए अभी तक तो सेव कर रहे हैं, हील को पॉप अप कर लिया जाएगा, लेकिन थक की बात की जाए तो अपने पार्टनर से थोड़ा सा ओपन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कोई दूसरी टीम स्पॉट कर लेती है या सामने क्वालिटी के प्लेयर्स की, अगर इनको T20 के जो प्लेयर्स हैं ओपन में अगर इनको स्पॉट करते हैं तो डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा डिसीजन उनके पास हार्ड कंपाउंड के अंदर, हार्ड कवर के अंदर अपने आप को पुश करेंगे, जो रिवाइवल का प्रोसेस है वो भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। और एक अच्छी बात इस टीम के लिए ये रहने वाली है, जोन के अंदर मौजूद है, तो अगर जोन के बाहर फाइट होती टीम में तो कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा हो सकती थी। तो अभी भी यहाँ पे देखा जाए तो रिवाइवल का जो प्रोसेस है एग्जीक्यूट किया जाएगा, वापस ऑन फुट आएंगे और वो जो फाइट है उसको वापस से फर्दर परस्यू किया जाएगा आगे। एग्जैक्टली H2E के दो प्लेयर्स यहाँ पे नॉक फिनिश कंप्लीट हो चुके हैं, जॉनी एंड टार्जन, बट यहाँ पर असद एंड कियानती दोनों प्लेयर्स यहाँ पर रहने वाले हैं। बिल्कुल सामने जैगवार एंड क्लाउन दोनों काफी पुराने प्लेयर यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं, काफी एक्सपीरियंस इनके पास भी रहने वाला है। असद एंड लेट्स सी कियान इस यहाँ पर किस तरह परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं और किस तरह की गेम बन के सामने आती है। बट मो की आज का दिन, ये जो आज का दिन रहने वाला है ब्लैक लाइट की मेरे ख्याल से हिस्ट्री का आज सबसे अच्छा दिन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पहली दफा किसी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेप इन किया है फॉर ए गुड कॉज ऑफ ए कम्युनिटी, एक अच्छे कॉज के लिए यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आए और एक अच्छी गेम प्ले और अच्छी नजर आएगी। भाई आहिस्ता आहिस्ता अगर पाकिस्तान की हर टीम इम्प्रूव करे, मैं कहता हूँ कि भी कोई भी गेम यहाँ पर, कोई भी कंट्री की टीम जो है यहाँ पर किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को टक्कर नहीं दे सकती, इतना टैलेंट है पाकिस्तान की टीम्स में। बट टीम T20 के बॉयज यहाँ पर ओपनिंग निकालते हुए DDD के ऊपर वंस अगेन, और ये ओपनिंग जो है ओपनिंग का सिलसिला अभी भी जारी रहने वाला है। बट अगर एक एक सैड न्यूज़ ये रहेगी सर इन सब बॉयज़ के लिए कि भाई सर्कल के अंदर नहीं रहेंगे। बट हंटर की बात करें, हंटर ये चीज़ जानते हैं और जल्दी से जल्दी सर्कल के अंदर मूव करने की कोशिश करेंगे, पर सर्कल के अंदर बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा। बट एडगर की बात करूँ, एडगर ने भी सर्कल के अंदर मूव करना है, टीम T20 ने भी सर्कल के अंदर मूव करना है। बट दूसरे एंड पे का बात कीजिए हंटर एंड अदरवाइज QE की बात करूँ, QE बिल्कुल सेंट्रलाइज पोजिशन के ऊपर रहने वाली है, और सेंटर में पोजिशन की एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है जो भी लेफ्ट राइट अप डाउन जिस साइड से भी आ रहा है सबकी नजर सेंटर पॉइंट पे ही होती है। बिल्कुल, थोड़ा सा आपको बचना मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पे TMW के स्क्वाड की बात की जाए वो भी हम लोगों को पीछे नजर आता है, वो QA के दिखाई दे रहा है, तो उनके पास भी थोड़ी सी जोन के अंदर एंट्री इजीली हो जाएगी, क्योंकि उनको कोई गेट कीप करने वाला है नहीं है। तो अब देखना ही कि यहाँ पे किस तरह से खेलते दिखाई देंगे। लेकिन वहाँ पे R3D के प्लेयर्स की बात की जाए, लास्ट टाइम पे भी इनका काफ़ी खूबसूरत मैच गया था, वापस से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनकी जानब से नजर आती दिखाई दे रही है। कियान को स्पॉट जरूर से किया जाता है वॉकर की जानब से, लेकिन उनके पास रेंज था और लॉन्ग रेंज पर थोड़ा सा बुलेट से वो कनेक्शन नहीं बन पाया अभी तक तो सिक्योर, लेकिन इस टाइम पे इनको जिस एरिया में मौजूद है हार्ड कंपाउंड डेफिनेटली एक नेमत होती है लास्ट जोन के अंदर, क्योंकि बचा जा सकता है, आप इजीली बच सकते हो ओपोनेंट्स के स्प्रेस के ऊपर। तो अब देखना है ये कि यहाँ पे डीमन R3D के स्क्वाड यहाँ पे किस तरह से इस एरिया को डिफेंड करता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। एग्जैक्टली यहाँ पर देखते हैं वोल्कर किस तरह यहाँ पर सपोर्ट करता है बॉयज़ को, क्योंकि यहाँ पर ही नो दैट कि हम सर्कल के अंदर आ चुके हैं, अब जो है बाकी टीमों से भी लिपटना है, क्योंकि लिपटेंगे नहीं तो यहाँ पर जिपटेंगे वो। बट TMW के बॉयज़ देखते हैं हसू यहाँ पर किस तरह आगे परफॉर्म करते हैं, मार लूँगा MVP, लेट्स सी के किस तरह मारते हैं TMW के ये बॉय, और बता के आए हैं। बट लुक एट दिस, एक खूबसूरत नेट के आन साइड से आता है, R3D के बॉय को नॉक कर दिया जाएगा। TH2E के आन यहाँ पर अच्छे ज़बरदस्त किस्म की गेम प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, और TMW जो कि बिल्कुल सर्कल के अंदर रहती है, सर्कल किसके ऊपर जाने वाला है, यस हे यू गो टीम QE जैगवार एंड क्लाउन के पास सर्कल वंस अगेन उनके हाथ में फिर आता हुआ। बट एक सैड न्यूज़ R3D H2E TMW इन तीनों टीमों के लिए कि सर्कल में नहीं रहने वाले। बट दूसरे नेट पर बात कीजिए, जिस तरह हमने देखा परफॉर्म करते हुए पीछे साइड पर T20 के बॉयज नज़र आ रहे थे हमें, DDD के बॉयज नज़र आ रहे थे, वो दोनों टीमें हमें छोड़ के जा चुकी हैं इस वक्त। बट अभी भी सर्कल के अंदर जो टीमें आपको देखने को मिल रही हैं वो टफ QE R3D H2E एंड TMW प्लस बबलू, ये बॉयज डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं अभी भी इस लॉबी के अंदर। 16 प्लेयर्स रिमेनिंग बट 6 टीम लाइव ऑन दिस रेंगल मैप।
बिल्कुल, काफी जो टीम यहाँ पे जो प्लेयर्स का काउंटर है वो काफी ज्यादा हम लोगों को हैवी नजर आता दिखाई दे रहा है। एक प्लेयर को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाता है तो 15 प्लेयर्स स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं। ये अगर देखा जाए तो बबलू के प्लेयर्स और कहीं ना कहीं टफ की टीम आपस में फाइट लेने की कोशिश की जा रही है, 3v2 की फाइट। लेकिन वहां पे देखा जाए तो थॉर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, 3 वुल्फ एक स्प्रे दे सकते थे क्योंकि डेफिनेटली जब आप प्रोन होते हो तो काफी कंसिस्टेंट स्प्रे जाता है, लेजर स्प्रे जिसको हम कहते हैं। लेकिन वहां पे लेटे हुए जो बुलेट थी उनकी लैंड के ऊपर जो थी वो पड़ चुकी थी, तो इस वजह से थोर के पास जिस तरह यहाँ पे हम कहते हैं पबजी थोड़ा सा लक गेम होता है, तो यहाँ पे थोर के थोड़े से सितारे थे वो चमकते हुए हम लोगों को दिखाई जरूर से दे रहे थे। लेकिन अभी तक जोन के बिल्कुल एक एज पे खेलने की कोशिश की जा रही है इनकी जानब से, कि ऐसी रीच है कि हल्का सा आगे जाते हैं तो हर तरफ से जो एक नजरों में आ जाएंगे। तो अब देखना ही कि यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो किस तरह से अपना जो रास्ता है वो बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वहाँ पे जोकर अंदर गए हैं पीछे से थोर का बहुत ही खूबसूरत कवर फायर, लेकिन बबलू के पैन को इस टाइम पे डाउन कर दिया जाता है। वुल्फ की जानब से ग्रेनेड्स का स्पैम जोकर के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया जाता है, कुछ प्राइज में प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वहां पे देखा जाए तो बहुत ही प्यारा थोर अंदर घुसने की कोशिश करते हुए एक ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट जरूर से किया जाता है। लेकिन अब देखा जाए तो सामने जो रिवाइवल का प्रोसेस है वो भी एग्जीक्यूट करते हुए वापस ऑन फुट एंगल, और यहां पे 2v3 की फाइट के अंदर थोर को डाउन कर दिया जाता है। लेकिन जोकर अपनी टीम से थोड़ा सा दूर थे, जो कवर फायर है वो इजीली प्रोवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि रिच का सारा उनको थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर रहा था। लेकिन इस टाइम पे देखा जाए तो जो टफ के प्लेयर है वो आखिरी सर्वाइवल भी रह चुके हैं। लेकिन जैगुआर एक बहुत ही खूबसूरत M24 शॉट यहाँ पे कनेक्ट जरूर से कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा मिस आउट हो जाते हैं डीमन। यहाँ पर थोड़ा सा मिस आउट जरूर रहते हैं, बट जैगुआर के हाथ M24 लग गए तो सबको अपने सिर जरूर बचाने चाहिए, बिकॉज ही इज ए गुड स्नाइपर, काफी अच्छा स्नाइपर रहने वाला है। बट इससे पहले वो स्नाइपिंग का दिखा सके, अपने स्नाइपिंग के वो कहते हैं तजर्बे यहाँ पे कर सके किसी के सर के साथ, इससे पहले यहाँ पर स्पोर्ट कर लिया जाता है R3D के बॉयज के हाथों। बट यहाँ पर एक लकी पर्सन जो जैगवार के साथ जरूर रहने वाला है वो क्लाउन रहेगा, और क्लाउन यहाँ पर अपने बॉय जैगवार को जरूर रिवाइव कर लेगा। बैक इन गेम यहाँ पर आते हुए जरूर नजर आएंगे, बट R3D के बॉयज TMW के बॉयज के हत्थे चढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ वो टीम आगे और एग्रेस करते हुए नजर आ रही है। बबलू के बॉयज और क्लाउज करते हैं, जोकर के बॉय यहाँ पर क्लोज में रहने वाला है। यहाँ पर जोकर एक्शन कर सकता था, एक प्लेयर को नॉक करता है, बट बाकी पैन जो है एक अच्छा कवर प्रोवाइड करता है। दानी ही आगे बढ़ते हुए अब और हमें देखेंगे टॉप 3 टीम्स, दोस्तों टॉप 3 टीम्स रह चुकी हैं TMWQE एंड बबलू। प्रेडिक्शन चैट, लेट्स गो, प्रेडिक्शन करते हैं कौन सी टीम जीतेगी, स्पैम कर दो। और डीमन यहाँ पे अगर देखा जाए तो QoE की टीम आई गेस जोन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आएगी, क्योंकि तीसरा जोन बार पर इनको फेवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लोज वेसिनिटी के अंदर दिखाई जरूर से दे रहे हैं और बार पर जोन इनके ऊपर ही आ रहा है। तो अब देखना ये कि यहाँ पे जो सर्कल का किस तरह से कैपिटलाइज करेंगे। पीछे से बबलू के पास एक अच्छा एडवांटेज भी रहने वाला है, क्योंकि TMW की बात की जाए जोन के हम लोगों को ईस्टर्न साइड पर जरूर से रहने वाले, उनके पास एक एज रहेगा जरूर से। लेकिन अगर ओपन से आते हैं तो देखना ये कि अगर कोई उनके हाथ यहाँ पे जो नसीब में रिच ना हुई तो बबलू के प्लेयर्स और क्यूई के जो प्लेयर्स हैं वो इजीली उनको टेक डाउन भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली मोकी, ये चीज़ तो देखने लायक भी होगी कि किस तरह ये फाइट एंगेज होती है। राइट नाउ अगर आप देखो जिस तरह सिचुएशन बन चुकी है, आई एम गोइंग ऑन ईगल व्यू, हम हवाई व्यू देखते हैं कि एरियल व्यू यहाँ पर किस तरह बन के आता है। आप देख सकते हो बबलू के पास एक रिज का अच्छा एरिया मौजूद रहने वाला, बट बबलू सर्कल के अंदर नहीं रहती, जबकि QE के पास एक हार्ड कवर जरूर रहेगा जो कि हर आने वाली टीम को वेलकम करते नजर आएगी। बट एक चीज की कमी QE के पास जरूर रहती है, द मैन एडवांटेज, उनके पास सिर्फ 2 प्लेयर्स रहने वाले हैं, जबकि TMW एंड बबलू दोनों टीमों के पास 3-3 खिलाड़ी रहेंगे, और जबकि ये चीज टीम QE बिल्कुल रियलाइज नहीं करी। लुक एट दिस, बबलू की बिल्कुल एरिया क्लियर रहने वाला है, जबकि क्लाउन को इस कॉर्नर पे जरूर होना चाहिए था। इस कॉर्नर पे क्लाउन अगर होते एक अच्छी गेम प्ले बन सकती, बट टीम वुल्फ आगे क्लोज जरूर करना चाह रहे हैं, और जैसे ही क्लोज करेंगे एटलीस्ट जैगवार ये चीज नोटिस जरूर कर लेंगे कि यहाँ पर क्या बनने वाला। बट जैगवार का प्यारा नेड ये कहानी तब्दील कर सकता है। लुक एट दिस, हाउ मच डैमेज क्रिएट बाय जैगवार्स ग्रेनेड। और यहाँ पर अगर बात की जाए एक और खूबसूरत नेड आ सकता है, लुक एट दिस, ओ भाई साहब, यहाँ पर ग्रेनेड्स की बारिश की जा रही है। TMW के बॉयज ये अंदाजा कर चुके हैं कि अब जो है थोड़ा मुश्किल सीन बनता हुआ शायद हमें देखने को मिले, बट जैगवार के बॉयज अभी, जैगवार का जो क्लाउन बॉय रहने वाला है, दी MVP, लेट्स सी कि किस तरह यहाँ पर परफॉर्म करते नजर आता है। बट टीन वुल्फ यहाँ पर अपनी टीम के लिए जरूर कुछ प्लस पॉइंट निकालने की कोशिश करेगा, एंड ही जस्ट टुक अ नेड। बट दूर से अगर बात की जाए एक वो, ओ नो 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 नो, अपने ही देर से टीम वुल्फ यहाँ पर जाम हाथ होते हुए
अपनी कब्र खुद ही खोद दी जाती है। और यहाँ पे टीम अगर देखा जाए तो TMW वापस से वो जो हिस्ट्री है पहले मैच के अंदर, जैसे हम लोग कहते हैं जैसे आपकी स्टार्टिंग होती है वैसे इख्तिताम होता है, वेट किया जाता है उनकी जाने से। जैसा पहले मैच में रेज का स्क्वाड टफ के साथ फाइट लेता है, पीछे से बैक पे एंट्री करते हुए बैक स्टैब किया जाता है, उसी तरह हम लोगों को TMW का स्क्वाड अभी भी पूरी तरह से वेट करता है कि आगे जो टीम है वो पूरी तरह से एक दूसरे को खात्मा कर ले और फिर उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे। और इस टाइम पे देखा जाए तो अकेले जैगुआर रह चुके हैं, तो उसके साथ उनके जो दूसरे पार्टनर क्लाउन है, पूरी तरह से बबलू का स्क्वाड एलिमिनेट हो चुका है लेकिन TMW का स्क्वाड अभी भी मौजूद है। तो 3v2 की फाइट, नंबर्स इनके पास स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जैसा अभी हम लोगों ने बात की थी कि क्यूई के पास नंबर गेम स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन बबलू के स्क्वाड को जिस तरह से यहाँ पे कन्फ्रंट किया जाता है, तीनों के तीनों प्लेयर्स को एलिमिनेट करते हुए यहाँ पे अपने आप को टॉप टू के अंदर तो लेकर आ चुका है। लेकिन अब देखना ये कि क्या TMW के प्लेयर्स इनको इजाजत देंगे चिकन इन्हें करने की या नहीं। एग्जैक्टली मोकी, क्या इजाजत मिलती है कि नहीं मिलती, बट जैगवार यहाँ पर रहने वाले हैं। जैगवार एक प्लेयर को टेक डाउन करते हैं, बट TMW के दो बॉयज आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिग बॉस यहाँ पे क्लोज करते हैं, बिग बॉस को भी यहाँ पे नॉक करते हैं, एंड वन वी वन, लास्ट कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है। नेड आता है, ग्रेनेड यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, बट यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर जैगवार क्लोज करते हुए नजर आ रहे हैं। जैगवार का ये चिकन डिनर हो सकता है, वन शॉट एंड द गेम इज ओवर। ओह माय गॉड, व्हाट जस्ट हैपेंड, अमेजिंग अमेजिंग गेम प्ले बाय दिस बॉय TMW, what a gameplay! OMG, यहाँ पे हिस्ट्री वापस से आती हुई, दो कंजेक्टिव चिकन डिनर्स यहाँ पे निकाले जाते हैं, कंजेक्टिव तो नहीं कह सकते लेकिन दो हम लोगों को चिकन डिनर TMW की जाने से, स्टार्टिंग और जो एंडिंग है वो चिकन डिनर से, क्या खूबसूरत यहाँ पे जो स्टार्टिंग और एंडिंग है TMW की जाने से की जाती है। और वो जो हिस्ट्री का जो सफ़र है, देखा जाए तो ब्लैक लाइट का पहला दिन था, वो हिस्ट्री बनाई जाती है दो चिकन डिनर के साथ। और आने वाली टीम्स को अब देखना चाहिए कि कंपटीशन दिया जाता है कि हम लोगों ने पहले दिन के अंदर दो चिकन डिनर निकाले थे, तो आप भी यहाँ पे कंटेस्ट करो और यहाँ पे आप भी मेहनत करो और आप भी कर सकते हो। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ हम लोगों को टीम मोस्ट वांटेड के प्लेयर्स खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे किल्स की बात की जाए तो वापस से 10 किल्स के साथ ही, तो आई गेस पहले मैच के अंदर भी हम लोगों को 10 किल्स के साथ ही खेलते हुए नजर आए थे लोग। एग्जैक्टली एक प्लेसमेंट की प्रॉपर गेम प्ले इन्होंने की है। पिछले मैचेस अगर बात की जाए, पहला मैच अगर इन्होंने अच्छा निकाला है तो दूसरा तीसरा मैच भी अगर अच्छा निकाला है, उन्होंने उस मैच के अंदर भी एक अच्छी प्लेसमेंट के साथ गेम एंड की है। बट दूसरे पैक की बात की जाए, क्यू ई बना बनाया मैच जैगवार के हाथों से यहाँ पर निकल जाता है विद 6 किल। ये दिस टीम इज ऑन सेकेंड प्लेस ऑफ लास्ट लास्ट मैच, चौथे मैच के अंदर ये इनकी कंडीशन रहती है। बट बबलू टीन वुल्फ अमेजिंग अमेजिंग ग्रेनेड भाई, आज जो है ना बता के उसने, टीन वुल्फ ने आज बता दिया है कि नेट से कोई जाने वाला है, नेट चला गया है। टीन वुल्फ यहाँ पर अपने ही नेट से शहीद होते हुए, बट इट्स ओके, चलता है समटाइम। और नो डाउट अगर बात की जाए बैक एंड से TMW का जो प्रेशर था, टीन वुल्फ ने उसको अवॉइड करने के लिए भाई कवर के अंदर जाने की कोशिश की, और जैसे ही कवर के अंदर जाते हैं अपने ही नेट से शहीद हो जाते हैं। बबलू पैन विद 2 किल और साथ ही साथ दानी का 1 किल यहाँ पर रहता है, टोटल 4 किल्स के साथ तीसरे नंबर पे आते हैं, और ये तीसरे नंबर पे आके 14 पॉइंट्स अपने नाम कर लेते हैं। बट टफ की बॉयज़ की बात करूँ, टफ के बॉयज़ यहाँ पर आते हैं 9 किल्स के साथ चौथे नंबर के ऊपर। टीम R3D विद 4 किल्स 5 प्लेस, टीम H2E विद 3 किल्स 6 प्लेस, टीम DDD विद 5 किल्स 7 प्लेस, टीम क्वेटी T20 यहाँ पर 4 किल्स के साथ 8वें नंबर पे आती है, टीम II8 4 किल के साथ 9वें नंबर पे आएगी, टीम TFD विद 3 किल्स 10 प्लेस, FSK बॉयज 11वें नंबर पे, जबकि TG के बॉयज 1 किल करके 12वें नंबर पे आते हैं, स्टार के बॉयज 2 किल्स करके 13वें नंबर के ऊपर, रेज के बॉयज 14 नंबर के ऊपर, एंड NES विद 1 किल जो कि मैक्सी का 1 किल रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट पे आते हैं, अमेजिंग अमेजिंग गेम प्ले बाय ईच एंड एवरी सिंगल टीम। TMW आज के दिन के अंदर दो मैच के अंदर चिकन डिनर निकालती है, वन रेंगल एंड दूसरा ये लास्ट मैच मीरामार, मतलब कि भी दोनों के ये दोनों मैप्स के अंदर इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गेम हमें देखने को मिली है। बट दूसरे एडवे की बात कीजिए, R3D एक चिकन निकाल के जाती है और दूसरा चिकन डिनर लेके जाती है टीम FS। तो भाई इस तरह की गेम प्ले मेरे ख्याल से जिस तरह इतना सीरियस होके इस मैच को लेके आगे टीम चली, इंशाल्लाह आगे आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी कंडीशंस बनते हुए नजर आएंगी। बॉयज आपने करना क्या है, आपने हर टीम को सपोर्ट करना है, हर टीम को मोटिवेट करना है, जाते जाते मेरी तरफ से यही है। और इंशाल्लाह मैं और मोकी फिर किसी एक नई स्ट्रीम के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे और मोकी को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।